हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को एसएफएम चैप्टर नंबर 4 सिक्योरिटी वैल्यूएशन रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। देखिए, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, इस चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, यानी हमने सिक्योरिटीज़ का वैल्यूएशन सीखा। सिक्योरिटीज़ मतलब किसी भी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, इन सबकी वैल्यू पता करना सीखी। तो इसकी ज़रूरत क्या थी वैल्यू पता करने की, अगर मुझे रिलायंस का शेयर देखना है उसकी वैल्यू कितनी है तो मैं डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे देख लूँगा आज के दिन वैल्यू क्या चल रही है। पर इसकी ज़रूरत क्यों है वो समझिए। मान लीजिए रिलायंस का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे 2000 में ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे ये जानना है क्या मुझे आज के दिन ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या फिर ऑलरेडी अगर मेरे पास शेयर है तो मुझे क्या बेच देना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए, ये मुझे डिसीजन लेना है। तो उसके लिए मुझे उस शेयर की एक्चुअल डिजर्विड वैल्यू पता करनी पड़ेगी कि वो कितनी डिजर्व करता है वैल्यू, कितनी उसकी एक्चुअल में वर्थ है, कितनी उसकी एक्चुअल में इंट्रिंसिक यानी फेयर वैल्यू कितनी है उसकी, वो मुझे पता करनी पड़ेगी। सपोज मार्केट में 2000 में ट्रेड कर रहा है, उसकी फेयर वैल्यू मैं पता करता हूँ आती है मेरी नज़रों में 1800, इसका मतलब है कि मुझे ये परचेज नहीं करना चाहिए, और या फिर अगर मेरे पास है तो मुझे बेच देना चाहिए क्योंकि अभी मार्केट में प्राइस ज़्यादा है और जबकि एक्चुअल में इसकी प्राइस कम होनी चाहिए। तो ये डिसीजन हम इस चैप्टर में लेते हैं, इसलिए आपको सिक्योरिटीज़ का वैल्यूएशन देखना रहेगा। बहुत सिंपल चैप्टर है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपन ने बेसिक्स वाला पार्ट देखा था, इस चैप्टर में मैंने आपको कुछ बेसिक्स नोट डाउन करवाए थे, और ये सारे के सारे बेसिक्स आपके इंटरमीडिएट लेवल तक जो आपने एफएम में पढ़े हैं वो बेसिक्स हैं, जो कि पूरी एसएफएम में अब आपके काम में आने वाले हैं। इस चैप्टर में भी काम में आएंगे और बाकी पूरी एसएफएम में काम में आते हैं, इसलिए मैंने आपको नोट डाउन कराया था। तो सबसे पहले चलिए इनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक्स में मैंने आपको लिखवाए थे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में सबसे पहली चीज मैंने आपको नोट डाउन करवाया था, इनकम स्टेटमेंट एसएफएम पर्पस से क्या होता है। आप यहां पे अकाउंट्स को बीच में इन्वॉल्व मत करिएगा, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो आप पीएनएल बनाते हैं उसको मत समझिए, यहां पे सिर्फ एसएफएम पर्पस से क्या डिसीजन मेकिंग के लिए इनकम स्टेटमेंट होता है वो देखिए, जिससे कि हम रेशियो को एनालाइज करना सीख पाएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में काम में आते हैं। बीच में एक एक दो दो पॉइंट ऐसे डालता है फाइनल लेवल पे क्वेश्चंस में। तो देखिए, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में सेल्स ले लेंगे आप, उसमें से सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो प्रोडक्ट आपने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी वो लेस कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे आप ग्रॉस इनकम या ग्रॉस मार्जिन भी बोल सकते हैं। यानी क्वेश्चन में ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस इनकम कुछ भी वर्ड लिखा जाए समझ जाइएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट है। इसमें से अगर आप अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके बिजनेस के जो भी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी वगैरह, सेलिंग कमीशन वगैरह, ये सब अगर आप लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा ईबीआईटी, जिसे आप पीबीआईटी भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, ऑपरेटिंग इनकम भी और ऑपरेटिंग मार्जिन भी, किसी भी नाम से आए समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर इसमें से आप इंटरेस्ट के खर्चे लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा ईबीटी, जिसे आप पीबीटी भी बोलते हैं और टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स या टैक्सेबल इनकम, कोई भी वर्डिंग मिले समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। इसमें से अगर आप टैक्स लेस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे आप ईएटी, पीएटी, नेट प्रॉफिट, नेट इनकम या नेट मार्जिन कुछ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में इनमें से कोई सी भी वर्डिंग मिले समझ जाइएगा कौन सा प्रॉफिट दे रखा है, आफ्टर टैक्स दे रखा है, क्योंकि इन सब चीजों में बहुत कंफ्यूजन रहता है क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में। तो मैंने सारी चीजें यहां पे एक साथ नोट डाउन कर दी हैं बेसिक्स में। तो आपका जो पैट आया उसमें से अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट देंगे इस पैट में से, तो आपके पास बचेगा क्या, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसे अपन शॉर्ट में ईएटीईएसएच बोल रहे थे। और इसमें से अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपन डिविडेंड बांट देते हैं तो अपने पास बच जाएगी बिजनेस के पास रिटेन्ड अर्निंग, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसे प्रॉफिट जो बिजनेस ने किसी को नहीं बांटे हैं, अपने पास रिटेन करके रख लिए हैं। तो ये एक इनकम स्टेटमेंट आपके माइंड में फिट होना चाहिए, यहां से सारे रेशियोज और सारे चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी, जो भी बेसिक वाली कैलकुलेशन किसी भी क्वेश्चन में काम में आती है। चलिए इसके बाद देखिए एसएफएम पर्पस से बैलेंस शीट, लायबिलिटीज और असेट साइड, दो साइड आप ध्यान रखिए, जो ट्रेडिशनल बैलेंस शीट बनती थी उस अकॉर्डिंग। लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, सबसे पहले शेयर कैपिटल आप एसएफएम में जनरली हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल ही अज्यूम करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कोई दो चार क्वेश्चन में गिवन है पूरी एसएफएम में, बाकी कहीं पर भी गिवन नहीं है। और इसका रीजन ये है कि मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिकली आप देखेंगे इंडिया में किसी भी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर रखे हैं, क्योंकि वो कोई काम की चीज नहीं होती है, ना वो लोन साइड का रहता डिबेंचर साइड का, और ना ही वो इक्विटी शेयर का, बीच का आदमी बन जाता और वो कोई काम का नहीं रहता। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर को इशू नहीं करता, तो क्वेश्चन में भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, एक दो जगह देखने को मिलेगा, उसका ज्यादा रेलिवेंसी नहीं होगी। तो शेयर कैपिटल है यानी इक्विटी शेयर कैपिटल की बात हो रही है, बस ये समझिएगा। इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, देन डेट या बोरिंग्स जो भी कंपनी ने कर रखे हैं, जो कि डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स, जिन्हें आप डेट या बोरिंग्स बोलते हैं, और करंट लाइबिलिटीज। और असेट साइड में आपकी फिक्स असेट, करंट असेट। लेकिन एसएफएम में क्या है, आईसीएफ पुराने जमाने में जी रहा है, आज भी कुछ क्वेश्चंस पुराने उन्होंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रखे हैं, और पुराने जमाने में असेट साइड में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आया करते थे, वो अगर आपको देखने को मिल जाए तो इस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो सारी चीजें हमें आईसीएफ के अकॉर्डिंग देखनी पड़ेंगी। तो इस अकॉर्डिंग मैंने एसएफएम की बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स आपको नोट डाउन करवाए। अब देखिए रेशियो का जो एनालिसिस अपने को सीखना है,
क्वेश्चन में अगर वर्डिंग मिले टोटल असेट्स, तो उसका मतलब होता है फिक्स असेट प्लस करंट असेट। टोटल लाइबिलिटीज का मतलब होगा डेट और करंट लाइबिलिटी। डेट यानी क्या, आपकी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन और करंट लाइबिलिटीज, बाकी जो भी है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। कई बार हमसे पूछा जाएगा नेटवर्थ, बुक वैल्यू, इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी या फिर नेट असेट्स, इनके बेसिस पर कोई कैलकुलेशन करवाई जाती है या किसी फॉर्मूला में काम में आते हैं। तो इनका सबका सेम ही मीनिंग है, इनका मतलब है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और अगर कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं असेट साइड में तो वो आपको लेस कर देने हैं। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कि आप कैसे और कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज करके। इसके बाद एक चीज होती है कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे आप इन्वेस्टेड कैपिटल भी बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब पूरे बिजनेस में टोटल पैसा किन का लगा हुआ है। देखो बिजनेस चालू होता है पैसे से, बिजनेस में पैसा चाहिए होता है, उसके बाद वो बिजनेस उसे फिक्स असेट, करंट असेट, बहुत सारी जगह इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है। तो यानी बिजनेस में कैपिटल टोटल कितनी लगी हुई है, सर इक्विटी की लगी हुई है, रिजर्व एंड सरप्लस लगा हुआ है और डेट लगी हुई है। यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डेट को भी आप कंसीडर कर लीजिए, और माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर कुछ है तो। यानी इसे निकालने का एक और तरीका हो जाएगा फिक्स असेट प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। इसके बाद जीपी रेशियो क्या होता है, जीपी रेशियो यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करे, सेल्स का परसेंटेज, यानी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। यानी फिर आप अगर सीओजीएस रेशियो निकालोगे तो वो कैसे आएगा, सीओजीएस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर आप क्या कर सकते हो 100% में से जीपी रेशियो माइनस कर दोगे तो भी सीओजीएस रेशियो मिल जाएगा। और अगर सीओजीएस रेशियो में से अगर आप 100% में से सीओजीएस रेशियो माइनस कर दोगे तो आपको जीपी रेशियो मिल जाएगा। दोनों इंटरलिंक्ड हो गए, क्योंकि सेल्स में से आप सीओजीएस लेस करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ये भी सेल्स का परसेंटेज आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ईबीआईटी, यानी ईबीआईटी बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कई बार क्वेश्चन में होगा, हो सकता है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दे दे, अब आपको मालूम ही नहीं क्या होता ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे। इस वजह से सारी बेसिक चीजें अपन ने देखी थी। इसके बाद एक रेशियो होता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस सीओजीएस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर इसे निकालने का एक और तरीका है 100% में से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो माइनस कर दो। ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो दे रखा है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है या ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है, तीनों में माइनर माइनर सा फर्क है, लेकिन उससे पूरा क्वेश्चन का इंपैक्ट बदल जाएगा। इसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, देन डेट रेशियो या फिर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी इसे बोल देते हैं। इसका मतलब है कि टोटल कैपिटल जो बिजनेस में लगी हुई है उसमें डेट का कितना पोर्शन है, यानी डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, अभी अपन ने देखा नेटवर्थ, इक्विटी, किसी इन सबको एक ही चीज बोलते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। देन डेट रेशियो निकालने का एक और तरीका है 1 माइनस इक्विटी रेशियो। तो सर इक्विटी रेशियो क्या होता है, इक्विटी टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी बोल देते हैं, यानी इक्विटी डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, और इसको निकालने का एक और तरीका हो जाएगा फिर 1 माइनस डेट रेशियो। इसके बाद डेट इक्विटी रेशियो होता है कि डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है, यानी डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। देन असेट्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो जो भी होंगे उसमें आप ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर में आपका टर्नओवर आएगा और डिवाइड में जो दूसरा आइटम है जिसका भी टर्नओवर रेशियो है वो आता है, यानी टर्नओवर का मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, करंट असेट टर्नओवर रेशियो, तो उसमें फिक्स असेट करंट असेट आ जाएंगे। देन आप ध्यान रखिएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है, तो इसमें हमेशा जो न्यूमरेटर में सेल्स की जगह क्या आएगा, सीओजीएस, सीओजीएस डिवाइडेड बाय स्टॉक मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें सीओजीएस क्यों आता है, उसका रीजन दिया था क्योंकि जो स्टॉक है वो कॉस्ट पे होता है हमेशा, यानी तो भी हाँ, तो हम फिर सेल्स की भी कॉस्ट ले लेते हैं, सीओजीएस डिवाइडेड बाय स्टॉक मल्टीप्लाई बाय 100। देन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसमें आप ध्यान रखिएगा न्यूमरेटर में जो सेल्स आएगी ओनली क्रेडिट सेल्स आएगी, सेल्स जो है कैश या क्रेडिट दोनों में हो सकती है, तो इसमें ओनली क्रेडिट सेल्स आती है, क्रेडिट सेल्स बाय डेटर्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि अगर मैं उधार पे माल बेचूंगा तो ही डेटर्स क्रिएट होता है, कैश सेल में थोड़ी ना डेटर क्रिएट होता है, इस वजह से इसमें क्रेडिट सेल्स आती है। देन असेट्स टू सेल्स रेशियो, यानी असेट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। देखो किसी भी रेशियो में बीच में 2 आ जाए ना, तो जो पहली चीज है वो न्यूमरेटर में, जो बाद वाली चीज है वो डिनोमिनेटर में। तो ये लिखवाया क्यों है, ये कितने भी हो सकते हैं, क्वेश्चन में जो भी दे वो उस अकॉर्डिंग आपको करना है। एक मैंने लिखवाया असेट्स टू सेल्स, ये इसलिए लिखवाया है, कई बार हम क्या होता है असेट्स टर्नओवर रेशियो और असेट्स टू सेल्स रेशियो को सेम समझ लेते हैं। देखो असेट्स टर्नओवर रेशियो होगा तो टर्नओवर रेशियो है तो टर्नओवर ऊपर आएगा, नीचे असेट्स आएंगे, लेकिन असेट टू सेल्स रेशियो है, ये असेट टर्नओवर नहीं है, असेट्स ऊपर आएगा नीचे सेल्स आएंगे। देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, ऐसा
प्रॉफिट आपके पास कितना प्रॉफिट है जो आपके इंटरेस्ट के फिक्स नेचर के एक्सपेंस को कवर कर सकता है, कितने टाइम्स कवर कर सकता है आपका प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट पे किसमें से किया जाता है, ईबीआईटी में से। तो यानी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। इसके बाद फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशियो, यानी फिक्स इंटरेस्ट का खर्चा और फिक्स डिविडेंड यानी प्रेफरेंस पे जाता है फिक्स डिविडेंड, तो उसका जो खर्चा है उसको कवर करने वाला प्रॉफिट कितना टाइम्स है। तो बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड कहां से पे होता है, पैट में से, तो पैट ले लिया। लेकिन सर इसमें से इंटरेस्ट ऑलरेडी पे हो चुका होगा तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो पैट प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, यही तो हम देख रहे हैं कितना टाइम्स कवर करेगा ये प्रॉफिट। तो ये भी जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। देन एक होता है कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये बताता है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल जो आपने बिजनेस में लगा रखी है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कितनी है इन कंपैरिजन टू वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कैपिटल पे आती है सर, डेट पे आती है और प्रेफरेंस शेयर्स पे आती है, यानी डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट, यानी कंपनी चाहे तो उस पर खर्चा करे नहीं करे, जैसे इक्विटी पे कभी डिविडेंड दे देती है नहीं देती, तो वो होती है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो डिनोमिनेट में आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, हमेशा ध्यान रखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ रिजर्व एंड सरप्लस आता है क्योंकि वो इक्विटी वालों का ही पार्ट होता है। जो कंपनी ने अपने पास प्रॉफिट बचा लिया, बताओ वो प्रॉफिट किसका है, कंपनी के ओनर्स का। ओनर्स कौन होते हैं, इक्विटी ओनर, इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस हमेशा इक्विटी के साथ ही आता है। तो ये कैपिटल गियरिंग रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितनी फिक्स्ड कॉस्ट वाली कैपिटल कम हो उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है। इसके बाद देखिए डिविडेंड पेआउट रेशियो, डिविडेंड पेआउट रेशियो यानी यहाँ पे कौन से डिविडेंड की बात हो रही है, इक्विटी की। देखो प्रेफरेंस का कोई एक दो जगह रोल आता है, बस वहां देखना है, बाकी प्रेफरेंस को सोचना ही नहीं है। तो डिविडेंड पेआउट रेशियो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से करते हो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, अपने इनकम स्टेटमेंट में मैंने लिखवाया था EATESH में से, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स में, यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाई EATESH मल्टीप्लाई बाई 100। इसे निकालने का एक और तरीका होता है, 100% में से आप रिटेंशन रेशियो माइनस कर दीजिए तो भी आ जाएगा। तो अब अपने को समझना है रिटेंशन रेशियो क्या होता है, नाम से समझिए रिटेंशन रेशियो यानी जो आपने पैसा रिटेन कर लिया, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स किस में से करी जाती है, EATESH में से, कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ रिटेन कर लेते हैं, यानी रिटेन्ड डिवाइडेड बाई EATESH मल्टीप्लाई बाय 100। और इसे निकालने का एक और तरीका है, 100% में से डिविडेंड पेआउट रेशियो लेस कर दीजिए। इसके बाद डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है जो इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया आपने मार्केट प्राइस के ऊपर, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो आपने पैसा कमाया वो पर शेयर कितना कमा के दिया। तो टोटल इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसा कौन सा होता है, EATESH। पैट में से आप प्रेफरेंस का डिविडेंड हटा देते हैं तो आपके पास क्या बचता है, ऐसी अर्निंग जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है। तो ये अर्निंग टोटल इक्विटी शेयर होल्डर की, इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दोगे तो आपका EPS आ जाएगा। फिर DPS डिविडेंड पर शेयर, यानी जो भी आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दीजिए। इसके बाद पूछ लिया जाता है कि बुक वैल्यू पर शेयर, जिसे हम BVPS भी बोलते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर क्या होगी, बुक वैल्यू का क्या मतलब था, नेटवर्थ, तो नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपके कई बार काम में आएगा। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आपने जो टोटल बिजनेस में पैसा लगाया उस पर टोटल इनकम कितनी कमाई, टोटल पैसा लगा के टोटल इनकम कितनी कमाई, टोटल पैसा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो रही है, यानी डेट इक्विटी सबकी बात हो रही है। तो सबके लिए जो पैसा कमाया जाता है वो होता है EBIT, क्योंकि EBIT में से फिर हम डेट का पैसा देना चालू करते हैं, इक्विटी का देना चालू करते हैं। तो यानी EBIT डिवाइडेड बाय आप कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपका ROCE आ जाएगा। देन होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, यानी इक्विटी वालों के लिए आपने कितना पैसा कमाया, इक्विटी के लिए जो पैसा था उन्होंने अपने लिए कितना पैसा कमाया, इक्विटी का जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, तो इक्विटी का पैसा कौन रिफ्लेक्ट करता है, नेटवर्थ, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो उस पर कितनी अर्निंग्स कमाई, तो इक्विटी के लिए जो अर्निंग्स कमाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं आप, EATESH। तो EATESH डिवाइडेड बाय नेटवर्थ मल्टीप्लाई बाय 100, इसे पर शेयर बेसिस पे भी निकाला जाता जा सकता है। EATESH को पर शेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, EPS, डिवाइड में नेटवर्थ को पर शेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, BVPS। तो इस तरीके से भी आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी निकाली जा सकती है। इसके बाद देखिए पी रेशियो, इसको बहुत अच्छे से आप जानते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। इसके बाद कई बार क्या होता है ROE लोग मार्केट प्राइस पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी ROE का मैंने फॉर्मूला आपको दिया है, EPS डिवाइडेड बाय BVPS, यानी बुक वैल्यू पर कितनी अर्निंग पर शेयर है। अगर मैं मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस पे अर्निंग्स पर शेयर देखूंगा तो भी ROE निकाली जा सकती है। कई बार मार्केट प्राइस पे लोग निकाल लेते हैं, तब ROE का फॉर्मूला हो जाता है EPS डिवाइडेड बाय MPS हो जाएगा। तो इस केस में पी रेशियो क्या होगा, अगर इस केस में आपको पी रेशियो की जरूरत है ना, तो आप पता क्या कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय ROE कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए पी रेशियो होता है MPS बाय EPS, और ROE क्या
क्या हो गया, ईपीएस बाई एमपीएस, तो पी रेशियो क्या हो जाएगा, आरओई का उल्टा, वन डिवाइडेड बाई आरओई। ठीक है, तो कई बार हमें क्वेश्चन में अगर पी रेशियो की जरूरत है, कहीं से भी अलग से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो आप क्या करिए, आरओई अगर आपके पास है तो उसको उल्टा कर दीजिए। एक क्वेश्चन अपन ने किया भी था ऐसा। देन एक वर्डिंग होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू क्या है, यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट में प्राइस क्या चल रही है एक शेयर की, यानी एमपीएस। या फिर इसको निकालने का एक और तरीका है, पी रेशियो ले लो कंपनी का, उसको मल्टीप्लाई कर दो ईपीएस से, तो क्या आती है एमपीएस। लेकिन मैं पी रेशियो को अगर टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगी, टोटल मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय ए कंपनी, देखो कोई भी कंपनी जो अपने शेयर इशू करती है वो दो लोग होल्ड करते हैं, जैसे एक रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस के शेयर्स कुछ तो अंबानी के पास होंगे और कुछ आप जैसे मेरे जैसे लोगों के पास होंगे जो स्टॉक मार्केट से खरीदते हैं। ठीक है, तो जो अंबानी के पास शेयर्स हैं उन्हें बोलते हैं शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर्स, और जो अपन लोग शेयर्स ले रखे हैं रिलायंस कंपनी के, अपन कौन है, माइनॉरिटी या आउटसाइडर शेयर होल्डर। यानी जो कंपनी के प्रमोटर्स होल्ड करते हैं वो तो शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर्स हो जाते हैं, क्योंकि अंबानी ने उस कंपनी को प्रमोट करके बनाया था, तो वो प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो एक कंपनी ने अगर 1000 शेयर इशू कर रखे उसमें से 300 शेयर्स अंबानी के पास है, यानी 30% प्रमोटर्स होल्डिंग है उस कंपनी में और 70% बाकी मार्केट वाले लोगों की, यानी आउटसाइडर्स की शेयर होल्डिंग है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछी जाए प्रमोटर्स होल्डिंग, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी, और माइनॉरिटी की होल्डिंग यानी आउटसाइडर्स की होल्डिंग चाहिए आपको, तो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय आउटसाइडर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी। इसके बाद एक होती है चीज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका क्या मतलब है, देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने अभी आपको बताया था कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स की टोटल मार्केट वैल्यू, लेकिन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है जो आउटसाइडर शेयर होल्डर्स हैं उनकी टोटल मार्केट वैल्यू, यानी एमपीएस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय माइनॉरिटी आउटसाइडर शेयर होल्डर्स। इसका मैंने आपको रीजन दिया था, इसका नाम फ्री फ्लोट क्यों है, देखिए अंबानी के पास जो शेयर है ना, यानी जो प्रमोटर्स के पास शेयर होते हैं वो कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते, अदरवाइज पता चले कि कंपनी की ओनरशिप ही किसी और के पास चली गई, डायरेक्टली शेयर मार्केट से लोगों ने इतने शेयर खरीद लिए। तो शेयर मार्केट में जो आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बाय सेल करते हैं ना, वो आप जैसे मेरे जैसे लोगों के शेयर्स होते हैं वो शेयर ट्रेडिंग पे जाते हैं, कभी भी प्रमोटर्स के शेयर ट्रेडिंग पे नहीं जाते हैं, इसलिए जो आउटसाइडर्स के शेयर्स हैं उन्हें हम बोल देते हैं फ्री फ्लोट शेयर्स हैं, जो फ्रीली फ्लोट होते रहते हैं इधर से उधर परचेस सेल करने पर, इसलिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी आउटसाइडर शेयर होल्डर्स की टोटल मार्केट वैल्यू। इसके बाद देखिए बेसिक मैथमेटिक्स और कुछ कैलकुलेशन जो आपको कैलकुलेटर पे करनी पड़ती है, एसएफएम में जरूरत पड़ती है, तो मैंने कुछ इंटरनेशनल अमाउंट के फिगर्स आपको बताए थे जो आपके काम में आते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 बिलियन अगर क्वेश्चन में मिले तो 100 करोड़, और 1 ट्रिलियन कभी मिल जाए तो 1 लाख करोड़, जनरली आपको 1 मिलियन मिलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा भी मिले तो मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया, ये इंटरनेशनली लेवल पे चलते हैं। इसका मैंने पहचानने का तरीका बताया था, 3-3 के पेयर्स में ये डिजिट्स लिखते हैं, पहला 3 का पेयर होता है उसे 1000 बोलते हैं, नेक्स्ट 3 का पेयर लगाने पर ये मिलियन हो जाता है, फिर एक और 30 का पेयर लगाने पर बिलियन, और एक और 30 का पेयर लगाने पर ट्रिलियन, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद इक्वेशन सॉल्विंग, कई बार आपको कुछ इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी कुछ कैलकुलेशन करते टाइम, तो उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करा जाएगा, तो जैसे मैथमेटिक्स की बेसिक इक्वेशंस है जो आप स्कूल लेवल से सीखते आ रहे हो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड है, मुझे वाई को अगर सामने वाली साइड में ट्रांसफर करना है, एक लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की एक राइट हैंड साइड, तो वाई को सामने वाली साइड में ट्रांसफर करना है, इधर प्लस में था तो सामने वाली साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही अगर x माइनस वाई इक्वल टू जेड है, वाई को मुझे सामने वाली साइड में ट्रांसफर करना है, तो वाई यहां पे माइनस में सामने जाएगा तो कहां चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। इसके बाद x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू जेड, मुझे y को सामने वाली साइड में ट्रांसफर करना है, तो y क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में तो सामने वाली साइड में डिवाइड में हो जाएगा। और अगर x बाय वाई इक्वल टू जेड है, मुझे y को सामने वाली साइड में ट्रांसफर करने की जरूरत है, तो y कहां है, डिवाइड में, तो सामने वाली साइड में कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की इक्वेशन जो आपके सॉल्व करने में काम में आएंगे। इसके बाद कन्वर्टिंग डेटा इनटू परसेंट और बैक टू नॉर्मल, देखो ये परसेंट का भी थोड़ा सा लॉजिक समझ लो, कई बार इसमें स्टूडेंट्स को डाउट हो जाता है कि सर यहाँ डेसिमल्स में क्यों ले लिया, कई बार आप जैसे रेट लेते हैं ना 1+r, तो 1+r मान लो 10% है तो 1.10 लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं, वो सबका रीजन यही है। देखिए परसेंटेज में आप कैसे कैलकुलेट करते हैं डेटा को, सपोज किसी स्टूडेंट्स के सीए फाइनल में 800 में से 600 मार्क्स आते हैं, तो मैं बोलूँ कि उसके मार्क्स कितने आए हैं टोटल मार्क्स के रिलेशन में, तो 600 डिवाइड बाई 800 आप बोलोगे यानी 0.7,
5.75। अगर मैं इसे ही परसेंटेज में निकालने को बोलता आप क्या करते, इसे मल्टीप्लाई बाय 100 और कर देते। यानी किसी भी चीज को अगर परसेंटेज में निकालना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 जरूर करते हो, आप ये नोटिस करेंगे हमेशा। तो यानी मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है तो वो परसेंटेज में आपको मिल जाएगा। अब मेरे को 75% ये आंसर मिल गया। अब इसमें से अगर परसेंटेज का साइन हटाना है तो मैं क्या करूं, इसे क्या कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 100 किया था, डिवाइड बाय 100 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 0.75, यानी परसेंटेज वाला काम हट चुका है। ठीक है, तो कभी भी आपको परसेंटेज में डेटा डालना हो या हटाना हो इस तरीके से प्रोसेस होता है। इसके बाद देखिए कैलकुलेटर पर कुछ कैलकुलेशंस अपन करना देखते हैं जो आपके एसएफएम में काम में आती है। बेस और उसकी कुछ पावर, मैथमेटिक्स के वर्ड है बेस और उसकी पावर। जैसे 6:4 है, तो 6 का मतलब है बेस और 4 है उसकी पावर। तो इन्हें मैथमेटिक्स में आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक नॉर्मल पावर का केस है, इसको सॉल्व करना है तो सिंपल सा है। 6 की पावर 4 का मतलब है 6 अपने आप से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। पर कैलकुलेटर पर सॉल्व करना हो तो आप क्या करेंगे, बेस को कैलकुलेटर पर टाइप करिए, मल्टीप्लाई का साइन दबाइए और इक्वल्स टू को आपको प्रेस करना है पावर माइनस 1 टाइम। पावर कितनी थी 6 की, 4 थी, तो यानी पावर माइनस 1, 4 माइनस 1, यानी 3 टाइम्स आप इक्वल्स टू प्रेस करिए। यानी कैलकुलेटर पर 6 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, आपको सेम आंसर मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल से आपको दिया था। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब अपने को जो सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कैलकुलेटर पे सॉल्व करना, वो है डर्टी पावर। डर्टी पावर कैसी होगी सर, डर्टी पावर कैसे पता चलेगी, जो पावर आपको देखते ही अजीब सी लगे सॉल्व करने का, समझ में ना आए। जैसे 6 की पावर 1/10 है, अब इसे कैसे सॉल्व करूं, 6 की पावर 1/10, देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है। एक और तरीका मैंने लिखा 6, उस पर अंडर रूट का साइन बनाया और इधर 10 लिखा, इसका भी सेम मीनिंग है, और 6 की पावर 1/10 लिखा है, इसका भी सेम मीनिंग है। ऐसी फिगर्स को अगर आपको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है तो आप क्या करिए, बेस को टाइप करिए कैलकुलेटर पर, यानी 6 जो आपका बेस है, फिर आप अंडर रूट वाला बटन प्रेस करिए 12 टाइम्स, फिर आप इसमें से 1 को माइनस कर दीजिए, 1 आपको हमेशा माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1, फिर आपको क्या करना है, डिवाइड बाय पावर में जो डिनोमिनेटर में था उससे डिवाइड करना है। पावर में डिनोमिनेटर में क्या था, 10, उससे आप डिवाइड कर दीजिए, फिर प्लस 1 करिए, जो भी आपने माइनस 1 किया था उसे वापस से प्लस करिए, और अब आप मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू ये जो दो साइन है 12 टाइम्स प्रेस करिए, यानी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1 टाइम, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 टाइम्स, इस तरीके से 12 टाइम्स करिए, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी 6 की पावर 1/10 अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 1.1962, अपन ने वेरीफाई किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए डर्टी पावर का एक और एग्जांपल हो सकता है। 6 की पावर मैंने कर दी 0.10, अब की बार फ्रैक्शन में नहीं दी पावर, पावर में मैंने डेसिमल डाल दिया, यानी जो 6 की पावर 1/10 थी ना उसी को ही मैंने दोबारा बस अलग तरीके से लिख दिया 6 की पावर 0.10। यानी आप पावर को फ्रैक्शन में रख के सॉल्व करते हैं या पावर को डेसिमल में, थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। कैसे फर्क होगा, अगर पावर डेसिमल में 6 की पावर 0.10, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बेस वही आप 6 से डालेंगे, अंडर रूट करेंगे 12 टाइम्स, माइनस 1 करेंगे। अब क्या करेंगे, अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर में जो डेसिमल में है, पावर में डेसिमल में 0.10, ऐसे आप मल्टीप्लाई करिए, प्लस 1 करिए वापस से, और मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12 टाइम्स, सेम आंसर आएगा, क्योंकि सेम ही डेटा था, बस पावर में लिखने का तरीका अलग कर दिया था और कैलकुलेशन का भी तरीका फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये चीज आपको। और यहाँ पे देखिए जो मैंने 12 टाइम्स वाला यहाँ पे कंसेप्ट लिया अंडर रूट और मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, कुछ लोग इसे 13 टाइम्स करते हैं, कुछ लोग इसे 14 टाइम्स करते हैं, कुछ भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बस एक्यूरेसी हो जाती है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बहुत मामूली सा जो आपको पता भी नहीं चलेगा, या तो अगर आप 2 डेसिमल में ही लेना चाहेंगे फिगर को। ठीक है, तो आप जैसे भी फॉलो करते आए हैं वैसे फॉलो करिए, 12 टाइम्स लेते हैं तो अंडर रूट भी 12 टाइम्स करना है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू भी, 13 टाइम्स लेते हैं तो अंडर रूट भी 13 टाइम्स करना है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू भी 13 टाइम्स, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखिए कुछ और पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। कई बार आपको इंटरेस्ट रेट ऐसा बोल देगा 900 बेसिस पॉइंट्स है, अब इसका क्या मतलब है, देखिए मार्केट में इंटरेस्ट रेट अगर बेसिस पॉइंट्स में बताई जाती है, ये मार्केट में तरीका है बताने का, तो बेसिस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है वो आपको समझना है। 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1%, बस और कुछ भी नहीं है। यानी अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट रेट है 50 बेसिस पॉइंट्स, यानी 0.50%, इंटरेस्ट रेट है 250 बेसिस पॉइंट्स, यानी 2.5%, 100 बेसिस पॉइंट 1% होता है, उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए कुछ डिविडेंड रिलेटेड पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको बोल देगा डिविडेंड रेट इज 10%, अब सर 10% डिविडेंड फेस वैल्यू पे है कि मार्केट प्राइस पे है या फिर अर्निंग्स में से 10% दिया है, तो ओनली अगर डिविडेंड वर्ड लिखा है और उसके आगे परसेंटेज हो तो समझ जाइए ये फेस वैल्यू पे दे रखा है आपको। ठीक है, लेकिन आपको दे दे डिविडेंड यील्ड, तो हमने देखा है डिविडेंड यील्ड किस पे होती है, मार्केट प्राइस पे। इसके बाद आपको दे दे डिविडेंड पे आउट, तो समझ जाइए ये किस पे, अर्निंग्स पे। क्लियर, देन एक और आप देखिए बेसिक में रिक्वायर्ड या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स ऑन सिक्योरिटी। देखिए ये जो चीज है ये आप सीखेंगे अपने पोर्टफोलियो चैप्टर में, लेकिन ये ऑलरेडी आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में ये काम में आएगी आपके। कहां काम में आएगी अभी थोड़ी देर में अपन देख लेंगे। रिक्वायर्ड या एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स ऑन सिक्योरिटी आप निकालते हैं CAPM अप्रोच से। CAPM अप्रोच से ये चीज कैलकुलेट करते हैं। ये होती क्या है, मान लीजिए मैं रिलायंस के शेयर में पैसा लगाना चाहता हूं, तो मैं रिलायंस के शेयर में पैसा लगाऊंगा तो मैं क्या सोचूंगा उस टाइम, मैं सोचूंगा कि मुझे कितनी रिटर्न मिल जाए, रिलायंस के शेयर से मुझे कितनी रिटर्न मिले, मैं वो एनालाइज करूंगा सबसे पहले। आप कभी भी कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूं, एक साल बाद 100 रुपये वापस मिल जाए, कभी भी ऐसा नहीं सोचते। आप सोचते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिले, यानी कुछ रिटर्न मिले, इंटरेस्ट मिले, या जिसे आप रिटर्न भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं 100 रुपये आज बैंक में जमा करवाने जाता हूं, बैंक वाला मुझे बोलता है मैं आपको 5% इंटरेस्ट दूंगा एक साल का, तो बैंक से मुझे रिटर्न कितनी मिलेगी, 5%। अब मैं यही 100 रुपए बैंक में जमा ना करवा के रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, सपोज एक बार के लिए मान लीजिए 100 रुपए के आसपास का शेयर होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में मत घुस जाना सर, वो तो 2000 का शेयर कैसे कर लोगे इन्वेस्ट, एक बार समझाने के लिए। तो मैं अब यही 100 रुपए बैंक में जमा करवाने के बजाय रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो बताओ मैं रिलायंस के शेयर से, रिलायंस वालों से कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा, कितनी रिटर्न मांगूंगा? क्या 5% रिटर्न ही मांगूंगा? नहीं, मैं रिटर्न चेंज करूंगा। जैसे जैसे मेरे रिटर्न पैसे इन्वेस्ट करने के सोर्सेज अलग हो जाएंगे, वैसे वैसे मैं रिटर्न भी अलग अलग मांगता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बैंक में जब पैसा इन्वेस्ट कर रहा था मुझे मालूम है ये रिस्क फ्री है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। देखो मामूली रिस्क तो हर जगह हो सकते हैं दुनिया में, कुछ भी, पूरी गवर्नमेंट भी बर्बाद हो सकती है, बैंक भी बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन एज कंपैरिजन अगर ओवरऑल देखा जाए तो बैंक सबसे रिस्क फ्री एसेट है। तो बैंक में अगर पैसा इन्वेस्ट करूंगा मुझे मालूम है रिस्क नहीं है यहाँ पे, लेकिन रिलायंस के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो बहुत रिस्क है, कुछ भी हो सकता है। शेयर मार्केट में आज शेयर 1000 रुपए पे है, कल हो सकता है 100 रुपए भी वैल्यू ना बचे, और आज 100 रुपए वैल्यू है तो कल मान लो 10,000 भी वैल्यू हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो शेयर मार्केट में रिस्क ज्यादा है। और अब मैं ये देखूंगा कि रिलायंस के शेयर में मुझे कितनी एक्स्ट्रा रिस्क लेनी पड़ रही है इन एडिशन टू रिस्क फ्री एसेट ऑफ बैंक, तो यानी मैं उतनी रिटर्न रिलायंस के शेयर से एक्सपेक्ट करूंगा। ये होगी मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कि मैं यहां से कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं, कितनी रिटर्न मुझे चाहिए, तब जाके मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो वो आप निकालेंगे कैसे सर, रिस्क फ्री रेट, यानी रिस्क फ्री रिटर्न तो आप मांगेंगे ही, रिलायंस वालों से क्या मांगेंगे, भाई देखो 5% मुझे बैंक से मिल रहा था तो 5% तो मुझे दो, साथ में आप में इन्वेस्ट करने पर मैं जो एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूं उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा रिस्क के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न का कंपोनेंट भी दो। तो कैसे निकालेंगे, रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी, कितना रिस्क प्रीमियम आप ले रहे हैं उस पे, रिस्क लेने की वजह से आपको कितना प्रीमियम और चाहिए। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है RF प्लस बीटा RM माइनस RF, जिसको अपन डिटेल में पोर्टफोलियो में और देखेंगे। बाकी अभी मैंने आपको बताया था, देखो RF का मतलब है रिस्क फ्री रेट, जो कि ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या लिक्विड बॉन्ड्स वगैरह की रेट दे रखी है तो वो रिस्क फ्री होती है। इसके बाद प्लस बीटा RM माइनस RF, बीटा RM माइनस RF का मतलब होता है इस सिक्योरिटी में रिस्क लेने की वजह से आपको कितना प्रीमियम चाहिए, वो कैलकुलेट होता है बीटा RM माइनस RF से। इनमें आपका बीटा का मतलब है बीटा ऑफ सिक्योरिटी, RM का मतलब है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, और RF आप जानते हैं मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। यानी देखिए अब मैं यहां पे पैसा लगा रहा हूं रिलायंस के शेयर में, तो रिलायंस के शेयर में पैसा लगा रहा हूं, यानी स्टॉक मार्केट में मैं देखूंगा रिलायंस जिस बिजनेस में है उस मार्केट में क्या रिटर्न मिल रही है, उस मार्केट में जनरली क्या रिटर्न मिल रही है। मार्केट अपन रिफ्लेक्ट करता है निफ्टी सेंसेक्स, जिसे आप इंडेक्स भी बोलते हैं। निफ्टी या सेंसेक्स क्या करता है, स्टॉक मार्केट में जो भी मेजर कंपनीज है उनके ऊपर क्या रिटर्न मिली उसका टोटल कंपोनेंट को रिफ्लेक्ट करता है। तो निफ्टी सेंसेक्स की रिटर्न क्या रिफ्लेक्ट करेगी, कि पूरे स्टॉक मार्केट में जनरली ये रिटर्न मिली, तो वो पूरे मार्केट की रिटर्न का एक एवरेज रिटर्न मुझे मिल जाएगी निफ्टी सेंसेक्स या इंडेक्स से, मार्केट में क्या रिटर्न चल रही है। तो मार्केट में रिटर्न सपोज आई मेरी 15%, रिस्क फ्री एसेट में रिटर्न कितनी है 5%, यानी रिस्क फ्री एसेट में पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो 5% रिटर्न मिलती है, और स्टॉक मार्केट में रिटर्न कितनी मिल रही है 15%, यानी एक्स्ट्रा रिटर्न कितनी मिल रही है स्टॉक मार्केट में 10%, यानी मार्केट में रिस्क प्रीमियम कितना है, मार्केट में रिस्क प्रीमियम कितना है सर 10% का, मार्केट में रिस्क प्रीमियम है, स्टॉक मार्केट में रिस्क लेने की वजह से प्रीमियम कितना मिल रहा है 10%। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं स्टॉक मार्केट में सभी कंपनीज बराबर हैं? क्या सभी कंपनीज बराबर नहीं है? हर कंपनी के अपने अपना रिस्क का कंपोनेंट है, हर कंपनी के अपने अपने फीचर्स हैं। स्टॉक मार्केट में कभी कोई कंपनी की वैल्यू बढ़ती है और किसी कोई कंपनी सेम डे पर वैल्यू गिर भी जाती है, यानी स्टॉक मार्केट में हर कंपनी की रिस्क अलग अलग है। तो यानी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में 10% रिस्क प्रीमियम चाहिए, स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो रिस्क फ्री से ऊपर 10% रिटर्न हो चाहिए। लेकिन अब मैं देखूंगा रिलायंस कंपनी में, मेरे को तो रिलायंस कंपनी के शेयर पे चाहिए ना रिटर्न कितनी चाहिए, तो स्टॉक मार्केट में 10% रिटर्न मिल रही है, तो अब मैं देखूंगा रिलायंस कंपनी में स्टॉक मार्केट का जो ओवरऑल है उसके कंपैरिजन में कितनी रिस्क है, उसके कंपैरिजन में कितनी रिस्क है। मार्केट में सपोज मैं बोलूं 1 टाइम रिस्क है, स्टॉक मार्केट में अगर 1 टाइम की रिस्क है तो मैं देखूंगा अगर रिलायंस कंपनी में 1 टाइम से कम की रिस्क हुई तो रिलायंस से थोड़ा कम रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट के कंपैरिजन में। लेकिन अगर रिलायंस कंपनी में मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्क हुई 1 टाइम से ज्यादा,
तो रिलायंस कंपनी से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा। तो उस रिस्क को कौन डिनोट करता है? बीटा, जिसे आप पोर्टफोलियो चैप्टर में सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है, उसे आप बीटा के नाम से बोलते हैं। तो मैं बोलूं रिलायंस कंपनी का बीटा है 1.2, यानी रिलायंस में मार्केट के कंपैरिजन में 1.2 टाइम्स रिस्क है। यानी मार्केट में अगर मुझे 10% रिस्क प्रीमियम चाहिए तो रिलायंस से कितना चाहिए? 10 × 1.2 यानी 12%। तो रिलायंस से मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगी? रिस्क फ्री रेट 5% प्लस आपका 10 × 1.2 यानी 12% और यानी 17% हो गया। तो यानी RM माइनस RF, कई बार क्वेश्चन में आपके साथ पता है क्या करेगा, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न नहीं देगा, RM नहीं देगा, लेकिन आपको मार्केट रिस्क प्रीमियम दे देगा डायरेक्टली, RM माइनस RF। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो डेटा एक डायरेक्ट मिल गया RM माइनस RF। RM माइनस RF का क्या मतलब है? मार्केट रिस्क प्रीमियम। इसके बाद देखिए बेसिक में लास्ट पॉइंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आपके काम में आएगा और SFM में आगे भी ये काम में आएगा। इस चैप्टर में मान लीजिए अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो कुछ भी नहीं बचता है इस चैप्टर में फिर। और ये प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक आप फाउंडेशन लेवल से पढ़ते आ रहे हो मैथमेटिक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से। प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक क्या होती है ये अब मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। देखिए प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक या फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से आप इसे जानते हैं, ये क्या है? मान लीजिए आज मैं कहीं पे 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ और वहाँ से मुझे 10% रिटर्न मिलेगी, तो एक साल बाद बताओ कितने पैसे मिलेंगे? अगर बैंक की समझ लीजिए, बैंक में पैसा जमा कर रहा हूँ तो सर 100 रुपये तो मिलेंगे ही, साथ में 10% इंटरेस्ट यानी 100 रुपये पे 10% 10 रुपये, 110 रुपये मिलेंगे एक साल बाद। तो 110 रुपये जो एक साल बाद मिलेंगे उससे आप क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू, और जो आज मैंने इन्वेस्ट किया था वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, उसे मैं बोल सकता हूँ प्रेजेंट वैल्यू। आज के दिन जो 100 रुपये का नोट मैंने बैंक को दिया था, बैंक ने उसी नोट को बदल के एक साल बाद मुझे 110 रुपये का नोट दे दिया, ये समझिए मार्केट में 110 का नोट भी आता है। यही तो हुआ, यानी जिस पैसे की वर्थ आज के दिन 100 रुपये थी, एक साल बाद वही पैसा कितने में कन्वर्ट हो गया? 110 रुपये में। यानी 100 रुपये जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो प्रेजेंट वैल्यू है, और जो एक साल बाद मिला वो फ्यूचर वैल्यू 110। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? इंटरेस्ट का कंपोनेंट या रिटर्न का कंपोनेंट, बस ये इसके पीछे का कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आता ना, ये टेक्निक सीखने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी सीखी सिखाई टेक्निक है। देखिए अब कैसे निकालेंगे आप फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट में 1 + r⁻⁷, यही तो करते हैं आप। प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए, तो प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। इसे निकालने का तरीका क्या है? कैश फ्लो जो भी है आपका उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 + r⁻⁷, यानी फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इसे अपन FVIF बोल देते हैं, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से। तो यानी मान लीजिए आपका प्रिंसिपल 100 रुपये इन्वेस्ट करना है, इंटरेस्ट रेट 10% है, एक साल के बाद बताओ मुझे कितना पैसा मिलेगा? 100 पर 10% भी आ जाए, ऐड कर देंगे 100 × 1.10 की पावर 1 कैसा है? 1 + r कितना है? 10% डेसिमल्स में लिखूं तो 0.10 की पावर 1 यानी 110 रुपए। अगर मैं 2 साल बाद पूछूं तो फैक्टर क्या हो जाएगा? 1.10 की पावर 2, और 3 साल बाद पूछूं तो 100 × 1.10 की पावर 3, 3 साल बाद इतना पैसा मिल जाएगा अगर मैं 3 साल के लिए पैसा एक बार लगा के छोड़ देता हूं। तो ये हो गया फ्यूचर वैल्यू। अब इसी से अपने को देखना प्रेजेंट वैल्यू, जो सबसे काम आएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू, जिसे आप पीवी भी बोलते हैं, पीवी जो आप करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग जो आप करते हैं, इसका फॉर्मूला उसी से बना है फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला से। देखिए फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻⁷। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर वहां से देखेंगे आप क्या हो जाएगी? फ्यूचर वैल्यू, और जो 1 + r⁻⁷ है वो सामने वाली साइड में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 1 + r⁻⁷ डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बनता है, और ऐसे ही आप प्रेजेंट वैल्यू करते हैं, यही आप करते आए हैं। और प्रेजेंट वैल्यू करने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग द फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करना यानी फ्यूचर के कैश फ्लो में से इंटरेस्ट या रिटर्न का कंपोनेंट हटाना। देखिए मान लीजिए मैं 100 रुपये आज बैंक में इन्वेस्ट करता हूँ, एक साल बाद मुझे 110 मिलेंगे, यानी उस 110 में दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं सर, एक तो जो मैंने 0 टाइम पे प्रिंसिपल लगाया था वो, और दूसरा इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी इंक्लूडेड है। अब मुझे पता करना है, मेरे को नहीं मालूम 0 टाइम पे मैंने कितना लगाया था, मुझे पता करना है मैंने 0 टाइम पे कितना लगाया था, यानी प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है। कैसे पता कर सकता हूँ सर? फ्यूचर का अमाउंट मुझे मालूम है, उसमें से अगर मैं इंटरेस्ट या रिटर्न का कंपोनेंट हटा दूं, फ्यूचर के अमाउंट में से इंटरेस्ट या रिटर्न का कंपोनेंट हटा दूं, तो क्या बचेगा? प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट ही तो बचेगा। तो फ्यूचर के अमाउंट में से इंटरेस्ट के कंपोनेंट हटाने वाले प्रोसेस को ही हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, उसे ही हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट डिस्काउंटिंग द फ्यूचर कैश फ्लो। बस आपको क्या करना है? फ्यूचर के कंपोनेंट में, फ्यूचर का जो अमाउंट है उसमें से इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटा देना है, बस इतना सा काम आपको करना है। इंटरेस्ट का कंपोनेंट बोलिए या रिटर्न कंपोनेंट, कुछ भी बोल लीजिए जो आपकी मर्जी करे। तो कैसे निकालेंगे? देखो उसी एग्जांपल में इंटरेस्ट रेट 10% है, फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर 110 रुपए आपको दे रखी है, तो बताओ 0 टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? सर 110 रुपए, ये अब इसी फॉर्मूला में डाल लीजिए आप, फ्यूचर वैल्यू 110 डिवाइड बाय 1 + r यानी 10% की पावर t कितना है? 1, एक साल बाद मिलेगा तो 100 रुपए। आप सोचिए ना, 110 आपको एक साल बाद मिलेगा तो एक साल
हाँ बाद से आपको उसको पीवी करके लाना है। दो साल बाद मान लो आपको 121 रुपए मिलेंगे, 121। इसे कैसे पीवी करेंगे? 121 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 2। तीन साल बाद मान लो 131 मिलेंगे, तो 131 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 3। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू हर केस में मिल जाएगी कितनी कितनी आ रही है, यानी आपको क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1+r की पावर t। इस तरीके से आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग सिनेरियोज में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप देख लीजिए, ताकि क्वेश्चन करते वक्त आपको कभी दिक्कत ना आए। तो अगर आपको अनइवन कैश फ्लो बता रखे हैं लिमिटेड पीरियड के लिए, अनइवन कैश फ्लो का देखो मैंने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या है, मान लीजिए आपको ईयर 1, 2, 3 तीन साल हैं और कैश फ्लो कितने कितने होने वाले हैं, 100, 150, 80। ये तीन कैश फ्लो होने वाले हैं अलग अलग साल में। तो अब इनको पीवी करना है। जब भी अनइवन कैश फ्लो दे रखो, यानी अलग अलग कैश फ्लो दे रखो एक लिमिटेड पीरियड के लिए, तो आपको क्या करना है, जो भी रेस्पेक्टिव पीवी फैक्टर है उस साल का, तो उस साल के कैश फ्लो को उस साल के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाइए और टोटल अमाउंट निकाल लीजिए। इसमें आप पता है क्या करते हैं, आप जनरली टेबल बनाते हैं ऐसे केस में। टेबल कैसे बनाते हैं, पीवी कैलकुलेट करने के लिए ईयर कैश फ्लो, पीवी फैक्टर एट डिस्काउंटिंग रेट और पीवी का अमाउंट। और पीवी का अमाउंट कैसे आता है, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर, तो टोटल पीवी आ जाता है। यहाँ पे देखो एग्जांपल से मैंने डिनोट किया है, ये आप करते हैं। पीवी फैक्टर क्या होता है, इसमें बहुत स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। पीवी फैक्टर का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 1+r की पावर t। पीवी फैक्टर का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 1+r की पावर t। देखो ये क्या हुआ, मान लीजिए 10% का आपसे मैं बोलूं एक साल का पीवी फैक्टर निकालिए, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1+r, यानी 1.10 की पावर t, यानी 1, तो यानी 1 डिवाइडेड बाय 1.10 कर दूं तो आएगा 0.909। वापस इक्वल टू दबाऊंगा तो आएगा 0.826, वो सेकंड ईयर का पीवी फैक्टर होगा। वापस इक्वल टू दबाऊंगा तो आएगा थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर, जो हम टेबल में डालते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल में डालते हैं ये पीवी फैक्टर आते हैं। जब आप पीवी फैक्टर निकालते हो ना, फिर आपको उसको पर्टिकुलर कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमें ये फॉर्मूला याद रहता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1+r की पावर t, हम 1 डिवाइड बाय 1+r की पावर t उसको सॉल्व करके 0.909 निकाल लेते हैं, और जल्दबाजी में उसको मल्टीप्लाई करने के बजाय यहाँ पे देख के डिवाइड कर देते हैं। जबकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आप ओनली 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1+r की पावर t, यहाँ पे सिर्फ 1+r की पावर t से डिवाइड कर रहे हो। यानी देखो अगर मैं आपको बोलूँ एक साल बाद 110 रुपये मिलने वाले हैं, 10% डिस्काउंटिंग रेट है, तो इसके पीवी करने के दो तरीके हो सकते हैं, बस वो माइंड में फिट कर लीजिए कैसे होता है। अगर पीवी फैक्टर निकाल रहे हैं यानी 1 डिवाइड बाय 1+r की पावर t कैलकुलेटर पे सॉल्व करके, तो आपको मल्टीप्लाई करना है कैश फ्लो को हमेशा। लेकिन अगर आप पीवी फैक्टर नहीं निकाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो 110 मिलेगा एक साल बाद डिवाइड बाय 1+r की पावर t, यानी 1.10 की पावर 1। तो अब आपको 1.10 से डिवाइड करना है, 110 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 1। देखो इसे मैं मैथमेटिकली प्रूव भी करके बताता हूं। इस फॉर्मूला में मैं ऐसा लिख दू 110 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 1, इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं, 110 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 1, सेम ही बात है। बस अब यही हो रहा है, देखो 110 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, या तो 1.10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 0.909 जो आया उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यानी पीवी फैक्टर निकालोगे तो मल्टीप्लाई करना हमेशा पीवी करने के लिए, और अगर ये कर रहे हो तो डायरेक्टली डिवाइड होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये जल्दबाजी में गलती होती है एग्जाम के अंदर। इसके बाद देखिए, अगर आपको इवन कैश फ्लो बता रखा है लिमिटेड पीरियड के लिए, इवन कैश फ्लो का मतलब क्या, सेम अमाउंट का कैश फ्लो, आपको बोल दिया गया कि आपको हर साल 100 रुपीज मिलेंगे तीन साल तक, हर साल के एंड में तीन साल तक 100 मिलेंगे, तो एक तरीका तो क्या है सर, वही टेबल बनाएं और पीवी करें, बाकी एक शॉर्टकट होता है। इसमें शॉर्टकट क्या होता है, कैश फ्लो सेम है ना आपका, तो कैश फ्लो उठाओ मल्टीप्लाई बाय तीन साल के जो पीवी फैक्टर उनका टोटल कर लो, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर PVAF, उससे मल्टीप्लाई कर दो। यानी इवन कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय PVAF कर दोगे तो भी सेम अमाउंट आएगा। एग्जाम्पल में देखिए 100 का कैश फ्लो आपको मिलेगा तीन साल तक, तो 100 मल्टीप्लाई बाय PVAF तीन साल का आप ले लीजिए, 10% आपकी डिस्काउंटिंग रेट है, तो कैसे आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 आप कैलकुलेटर पे करेंगे 0.909, फिर इक्वल टू दबाएंगे तो सेकंड ईयर का आएगा, फिर इक्वल टू दबाएंगे तो थर्ड ईयर का 0.751 देखने को मिलेगा। या तो फिर आप इन तीनों को अलग से टोटल करिए, 0.909, 0.826, 0.751। बाकी कैलकुलेटर पर ही अगर आप फिर GT बटन दबा देंगे, ग्रैंड टोटल के नाम से एक बटन होता है, GT नाम से बटन आपके कैलकुलेटर में, वो दबा देंगे तो आपको PVAF मिल जाएंगे टोटल तीन साल का, उनका टोटल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो वो आएगा 2.486, उससे मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 248.60। आप अलग अलग कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, सेम ही वैल्यू आएगी, 10-20 पैसे ऊपर नीचे हो सकता है, राउंडिंग ऑफ के उस पे मत जाइएगा। इसके बाद देखिए, अगर आपको बोला हुआ है
कि आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो जिंदगी भर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का हर साल कैश फ्लो मिलता रहेगा, परपिचुअल कैश फ्लो मिलेगा, यानी एनुअल कैश फ्लो फॉर एवर। आपको जिंदगी भर एक अमाउंट का कैश फ्लो हर साल देंगे हम, परपिचुअल कैश फ्लो मिलेगा आपको। तो ऐसे केस में आपको जब भी पीवी करना है, पता है सिंपल सा होता है, परपिचुअल कैश फ्लो, जो भी कैश फ्लो आपको जिंदगी भर मिलेगा वो ले लीजिए, उसको डिवाइड बाई कर दीजिए डिस्काउंटिंग रेट, जो भी आपकी डिस्काउंटिंग रेट है, जो भी आपकी डिस्काउंटिंग रेट है, डिस्काउंटिंग रेट यानी पीवी करने वाली रेट। पीवी करने वाली रेट को डिस्काउंटिंग रेट क्यों बोला, क्योंकि ये डिस्काउंट करती है, फ्यूचर के कैश फ्लो में से रिटर्न या इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटाती है, इसलिए इसको हम डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं। ठीक है, तो वो आप ले लीजिए, जैसे 100 आपको अगर जिंदगी भर मिलेगा तो 100 डिवाइडेड बाय 10% यानी 1000 आपके प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स में आपने जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करके एक टॉपिक पढ़ा होगा फाउंडेशन या 11th क्लास के लेवल पे, उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला बना है। वहां पे भी हम देखते थे ऐसे ही होता था, वहां पे डेरिवेशन भी हम देखते थे फाउंडेशन लेवल पे इसके, इस फॉर्मूला का। ठीक है, पर वहां हम इसकी एप्लीकेशन नहीं जानते थे, वहां बस ठीक है मैथमेटिक्स एक बार पढ़नी है, मार्क्स लाने कम खत्म। इसके बाद देखिए, अब इफ देयर इज परपेचुअल कैश फ्लो विद ग्रोथ रेट, आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि आपको फर्स्ट ईयर के एंड में 100 रुपए का कैश फ्लो मिलेगा, इसके बाद कैश फ्लो जिंदगी भर 2% से ग्रो होगा, यानी पहले साल के एंड में 100 रुपए, सेकंड ईयर एंड में कितना मिलेगा 100+2% यानी 102 रुपए, थर्ड ईयर में 102+2% यानी हर साल फिर 2% से ग्रो होता जाएगा, जिंदगी भर कैश फ्लो मिलेगा। तो आपको पीवी कैसे करना है, परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट कर लेना है, यानी 100 पहले साल में जो मिलेगा परपेचुअल कैश फ्लो पहले साल का लेना आप, फिर डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट 10% माइनस ग्रोथ रेट 2% कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहां पे सर डिवाइड में ग्रोथ रेट माइनस क्यों करी, देखिए क्या हुआ, मान लो मेरी जो रिक्वायर्ड रिटर्न थी वो 10% थी, उससे मैं डिस्काउंट कर रहा था, पर कंपनी ने ही बोल दिया 2% तो हम आपको ग्रो करके देंगे कैश फ्लो हर साल, तो 2% के लिए तो वो खुद कमिट कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी हो गई 8% 10-2, इस वजह से ऐसा करते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपको बता रखा है कैश फ्लो आपके अनइवन कैश फ्लो है सर्टेन पीरियड के लिए, और उसके बाद जिंदगी भर एक फिक्स अमाउंट का कैश फ्लो हर साल आपको मिलता जाएगा, तो ऐसे केस में आप दो पार्ट्स में पीवी करेंगे। सबसे पहले जो डिस्क्रीट वैल्यू दे यानी अलग अलग कैश फ्लो जो आपको मिलेंगे उनका आप पीवी कर लीजिए वही टेबल बनाकर, और जो परपेचुअल कैश फ्लो मिलेगा आपको उसका आपको पीवी करना है, और पीवी को फिर जीरो टाइम पे लाना है, यानी टर्मिनल वैल्यू का पीवी होगा। देखिए वो कैसे होगा, एग्जांपल से समझ में आएगा ये। मान लो आपको 3 साल तक कैश फ्लो मिलने वाले हैं, पहले साल 1000, 2000, 5000, इसके बाद आपको बोला गया कि 7000 का कैश फ्लो हर साल के एंड में मिलना चालू हो जाएगा, फोर्थ ईयर से लेकर हर साल के एंड में मिलेगा, 10% डिस्काउंटिंग रेट है, पीवी कैलकुलेट करिए, यानी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कुछ कैश फ्लो, फिर जिंदगी भर के लिए एक कैश फ्लो आपको हर साल मिलेगा। तो जो आपको अलग अलग कैश फ्लो मिल रहे हैं इनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज, तो पहले इनका पीवी कर लीजिए 1000, 2000, 5000 वो टेबल बनाकर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो 7000 है वो कब से मिलना चालू होगा सर, फोर्थ ईयर से, फिर फिफ्थ ईयर भी मिलेगा, सिक्स्थ ईयर भी, जिंदगी भर मिलेगा। तो सर ये परपेचुअल कैश फ्लो हो गया, बिल्कुल हो गया, परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग रेट कर दे तो सर उसका पीवी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यानी 7000 डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग रेट कितनी है 10%, यानी 70000 मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन बताओ ये प्रेजेंट वैल्यू कब की आएगी, सर ये कैश फ्लो जो है परपेचुअल ये कब से मिलना चालू होगा, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स, फोर्थ ईयर एंड से। और जब भी आप परपेचुअल कैश फ्लो का इस तरीके से पीवी करते हैं ना, वो पीवी आपको एक साल पहले लाकर खड़ा कर देता है, एक साल पहले का पीवी देता है। तो फोर्थ ईयर ऑनवर्ड से जो मिलेगा उसको जब आपने पीवी किया ना, फोर्थ ईयर एंड से जो मिलेगा तो वो आपको पीवी कब का लाके देगा, एक साल पहले, यानी फोर्थ ईयर बिगनिंग, यानी थर्ड ईयर एंड का, थर्ड ईयर एंड का। तो उसे हम फिर बोलेंगे टर्मिनल वैल्यू। तो टर्मिनल वैल्यू इस केस में कब की आएगी, थर्ड ईयर एंड की, वो कैसे आएगी, कैश फ्लो फोर्थ ईयर डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट, क्योंकि फोर्थ ईयर का जो कैश फ्लो वो जिंदगी भर मिलेगा अब फोर्थ ईयर एंड से, तो ये एक साल का पहले की वैल्यू ला कर देता है, ये ध्यान रखिएगा बस इसके अंदर। तो 70000 वैल्यू कब की आ गई सर, थर्ड ईयर एंड की। बस अब आप अपने माइंड में रखिए कि मुझे थर्ड ईयर एंड में 70000 और मिलेंगे, उसको आप पीवी करके लाना है, तो थर्ड ईयर के पीवी फैक्टर से 70000 को मल्टीप्लाई कर दो तो पीवी ऑफ टर्मिनल वैल्यू हो जाएगा। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, डिस्क्रीट वैल्यू का पीवी, टर्मिनल वैल्यू का पीवी, और दोनों का टोटल आ जाएगा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू यहां पे एग्जांपल से किया है, बस ये बात माइंड में फिट कर लीजिएगा। देखो मैं यहां पे वापस एक आपको लाइन बना के बताता हूं, 0, 1, 2, 3, 4। देखो फोर्थ ईयर से जिंदगी भर आपको कैश फ्लो मिलने वाला है, फोर्थ ईयर, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, इस तरीके से मिलने वाला है। तो ये जो जिंदगी भर का कैश फ्लो है, जब आप इसे पीवी करके लाओगे डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट करके, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है उससे, वो मुझे थर्ड ईयर एंड की, एक साल पहले की वैल्यू लाके देगा, और फिर इस वैल्यू को मुझे थर्ड से जीरो टाइम पे लाना रहता है। तो यहां पे जो वैल्यू लाकर देगा ना पीवी करके थर्ड ईयर एंड में, इसे बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू, फिर हम उसे उसका पीवी करते हैं। ठीक है, यही मैंने नोट्स में यहाँ पे नोट डाउन किया। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला होता कि 5 ईयर्स तक कैश फ्लो दे रखे, सिक्स ईयर ऑनवर्ड्स यानी सिक्स ईयर एंड से लेकर जिंदगी भर कैश फ्लो मिलेगा, तो सिक्स ईयर एंड से जिंदगी भर मिलता है, तो उसका पीवी करते कब का लाके देता वो मुझे, फिफ्थ ईयर एंड, पांचवें साल के एंड में, और उसका फिर मैं जीरो टाइम पे पीवी करता। ठीक है,
देखिए मैंने यही लिखा है यहाँ पर, पीवी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्क्रीट वैल्यू का पीवी करेंगे टेबल के थ्रू, प्लस टर्मिनल वैल्यू का पीवी ऐड कर लेंगे। टर्मिनल वैल्यू कब की आएगी, टी माइनस वन की, मल्टीप्लाई बाय उसको पीवी फैक्टर भी टी माइनस वन का कर लेंगे आप। तो टर्मिनल वैल्यू टी माइनस वन की कैसे आएगी, परपिचुअल कैश फ्लो ले लेंगे टी ईयर का। टी कौन सा था, चौथे साल से आपको परपिचुअल मिल रहा था, टी माइनस वन यानी थर्ड ईयर की टर्मिनल वैल्यू आती है फिर, तो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट करके टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको थर्ड ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो जो भी आपका क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग। और टर्मिनल वैल्यू मैंने क्लियरली यहां पे लिखा भी है कि आपको एक साल पहले की कैश फ्लो की पीवी करके देता है। इसके बाद देखिए लास्ट सिनेरियो, अगर अनइवन कैश फ्लो आपको सर्टेन टाइम पीरियड के लिए मिलेगा, और उसके बाद क्या बोला, जिंदगी भर आपको कैश फ्लो तो मिलेगा हर साल, लेकिन वो एक पर्टिकुलर फिक्स परसेंटेज से ग्रो करता जाएगा। तो ऐसे केस में वही दो फेजेस में आपको वर्किंग करनी है, एक तो डिस्क्रीट वैल्यू का पीवी कर लो, और जो जिंदगी भर कैश फ्लो आपका ग्रो होगा, जिंदगी भर एक पर्टिकुलर रेट से ग्रो होकर आपको कैश फ्लो मिलेगा, यानी वही टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करके पीवी करिए। इस केस में क्या करेंगे, बस थोड़ा सा अलग होगा। देखिए आपको डिस्क्रीट वैल्यू मिल रही है 1000, 2000, 5000, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स लिखा गया है कि आपकी जो ग्रोथ रेट है कैश फ्लो की वो 2% करके जिंदगी भर मिलेगा आपको, डिस्काउंटिंग रेट 10%, पीवी कैलकुलेट करिए। डिस्क्रीट वैल्यू का तो नॉर्मल टेबल बना ली, अब टर्मिनल वैल्यू पता करें, टर्मिनल वैल्यू बताओ कब की आएगी, क्या बोला, फोर्थ ईयर से लेकर आपको हर साल 2% की ग्रोथ मिलेगी, यानी थर्ड ईयर तक के नॉर्मल कैश फ्लो थे, थर्ड ईयर के बाद हर साल 2% से कैश फ्लो ग्रो करता रहेगा, जिंदगी भर मिलता रहेगा। तो कैश फ्लो फोर्थ ईयर कैसे निकालोगे, तो थर्ड ईयर के कैश फ्लो में 2% की ग्रोथ ऐड कर दो, यानी 5000 प्लस 2% किया मैंने, ठीक है। ये कैश फ्लो क्या जिंदगी भर मिलेगा ग्रोथ के साथ, तो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट, जिंदगी भर मिलता है ग्रोथ के साथ, तो हम क्या करते हैं कैश फ्लो, देखो कैश फ्लो थर्ड ईयर के बाद से आपको मिलना चालू होगा जिंदगी भर के लिए ग्रोथ के साथ, तो फोर्थ ईयर का जो कैश फ्लो है वो उठाया, डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट, और ये आपको वैल्यू कब की लाके दे देगा, थर्ड ईयर एंड की, और थर्ड ईयर एंड से इसको जीरो टाइम पे आप पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ले आएंगे, तो वही सेम टर्मिनल वैल्यू वाला कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे भी। अब देखिए कई बार ऐसा हो सकता है आपको इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने की जरूरत पड़ जाए एक लोन पर, यूजिंग पीवी फैक्टर आप निकालते हैं, वो भी पीवी का कंसेप्ट यूज करके निकालते हैं। ये क्या होता है, आपने बहुत बार इसकी कैलकुलेशन भी कर रखी है, पर कभी क्वेश्चन में आए तो हम इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मैंने एक लोन लिया बैंक से, सपोज 10 लाख रुपीज़ का, और बैंक वाले ने क्या बोला, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आप इसका पेमेंट करोगे। बैंक वाले को मैं पेमेंट कैसे करूँगा, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। अब वो इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, 2.5 लाख की हैं, 3 लाख की हैं, कुछ नहीं पता, वो मुझे पता करनी है। इंटरेस्ट रेट आपको बता दी 10%। अब वो इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी, तो आप मुझे बताइए जो मैं फ्यूचर में पैसा पे करने वाला हूँ 5 इंस्टॉलमेंट्स में, उसके अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट भी होगा जो मैंने लोन लिया था, प्लस इंटरेस्ट भी होगा। अगर उस फ्यूचर वाले अमाउंट में से मैं इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटा दूं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, प्रिंसिपल कंपोनेंट जो कि कितना है, 10 लाख का लोन, उसके बराबर आना चाहिए, यानी इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, और हर साल के इंस्टॉलमेंट क्या है, इक्वल है। तो इक्वल जो इंस्टॉलमेंट यानी 5 साल का इक्वल कैश फ्लो है, उसको अगर मैं पीवी कर लूँ पीवी एएफ से 10% की रेट से, 5 ईयर्स का जो भी पीवी एएफ होगा, तो किसके बराबर आ जाना चाहिए, लोन अमाउंट के बराबर। तो बस वही चीज लिखी है मैंने, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय पीवी एएफ ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन पीरियड इज इक्वल टू लोन अमाउंट। अब इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने की जरूरत है तो क्या हो जाएगा, लोन अमाउंट डिवाइडेड बाई पीवीएफ, ठीक है, जो आपके एनुअल इंस्टॉलमेंट इक्वल है या आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों कंपोनेंट इंक्लूड करती है। अब देखिए इस चैप्टर का बेसिक्स पूरा अपन ने देख लिया है जो पूरी एसएसएफ में काम में आएगा, इसलिए बेसिक्स में अपने को टाइम लगा है। अब यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ से अपने क्वेश्चन करना भी चालू कर दिया था, अब बिल्कुल ईजी रहेगा, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहले देखिए वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स यानी किसी भी कंपनी के अगर मुझे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू पता करनी है तो वो कैसे करेंगे। ये चैप्टर का जो मेजर फोकस है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2-4 क्वेश्चन आईसीए ने डाल दिए बेचारों ने गलती से, बाकी ये चैप्टर में जो चीज़ें हैं ना ऑलरेडी आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह निकालना, ठीक है। यहाँ पे आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, 2-4 क्वेश्चन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, तो वो भी मैंने सब नोट करवाए थे आपको, सारे क्वेश्चन अपन ने किए थे। अब देखिए इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन करना है, क्यों करना, उसका रीजन मैंने ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही सबसे पहले बता दिया था। इक्विटी शेयर्स का अगर आपको वैल्यूएशन करना है तो 2 मॉडल्स आपके पास अवेलेबल है, एक तो डिविडेंड बेस्ड मॉडल और एक अर्निंग बेस्ड मॉडल। कंपनी देखेगी आप कंपनी के इक्विटी शेयर्स का वैल्यू कर रहे हो तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स पर क्या डिविडेंड पे करती है उसके बेस पे आप वैल्यूएशन करोगे, या फिर उस कंपनी की अर्निंग्स क्या है इक्विटी शेयर्स के लिए उसके बेस पे वैल्यूएशन कर सकते हो। मोस्ट पॉपुलर क्या है, डिविडेंड बेस्ड मॉडल, और इसी पर आपको मेजरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अर्निंग बेस्ड मॉडल के गिने चुने 4-5 क्वेश्चन थे अपने पास, वो अपन ने करे थे, और इस पर से क्वेश्चन आने के एग्जाम में चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अर्निंग बेस्ड मॉडल जो मेजरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डिविडेंड बेस्ड मॉडल से ही पूछे जाते हैं आपके, अर्निंग बेस्ड मॉडल से फालतू हैं, बस गलती से बनाए हुए मॉडल्स हैं, ठीक है, गलती से आईसीए के क्वेश्चन देने की वजह से वो मॉडल बने और कुछ भी नहीं होंगे।
देखिए सबसे पहले डिविडेंड बेस्ड मॉडल में परपिचुअल डिविडेंड विद कांस्टेंट ग्रोथ असम्पशन। देखिए डिविडेंड बेस्ड मॉडल मैंने उठाया किसी भी इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन करने के लिए, तो सबसे पहले अब मेरे को किसी इक्विटी शेयर का, रिलायंस के इक्विटी शेयर की अगर वैल्यू पता करनी है तो मेरे को एक असम्पशन लेनी पड़ेगी कि इससे जो डिविडेंड मिलेगा, मैं ये मान रहा हूँ कि जिंदगी भर एक फिक्स ग्रोथ रेट के साथ, रिलायंस कंपनी डिविडेंड पे करेगी, अगर ये असम्पशन से मैं वैल्यू करता हूँ तो वैल्यूएशन कैसे आएगी वो समझिए। इस मॉडल को आप बोल देते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी। डिविडेंड में ग्रोथ हो रही है ना जिंदगी भर, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, गोल्डन ग्रोथ मॉडल पे। अब ये गोल्डन ग्रोथ मॉडल क्या है, जो आपको मैंने अर्निंग बेस्ड मॉडल में बताया था, थोड़ी देर में अपन वापस देख लेंगे इसको। देखिए अब इस केस में आपकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, उसका एक फॉर्मूला लिखा है मैंने, वी जीरो इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक आपने सीख ली है, बस वही करना और कुछ भी नहीं करना। देखिए मान लीजिए मैं रिलायंस के शेयर में आज पैसा लगाता हूँ, तो मैं क्या उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में ये पैसा तो मुझे मिलेगा ही, साथ में रिटर्न भी मुझे मिलेगी। तो आज मैं रिलायंस के शेयर में कितना पैसा लगाऊं, ये मुझे पता करना है कि ये कितने पैसे डिजर्व करता है रिलायंस का शेयर। तो मैं क्या करूं, इसके शेयर से फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा, अगर उसमें से मैं रिटर्न का कंपोनेंट हटा दूं जो मुझे रिटर्न का कंपोनेंट चाहिए। सपोज रिलायंस के शेयर से फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा उसमें मेरा रिटर्न का कंपोनेंट है 15%, अगर वो मैं हटा दूं तो जीरो टाइम पे मुझे पता चल जाएगा ना कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, बस वही मुझे पता करना है। इसे ही हम बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, या फेयर प्राइस ऑफ शेयर, या थियोरिटिकल प्राइस ऑफ शेयर, या इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ शेयर। इसे आप किसी भी नाम से बोल सकते हैं क्वेश्चन में, इंट्रिंसिक वैल्यू, इक्विलिब्रियम प्राइस, फेयर प्राइस या थियोरिटिकल प्राइस। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, फ्यूचर में जो मिलेगा उसमें रिटर्न कंपोनेंट भी होगा, वो अगर रिटर्न कंपोनेंट जो मुझे चाहिए वो हटा दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी मेरी नजरों में शेयर की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे सर, फ्यूचर में क्या मिलेगा शेयर से, जिंदगी भर डिविडेंड मिलेगा, ये अजम्पशन पे अपन चल रहे हैं, जिंदगी भर डिविडेंड मिलेगा कॉन्स्टेंट ग्रोथ के साथ। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर का डिविडेंड ले लूं D1, फर्स्ट ईयर एंड में जो मिलेगा, डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट। डिस्काउंटिंग रेट क्या होगी आपकी, के ई होगी, यहां पर डिस्काउंटिंग रेट होगी के ई। क्यों के ई, क्या होती है आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स ऑन सिक्योरिटी, इसलिए मैंने आपको सिखाया था ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अभी निकाली थी ना CAPM से भाई, यही तो थी कि मेरे को कितनी रिटर्न चाहिए। सपोज रिलायंस के शेयर से मुझे 15% रिटर्न चाहिए, तो इसी से तो मैं डिस्काउंट करूंगा कि भाई फ्यूचर में जो पैसा मिल रहा होगा उसमें फिर मैं ये मान रहा हूं कि 15% की रिटर्न होगी, तो 15% की रिटर्न हटाऊं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जीरो टाइम पे प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। सपोज जीरो टाइम पे अमाउंट आया 2000 रुपए और मार्केट में शेयर 2100 का है, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं तो 2000 इन्वेस्ट करूंगा तो ही 15% की रिटर्न मिलेगी, और मार्केट में 2100 रुपए का शेयर है तो नहीं करूंगा मार्केट में 2100 में इन्वेस्ट, क्योंकि मेरे को तो फायदा नजर आ ही नहीं रहा जितना मेरे को चाहिए। समझ में आई, इसलिए डिस्काउंटिंग रेट यहाँ होगी आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसे आप के ई से डिनोट करेंगे। कई बार क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आपको दे दे, तो फिर आपको वो काम में ले लेनी है डिस्काउंटिंग रेट में। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे दे वो काम में ले लेंगे, वो गिवन नहीं है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल दे देगा वो काम में ले लेंगे। दोनों ही गिवन नहीं है तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम कैलकुलेट कर सकते हैं RF प्लस बीटा RF माइनस RF करके, वो मैंने आपको बता रखा है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्यों काम में ले रहे हैं, देखो यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए अगर मैं लॉजिकली बात करूं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अलग हो सकती है और रिक्वायर्ड रिटर्न अलग। मान लो मैं रिलायंस के शेयर से एक्सपेक्ट करता हूं 15%, अब ICICI क्या अज्यूम कर रहा है कि मैं 15% एक्सपेक्ट कर रहा हूं रिलायंस के शेयर से मुझे रिटर्न मिलनी चाहिए, यानी जो रिलायंस कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को 15% रिटर्न दे रही होगी तो उसकी कॉस्ट आ रही होगी, लेकिन जरूरी थोड़ी ना रिलायंस उतनी ही रिटर्न दे रही होगी जितने इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों इक्वल होना पॉसिबल नहीं है, पर एग्जाम परस्पेक्टिव से क्या करें, ICICI के क्वेश्चन है तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल दे दे तो वो आप हमें ले लेंगे। जी मतलब ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, गिवन नहीं है तो निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय ROE, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय ROE। रिटेंशन रेशियो क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है एक तरीके से वो बताता है। अब मैं ये देखना चाहता हूं मेरे बिजनेस में ग्रोथ कितनी होगी, भाई जो मैं पैसा बिजनेस में रोक रहा हूं, रिटेन कर रहा हूं, इस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा उस पर रिटर्न कमाऊंगा, कितनी कमाऊंगा। अभी बिजनेस में इक्विटी वालों का जो पैसा लगा हुआ था उस पर क्या रिटर्न कमा रहा था, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इस पर भी क्या कमाऊंगा, ROE की रेट से कमाऊंगा, यानी इसका फॉर्मूला हो गया रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय ROE, ग्रोथ रेट का आपका फॉर्मूला हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में जल्दबाजी में गलती मत करना, रिटर्न ऑन इक्विटी अलग चीज होती है, हमने फॉर्मूला से देखा, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स ऑन इक्विटी अलग चीज होती है, जो अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ही बनेगी, और रिटर्न ऑन इक्विटी की जरूरत ग्रोथ रेट निकालने में पड़ सकती है अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। इसके बाद देखिए
डी वन मैंने समझा दिया एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर जो आपको मिलना चाहिए एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो आप एक्सपेक्टेशन लगाओगे। देखो कंपनी क्या पे करेगी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर नहीं पता, हम अपनी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे देखेंगे कंपनी का पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह सब देखकर, जो कि कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन में गिवन नहीं है डी वन, तो हम क्या कर सकते हैं, डी जीरो उठा लेंगे, वन प्लस ग्रोथ रेट कर देंगे। डी जीरो का मतलब जो कंपनी ने लास्ट डिविडेंड पे किया था। भाई कंपनी ने आज के दिन, मैं सोच रहा हूँ रिलायंस का शेयर खरीदूँ ना खरीदूँ, वैल्यूएशन करना है, तो आज के दिन तो मुझे ये तो पता होगा ना कंपनी ने लास्ट डिविडेंड कब पे किया था और कितने का किया था, वो उठा लूं और उसमें एक साल की ग्रोथ रेट ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक साल बाद का डिविडेंड। एक्सपेक्टेड डिविडेंड चाहिए ना, एक्चुअल तो पता ही नहीं चल सकता एक साल बाद क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड चाहिए तो ऐसे निकाल लेंगे अपन। तो इसका मैंने देखो यहां पे एक एग्जांपल लिखा और इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, नॉर्मल है ये, आपने बहुत बार किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें डिविडेंड से रिलेटेड कुछ और चीजें बतानी है डी जीरो डी वन की, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बाकी आप दूसरी अजम्पशंस और देख लीजिए डिविडेंड बेस्ड मॉडल में। परपिचुअल डिविडेंड विद वेरिएबल ग्रोथ अजम्पशन, पहली अजम्पशन क्या थी, हमें परपिचुअल जिंदगी भर डिविडेंड मिलेगा एक कॉन्स्टेंट ग्रोथ के साथ, पर वो अजम्पशन सही नहीं है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली क्या ऐसा होगा कि आपको एक कंपनी से डिविडेंड जिंदगी भर मिलेगा वो भी एक फिक्स ग्रोथ रेट के साथ, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो अजम्पशन गलत है। इसलिए एक दूसरा कंसेप्ट आया कि आपको जिंदगी भर डिविडेंड मिलेगा आप ये मान सकते हैं, लेकिन एक फिक्स ग्रोथ रेट से नहीं मिलेगा, वेरिएबल ग्रोथ रेट से मिलेगा, यानी हर साल ग्रोथ रेट अलग अलग होगी डिविडेंड की। तो इस केस में अगर आपको वैल्यू पता करनी है तो वही पीवी करना पड़ेगा, जब भी वैल्यूएशन करना है प्रेजेंट वैल्यू करिए, बस प्रेजेंट वैल्यू करनी है तो यहाँ पे टू स्टेज टू फेजेज में वैल्यूएशन होगा, इसे इसका नाम होगा टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी बोल देते हैं इसे। क्यों बोल देते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला, जिंदगी भर डिविडेंड तो मिलेगा पर अलग अलग ग्रोथ रेट के साथ। अब इसमें एक बच्चे के माइंड में ये आ सकता है कि सर एक साल 10 रुपये, फिर अगले साल 2% की ग्रोथ रेट, फिर 3% की, फिर 5%, कभी 10%, कभी 7%, कभी 15%, ऐसे तो जिंदगी पर पता नहीं कितनी ग्रोथ रेट हो जाएंगी, आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट टाइम हो गया ना, इनफाइनाइट टाइम के लिए अनइवन कैश फ्लो, इनफाइनाइट टाइम के लिए अनइवन कैश फ्लो, सो पॉसिबल नहीं है। तो वेरिएबल ग्रोथ बोलने के लिए है, पर यहां पर भी क्या होगा, मैक्सिमम आपको 2 या 3 ग्रोथ रेट देगा क्वेश्चन में, इससे ज्यादा दे ही नहीं सकता आपको। एक एंड पर, एक मोमेंट पे आके तो ये डिसाइड करना ही पड़ेगा कि अब जिंदगी भर बस ये ग्रोथ रेट मिलेगी। ठीक है, एक मोमेंट पे आके वो डिसाइड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पीवी ही नहीं कर पाओगे। तो यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि डी जीरो कंपनी ने लास्ट डिविडेंड 5 रुपीज का पे किया था, ग्रोथ रेट क्या बताई, 10% तो पहले 3 साल रहने वाली है डिविडेंड में, और 3 साल के बाद जिंदगी भर 5% रहने वाली है। समझ में आ गया, 2 फेजेज में होगा बस, और ज्यादा से ज्यादा 3 फेजेज में हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 3 फेजेज में होता तो 2 फेजेज तो डिस्क्रीट वैल्यूज हो जाती और तीसरा फेज टर्मिनल वैल्यू का पीवी होता। यहां पे 3 साल तक तो आपको अलग अलग डिविडेंड मिलेगा, इसका पीवी कर लेंगे डिस्क्रीट वैल्यू का टेबल से, और थर्ड ईयर के बाद जो जिंदगी भर एक फिक्स ग्रोथ रेट से मिलने वाला है उससे टर्मिनल वैल्यू निकाल के उसका पीवी कर लेंगे, यानी 2 फेजेज में वर्किंग होगी, इसलिए इसका नाम टू स्टेट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है। जो मैंने आपको 2 फेजेस का पीवी करना सिखाया था ना, बस वो लगाना और कुछ नहीं करना, डेटा आपको दे रखा है। देखिए पहले 3 साल क्या डिविडेंड मिलेगा, डी जीरो दे रखा है तो फर्स्ट ईयर का निकाल लीजिए 10% की ग्रोथ रेट से, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, उनको पीवी कर लीजिए टेबल बनाकर। थर्ड ईयर बाद फोर्थ ईयर से जिंदगी भर 5% से ग्रो होगा, तो फोर्थ ईयर का डिविडेंड कितना आएगा, थर्ड ईयर के डिविडेंड में 5% की ग्रोथ ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय के ई कितनी है आपकी 15% क्वेश्चन में, माइनस ग्रोथ रेट। अब सर ग्रोथ रेट कौन सी लेस करूं, भाई आप टर्मिनल वैल्यू किसकी निकाल रहे हो, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स जो मिलेगा, तो उसमें ग्रोथ रेट क्या है, 5%, तो उसकी ग्रोथ रेट माइनस करना, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी। तो आपकी टर्मिनल वैल्यू आ गई, ये तो टर्मिनल वैल्यू है, ये कब की आई होगी, सर फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स कैश फ्लो था तो थर्ड ईयर की आई होगी, तो थर्ड ईयर की है, तो थर्ड ईयर से इसे जीरो टाइम पे लाना है तो पीवी करना पड़ेगा थर्ड ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, तो देखो वो मैंने कर दिया है और आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, डिस्क्रीट वैल्यू का पीवी और टर्मिनल वैल्यू का पीवी। यहाँ पे देखो बस वही लिखा मैंने, कैसे करेंगे आप, अनइवन डिविडेंड सर्टेन पीरियड के लिए जो मिलेगा उसका पीवी कर लीजिए टेबल बना के डिस्क्रीट वैल्यू का एक तरीके से, और परपिचुअल डिविडेंड जो मिलेगा उसका पीवी यानी टर्मिनल वैल्यू का पीवी। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखने, कोई फॉर्मूला, इनके मार्क्स नहीं होते, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं जो होता है डिविडेंड बेस्ड मॉडल इन सब में। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स होंगे जहाँ फॉर्मूला भी होंगे, ये सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू के टॉपिक्स हैं और कुछ भी नहीं है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ऐसा मत सोचना यहाँ पे सर हमें तो फॉर्मूला लिखवाया गया है डी वन डिवाइडेड बाई वन प्लस के ई वन, डी टू डिवाइडेड बाई वन प्लस के ई टू, बस वो करने लग गए ना तो बस जिंदगी भर वही करते रह जाओगे, एग्जाम में थोड़ा भी घुमा के क्वेश्चन आ जाएगा, कभी सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चीज़ होती ही नहीं है, वो फॉर्मूला बना ही इसके बेस पे, वो कोई फॉर्मूला नहीं, और एस एफ पी में फॉर्मूला के मार्क्स नहीं होते, सिर्फ कैलकुलेशन के मार्क्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है प्रेजेंट वैल्यू, ये मैंने आपको पूरे सारे क्वेश्चन अपने इसी के बेस पे किए थे। इसके बाद देखिए एक और अजम्पशन होती है, एक और अजम्पशन क्या होती है, देखिए मैं शेयर जिंदगी भर हेल्ड करूं जरूरी थोड़ी ना है,
मैं शेयर कुछ टाइम के लिए हेल्ड करूंगा, ये अजम्पशन लूं मैं कि मैं सामने वाले शेयर में इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए कर रहा हूं, तो उस केस में आप प्रेजेंट वैल्यू यानी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे उसके शेयर की? तो वही टू स्टेट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल लगेगा, सेम वही है, बस थोड़ा सा फर्क होगा, क्या होगा समझ लीजिए। देखिए D0 ₹14 दे रखा है आपको, ग्रोथ रेट बता रखे पहले 3 साल के लिए 9%, इसके बाद क्या बोला थर्ड ईयर एंड में मेरे को इस शेयर को बेचने पर 360 मिल जाएंगे लगभग, तो ये क्या मेरी एक्सपेक्टेड प्राइस जो मुझे मिलेगी। देखो 3 साल तक हेल्ड करूंगा, अब ये अजम्पशन है, तो 3 साल तक तो डिविडेंड मिलेगा और थर्ड ईयर एंड में शेयर बेचने पर पैसा भी तो मिलेगा, बस इन सब का पीवी कर लो, वही शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो इस केस में आप डिस्क्रीट वैल्यू का पीवी कर लीजिए पहले तो, और फिर थर्ड ईयर एंड में शेयर को बेचने पर जो पैसा मिलेगा उसका पीवी कर लीजिए नॉर्मली। तो ये एक टेबल में करना चाहें एक टेबल में भी कर सकते हैं, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है इस केस में, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ नोट्स देखिए डिविडेंड बेस मॉडल में वैल्यूएशन में। देखिए क्वेश्चन में आपको बता रखा है डिविडेंड जो है वो D0 है या D1 है, एज इट इज आप ले लीजिए, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, जो भी वो बोलेगा। लेकिन क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि डिविडेंड D0 है कि D1 है, सर क्या माने क्या अजम्पशन ले, आप हमेशा D1 मानेंगे। लेकिन दो सिनेरियो ऐसे हैं वहां पे आपको क्या अजम्पशन लेनी है, वो D0 है। देखो क्वेश्चन में बोल दे D0 है, D0 मानना है, क्वेश्चन में बोल दे D1 है, D1 मानना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है तो हमेशा क्या मानेंगे D1। लेकिन दो सिनेरियो ऐसे हैं जिनमें क्या मानेंगे D0। दो सिनेरियो क्या क्या है सर, क्वेश्चन में वर्डिंग लिखी आ जाए डिविडेंड पेड या डिविडेंड पेज, ये दोनों में से कोई भी वर्डिंग आ जाए समझ जाइए D0 है, अजम्पशन ले लीजिए क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है तो। इसके बाद क्वेश्चन में डिविडेंड आपको पता है कहां दे रखा है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर का इनकम स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें अर्निंग्स में से डिविडेंड बता रखा है, तो समझ जाइए ना यार फॉर द ईयर का इनकम स्टेटमेंट है तो उसमें तो जो डिविडेंड आ रहा होगा वो तो पे कर दिया होगा, यानी D0 है वो, ठीक है। तो ये अजम्पशन जो ICICI की चलती है। इसके बाद देखिए डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर के इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे आप डिसीजन अब कैसे लेंगे, तो बहुत सिंपल है, रिलायंस का शेयर मार्केट में 2200 रुपए का है, मेरी वैल्यू जो मैंने पता करी इंट्रिंसिक वैल्यू आई 2000 रुपए, यानी इसका मतलब क्या है कि मेरी नजरों में शेयर की वैल्यू कम है और मार्केट में ज्यादा है, यानी मार्केट में ये महंगा है, ओवर प्राइस्ड है, नहीं खरीदना चाहिए भाई, खरीदना तो है ही नहीं, और अगर ऑलरेडी मेरे पास शेयर है तो बेच दो, क्योंकि इसकी वर्थ कितनी है 2000, कभी ना कभी ये 2000 रुपए गिर के आ जाएगा, तो आज 2200 हो रही है तो बेच बाच के नक्की करो, काम खत्म करो। इसके बाद देखो मेरी नजरों में वैल्यू आई शेयर की मान लो 2500 रुपए और मार्केट में 2200 रुपए का, तो यानी मेरी नजरों में वैल्यू ज्यादा है, वर्थ ज्यादा का और मार्केट में 2200 में मिल रहा है, भाई माल 2500 का है मार्केट में 2200 में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, खरीद लो जितना खरीदना है, यानी मार्केट में अंडर प्राइस्ड है, बाय कर लीजिए। मेरी नजरों में वैल्यू आई 2000, मार्केट में भी 2000 का मिल रहा है, भाई फेयर वैल्यूड है, खरीदना है खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं खरीदना मत खरीदिए, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 2000 का होना चाहिए और मार्केट में है भी 2000 का, तो आप खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना आपको रिटर्न चाहिए वो 2000 इन्वेस्ट करने पे मिलेगी और मार्केट में 2000 में मिल रहा है शेयर, तो कर लो इन्वेस्ट, क्या बुराई है, यानी इस केस में भी आप बोल देंगे शेयर बाय कर लीजिए, ऑलरेडी आपके पास शेयर है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं शेयर होल्ड कर लीजिए, कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से भी लिख देते हैं कई बार, ठीक है। चलिए अब उसके बाद मैंने आपको पूरा डिविडेंड बेस्ड मॉडल से कैसे वैल्यूएशन होगा वो मैंने आपको बता दिया, और मेजरली क्वेश्चंस इसी के हैं जो अपन ने किए थे, सारे क्वेश्चंस आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा रिवाइज कर लीजिएगा जो अपन ने लेक्चर में सॉल्व करे हैं सारे क्वेश्चन। इसके बाद अब देखिए मैंने बोला था कई बार क्वेश्चन में ऐसे क्या करेगा KE भी आपसे पूछ लेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो वो अब अपन देख रहे हैं KE निकालना, ये आपने इंटरमीडिएट लेवल पे सीखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना, लेकिन अब क्या करें ICICI की गलती है यहाँ पे एक दो क्वेश्चन डाल दिए, तो यहाँ पे भी अपन देख लेते हैं कुछ इसमें बड़ी बात तो है नहीं, तो DDM अप्रोच यूज करके KE निकालना, DDM अप्रोच डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करके KE कैसे निकालेंगे। देखो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में 3 अजम्पशन थी, या तो डिविडेंड परपिचुअली ग्रो करेगा कॉन्स्टेंट ग्रोथ से, तो उसका फॉर्मूला क्या था आपका, उसका फॉर्मूला था D1 डिवाइडेड बाय KE प्लस आपकी ग्रोथ रेट, हाँ D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस ग्रोथ रेट, ये आपका फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला में अगर मैं आपको बोलूँ D1 आपको गिवन है, ठीक है, ग्रोथ रेट आपको गिवन है, और V0 की जगह P0 गिवन है, सर P0 क्या होती है, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है शेयर की। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE का मतलब कंपनी की कॉस्ट क्या लग रही है, कंपनी की कॉस्ट क्या लग रही है, भाई मार्केट में शेयर 1000 रुपए का है, उस पर कंपनी अगर 100 रुपए का डिविडेंड पे कर रही है तो इसका मतलब कंपनी की कॉस्ट कितनी है, 10% है, भाई कंपनी ने मार्केट से पैसा कितना उठाया 1000 रुपए, और डिविडेंड कितना पे करना पड़ रहा है हर साल 100 रुपए, यानी 10% पर एनम कंपनी की कॉस्ट आ रही है। देखो जो भी ये होती है ना कॉस्ट रिटर्न वगैरह सब पर एनम के टर्म्स में होती है, ठीक है,
तो ये कंपनी की कॉस्ट होती है। निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ सर, D1 डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस, जिसे मैंने बोल दिया P0। P0 का मतलब करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% टर्म्स में आ जाएगा। और इसमें प्लस कर दो, देखो कंपनी इतना पे कर रही है, अब कंपनी ने बोला हर साल हम 5-5% की ग्रोथ और देंगे, तो प्लस ग्रोथ परसेंट 5%, तो कंपनी की कॉस्ट कितनी आई, 10+5 15%, ये आ गई KE। ये फॉर्मूला उसी से बनाया जो अपने वैल्यूएशन का देखा था, D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G, उसी फॉर्मूला में डाल दो, बस वहां V0 निकालते थे। अगर मैं आपको बोलूं कि आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट कर लो, रिक्वायर्ड रिटर्न की जगह के कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट करोगे, तो आपको P0 ही मिल जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, P0 ही मिल जाएगी बस आपको। आप खुद सोचिए ना, उस फॉर्मूला में डिस्काउंटिंग ही तो करनी है। डिस्काउंटिंग अगर मेरी रिटर्न से करूंगा रिक्वायर्ड से, तो V0 मिलेगी इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन डिस्काउंट अगर कंपनी की कॉस्ट से ही कर दूंगा, तो कंपनी कॉस्ट किस पे निकालती है, मार्केट प्राइस पे निकालती है, तो मार्केट प्राइस से डिस्काउंट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगी, मार्केट प्राइस। पूरा लॉजिक के साथ अपने एग्जांपल से ये चीज मैंने आपको क्लैरिफाई करवाई थी। चलिए ये एक एग्जांपल भी लिखा है, सिंपल सा है। इसके अलावा दो अजम्पशन और थी, परपेचुअल डिविडेंड वेरिएबल ग्रोथ के साथ, या फिर शेयर हेल्ड करेंगे कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो उस केस में अगर आपको KE निकालने की जरूरत पड़े तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां फॉर्मूला था भी नहीं। वहां हम क्या कर रहे थे, डिस्क्रीट वैल्यू का PV और उसके बाद टर्मिनल वैल्यू का PV, उनका टोटल कर रहे थे। तो उस केस में आपको ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, ये कुछ भी नहीं है, कोई मेथड है ही नहीं। इसमें आपको क्या करना है, देखो KE क्या होती है, KE मतलब कंपनी ने आज जो पैसा उठाया उस पे इन्वेस्टर को क्या रिटर्न देनी है, उस पे क्या पे कर रही है कंपनी। कंपनी ने 1000 की मार्केट प्राइस पे शेयर से पैसा उठाया, उस पे कंपनी क्या पे करेगी, उस पे कंपनी क्या पे करेगी, बताओ क्या क्या पे करेगी कंपनी। एक तो जो इसने पैसा उठाया प्रिंसिपल, वो पे करेगी, प्लस इंटरेस्ट रिटर्न का कंपोनेंट पे करेगी। ठीक है, यहाँ पे आप माइंडसेट वो रखिए कि आप पैसा लोन लेते हैं तो क्या पे करते हैं। यहाँ ये मत बोल देना सर इक्विटी शेयर ले रही है कंपनी तो प्रिंसिपल तो कभी रीपे होता ही नहीं है, वो माइंडसेट मत रखिए। आप बस ये सोचिए कैलकुलेट करते वक्त कि मैं पैसा उठा रहा हूं तो देना क्या पड़ेगा, सामने वाला उम्मीद क्या करेगा। सामने वाला दो चीजों की उम्मीद करेगा कि उसका मूल पैसा जो उसने मेरे को दिया है वो तो उसको मिल जाए, साथ में उसको कुछ रिटर्न भी मिले। तो यानी मैं दो चीजें दे रहा हूं, जो दो चीजें दे रहा हूं वो दो चीजें क्या क्या दे रहा हूं, एक तो जो मूल पैसा उसका वो यानी प्रिंसिपल अमाउंट, प्लस मैं क्या दे रहा हूं उसका कुछ रिटर्न या इंटरेस्ट का कंपोनेंट, जो मेरे लिए तो क्या होगा, मेरा खर्चा यानी मेरी कॉस्ट होगा, यानी फ्यूचर का जो पैसा मेरे पास आउटफ्लो होगा। मैं कंपनी हूं, आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचिए, मैं कंपनी हूं, मेरे पास से जो आउटफ्लो होगा उसमें से सर अगर मैं मेरी कॉस्ट हटा दूं, उस कैश फ्लो में से अगर मैं मेरी कॉस्ट हटा दूं, जो मेरी कॉस्ट लग रही है यानी इंटरेस्ट का कंपोनेंट जो है, रिटर्न का कंपोनेंट इन्वेस्टर का, वो हटा दूं, तो किसके बराबर आ जाना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस के बराबर आ जाना चाहिए, उसके बराबर ही तो आना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर के पैसे में एक तो जो मैंने लिया पैसा उनसे वो देऊंगा, साथ में उनको इंटरेस्ट या कॉस्ट रिटर्न देऊंगा, तो वो हटा दूं। तो यानी फ्यूचर के कैश फ्लो को ऐसी रेट से PV करूं जिससे कि वो करंट मार्केट प्राइस P0 के बराबर आ जाए, वही क्या होगी, कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE होगी। ठीक है, फ्यूचर के कैश फ्लो को ऐसी रेट से PV करिए कि वो करंट मार्केट प्राइस के बराबर आ जाए, वही KE होगी। ट्रायल एंड एरर मेथड, दो चार रेट उठाइए, PV करके देखते रहिए, लास्ट में इंटरपोलेशन वगैरह की भी जरूरत पड़ सकती है। अब सर एग्जाम में क्या करेंगे फिर ऐसे केस में, क्या इसी में टाइम लगा देंगे? देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड वाले, और अगर आते भी हैं तो एग्जाम में आपको दो रेट पे PV फैक्टर बता देगा, तो समझ जाइए उन दोनों रेट के बीच में कहीं ना कहीं आपकी रेट एग्जिस्ट करती है, उन पे आप PV कर लीजिए और इंटरपोलेशन करके अपन आंसर निकालेंगे। अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए थे सब में ऐसा ही था, और यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया उस पर्पज से, देखिए आपको बताया भी था ये। डिविडेंड देखो कंपनी 3 साल तक पे करेगी 10, 12, 8 ये रुपए का। इसके बाद थर्ड ईयर एंड के बाद क्या बोला, आफ्टर दैट डिविडेंड जिंदगी भर 10% से ग्रो करेगा, यानी परपेचुअल डिविडेंड विद कॉन्स्टेंट विद वेरिएबल ग्रोथ वाला है ये। तो करंट मार्केट प्राइस P0 बता रखिए 200 रुपये, KE कैलकुलेट करनी है। तो क्या करें सर, KE कैलकुलेट करनी है तो फ्यूचर में जो मैं पे करूंगा उसको PV करना है। अब किस रेट से करूं उसके लिए क्वेश्चन में आपको हिंट में दे देगा। हिंट में देखो दो रेट दे रखे हैं, PV फैक्टर 13% और 14% पे दे रखे हैं। बस अब आपको क्या करना है, इन दोनों रेट से PV करके देख लेना है, और इन दोनों रेट पे किसी पे भी वैल्यू जो आ रही है PV वो अगर 200 रुपये की मार्केट प्राइस के बराबर आ जाती है तो वही मेरी क्या हो जाएगी, KE हो जाएगी। अगर सर दोनों में नहीं आई तो उनके बीच में कहीं पे आ रही होगी, आपको फिर इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने 13% से PV किया, कैसे करूंगा, 10 रुपये 12 रुपये 8 रुपये टेबल में डाला, PV कर लिया नॉर्मल डिस्क्रीट वैल्यू। इसके बाद जिंदगी भर क्या मिलेगा, कैश फ्लो जो है मेरे को पे करना है 10% की ग्रोथ के साथ, यानी फोर्थ ईयर ऑनवर्ड 10% से ग्रो करना है, यानी थर्ड ईयर का कैश फ्लो 8+10% फोर्थ ईयर का कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट। डिस्काउंटिंग रेट क्या है, 13% माइनस ग्रोथ रेट 10%, तो टर्मिनल वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय थर्ड ईयर के PV फैक्टर कर दो तो PV ऑफ टर्मिनल वैल्यू, तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये चीज मैंने अभी टेबल में ही यहीं पे करके दिखा दी, क्योंकि इसकी बहुत प्रैक्टिस अभी आपकी हो चुकी होगी। तो 227 रुपये वैल्यू आ गई 13% से PV करने पे, ऐसे ही 14% से PV किया तो वैल्यू आ गई 171 रुपये 90 पैसे।
सर मुझे वैल्यू कितनी चाहिए थी, 200 रुपये। तो सर इन दोनों पे 200 नहीं आ रही, तो के ही क्या है? आप थोड़ा दिमाग लगाइए, 13% से पीवी क्या 227 आई, 14% से क्या 171 आई, सर कम वैल्यू हो गई। इसका मैं लॉजिक आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, वापस बता देता हूँ। जब भी आप पीवी की रेट बढ़ाएंगे, डिस्काउंटिंग की रेट जितनी बढ़ाते जाएंगे वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी, और डिस्काउंटिंग की रेट जितनी कम करते जाएंगे वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। लॉजिक है बिल्कुल सिंपल सा, समझ लीजिए। मान लीजिए मैं 10% से डिस्काउंट करता हूँ, इसका क्या मतलब है कि फ्यूचर के कैश फ्लो में 10% इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा, वो हटाएंगे। अब मैं बोलूँ मैं 15% से डिस्काउंट कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है फ्यूचर के कैश फ्लो में 15% इंटरेस्ट है वो हटाएंगे। तो भाई कैश फ्लो तो वही है, उसमें से अगर 10 रुपये हटाओगे तो क्या बचेगा? मान लो 100 रुपये का कैश फ्लो है, 10 हटाओगे तो 90 बचेगा, और 100 में से अगर 15 हटाओगे तो क्या बचेगा? 85, 85। यानी डिस्काउंटिंग करने का मतलब है कि उतना पोर्शन हटाना, उस रेट से पोर्शन हटाना। तो जितनी ज़्यादा रेट से पोर्शन हटाओगे उतनी कम वैल्यू आएगी ना, तो डिस्काउंटिंग रेट जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम वैल्यू आती है, और जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो यानी 227 रुपये वैल्यू का भाई जब 13% से किया, मुझे वैल्यू कितनी चाहिए? सर मुझे प्राइस 0 टाइम की 200 के बराबर आ जाए, यानी 227 से वैल्यू कम करनी है, वैल्यू कम करनी है यानी डिस्काउंटिंग रेट बढ़ानी है, यानी 14%। इसलिए क्वेश्चन में 14% की रेट पे पीवी फैक्टर दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, कितनी वैल्यू है इस पे? 171 रुपीज की। यानी इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं मेरी केई एग्जिस्ट करती है। अब वो कैसे आप करते हैं इंटरपोलेशन, तो इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, जो लॉजिकली मैंने समझा दिया था, कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स का यूनिटरी मेथड है, वो समझ लीजिए कैसे कर रहे हैं अपन। देखिए 13% है ये और ये 14% है। 13% पे वैल्यू आई 227 रुपये और 14% पे आई 171 रुपये, ठीक है, लगभग ये वैल्यू आ रही है आपकी। मेरे को वैल्यू कितनी चाहिए? सर मेरे को चाहिए 200 रुपये की वैल्यू। अब सर ये कौन से पॉइंट पे आएगी, कितने परसेंट पे आएगी, ये मुझे पता करना है कितने परसेंट पे आएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही होगी बीच में, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जहाँ पे बीच में आ रही होगी वहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, 13% से तो थोड़ा सा आगे बढ़ना है, मुझे 14% तक नहीं जाना, मुझे 13% से कितना आगे बढ़ना है, तो मुझे 13% से इतना आगे बढ़ना है। बन सके देखिए 13% से इतना आगे बढ़ना है ताकि मेरी क्या आ जाएगी, मुझे के ही मिल जाएगी, क्योंकि यहां पे 200 प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो जितना आगे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ना है सर, 227 माइनस 200, यानी 27 रुपीज से वैल्यू गिरानी है बस। अभी 227 वैल्यू है, 27 रुपये से वैल्यू गिरानी है। लेकिन सर जब मैं 13% से 14% पे जाता हूँ तो वैल्यू कितनी गिर रही है, देखो 227.07 एग्जैक्टली मैं ले लेता हूँ, 227.07 माइनस 171.90, 55.17। यानी अगर मैं 13% से 14% कर देता हूँ डिस्काउंटिंग रेट, तो वैल्यू कितनी गिर जाती है, 55 रुपीज से वैल्यू गिर जाती है। लेकिन मेरे को गिरानी कितने थे, 27 रुपीज से बस। अब आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। यूनिटरी मेथड कैसे लगेगा, देखो अगर मैंने वैल्यू 55 रुपये से कब गिरी, मेरी वैल्यू 55 रुपये से गिरी जब मैंने डिस्काउंटिंग रेट 1% से बढ़ाई। मेरी वैल्यू 1 रुपये से गिरानी है अगर, तो डिस्काउंटिंग रेट कितने परसेंट से बढ़ानी होगी सर, 1/55% से। लेकिन मेरे को वैल्यू कितनी गिरानी है, 27 रुपये, तो 27 रुपये से अगर वैल्यू गिरानी है तो 1/55×27, इतने परसेंट से मेरे को मेरी डिस्काउंटिंग रेट बढ़ानी पड़ेगी। ये यूनिटरी मेथड लगाया, मैथमेटिक्स का 8th क्लास का मेथड है, और अगर इसमें भी दिक्कत आती है ना फिर भूल जाइए ये चीज़ें, ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं बनता चीज़ों का। तो इंटरपोलेशन इतना ईजी होता, कुछ नहीं होता, ये फॉर्मूला रट के जाते हैं इसलिए बेकार लगती हैं चीज़ें। तो अब देखो क्या किया, बस मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी ऐसे ही बनाया, मेरे को क्या करना है 13% में कितना बढ़ाना है वो मैंने लिख दिया। तो यानी 13% प्लस कितना करना है सर, प्लस में मैंने लिया, क्या आया मेरा प्लस में, देखिए प्लस में आ रहा है मेरा 1/55×27, और ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया, वन सेकेंड। वन डिवाइडेड बाई 55×27, इतना मुझे प्लस करना है 13% में, इतना परसेंटेज प्लस करना है। अब देखो बस वही चीज मैंने की है, सबसे पहले यानी न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, 27×1, 27 क्या था सर, 227 और 200 का गैप, तो देखो यहाँ पे मैंने वही किया, डिवाइड में 55 कहाँ से आया था, 227 और 171 का गैप, मल्टीप्लाई में 1 है, मल्टीप्लाई में 1 है, ये कहाँ से आया, 13 और 14% का 1%, यानी 14 माइनस 13,
यही चीज करिए, इसको फॉर्मूला में लिखा हुआ इंटरपोलेशन में अब आप फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं, उसका लॉजिक मैंने आपको दे दिया। लोअर रेट प्लस लोअर रेट पे वैल्यू कितनी थी 227 माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी थी 200 रुपए डिवाइड बाय वैल्यू एट लोअर रेट 227 माइनस वैल्यू एट हायर रेट 171 मल्टीप्लाई बाय हाई रेट 14% माइनस लो रेट 13%। इस तरीके से आप इंटरपोलेशन कर लेंगे तो इससे आपकी केई आ चुकी है 13.49%। यानी 13.49% एक ऐसी रेट है जिस पे अगर आप पीवी कर लेंगे ना इन कैश फ्लो को तो 200 रुपए के बराबर आ जाएंगे। तो अब आप कैलकुलेट चाहे रिवर्स कैलकुलेशन वापस से करके देख सकते हैं, आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, केई आ चुकी है। इस तरीके से आप इंटरपोलेट करके वैल्यू पता कर लेंगे कि ये आपसे पूछे जाए तो। एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन के। चलिए इसी के साथ डिविडेंड बेस्ड मॉडल कंप्लीट कर लिया। अब अपन ने अर्निंग बेस्ड मॉडल समझ लीजिए। अब अर्निंग बेस्ड मॉडल एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत कम रेलिवेंस रखते हैं, बहुत कम चांसेस हैं। देखो क्वेश्चन है आपके पास तो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं आएगा, पर ये मान लीजिए कोई 5-10 अटेम्प्ट में एक बार आ गया तो आ गया, बाकी इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन गलती से डाले हुए हैं, एकदम फालतू हैं, कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। अर्निंग बेस्ड मॉडल में सबसे पहले अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल या ईपीएस ग्रोथ मॉडल। ये मॉडल कहाँ से बना सर? ये मॉडल कुछ नहीं है, बस टाइम पास करने के लिए इन्होंने बना दिया। टाइम पास करने के लिए बनाया भी क्या है, मॉड्यूल में आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आई से कुछ भी कर सकता अपना ज़्यादा दिमाग चला के, तो बस वही किया हुआ है। मैंने आपको एक बार अभी बताया था बेसिक्स में आरओई क्या निकालते हैं, ईपीएस बाई बीवीपीएस, पर कई बार आरओई मार्केट प्राइस पे भी निकाल ली जाती है, ईपीएस बाई एमपीएस करके भी निकाल ली जाती है, ऐसे भी आरओई अपन निकाल लेते हैं। तो बस इसी फॉर्मूला से उन्होंने क्या कर दिया, एक क्वेश्चन बेस बना दिया और ईपीएस ग्रोथ मॉडल उसका नाम दे दिया। यहां से अगर मैं पूछूं एमपीएस निकालनी है तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। एमपीएस क्या हो जाएगी, एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस बाई आरओई। लेकिन सर इससे तो क्या आएगी, करंट मार्केट प्राइस, मुझे तो इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए। तो सर इसको क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस की जगह मैं वर्डिंग लिख देता हूँ V0। भाई एक ही बात है, मैं वर्डिंग V0 लिख देता हूँ, लेकिन सर आएगी तो एक्चुअल में मार्केट प्राइस ही। तो इन्होंने थोड़ा सा बस इसको क्या बोल दिया कि ईपीएस जो है ना इसको ग्रोथ कर देते हैं। ग्रोथ कैसे करते हैं, 1+G करके। जब कैश फ्लो जिंदगी भर आप ग्रो करवा रहे हो तो डिस्काउंटिंग रेट जो है वो भी ग्रो करेगी। आरओई यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट का काम कर रही है तो माइनस इसको भी आपको कम करना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग रेट को कम करते हैं ना ग्रोथ रेट से, जितनी ग्रोथ रेट होती है उससे कम करते हैं। तो बस ये फॉर्मूला बन गया ईपीएस 1+G डिवाइडेड बाई आरओई माइनस जी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके पास जो अपन ने किया था क्लास के अंदर ईपीएस ग्रोथ मॉडल का, इसमें आरओई डिस्काउंटिंग रेट होती है। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट होती है इस मॉडल में, जिसका मैंने रीजन बता दिया आईसीए ने किस बेसिस पे बनाया हुआ है ये। इसके बाद देखिए पी मल्टीपल अप्रोच, ये भी फालतू अप्रोच है। पी मल्टीपल को यूज में लेके वैल्यू निकालनी है, कैसे आएगी, एमपीएस इज इक्वल टू पी रेशियो मल्टीप्लाई बाई ईपीएस, पी रेशियो के फॉर्मूला को ही घुमाया है बस। इसके बाद देखिए गॉर्डन्स मॉडल, गॉर्डन्स ने एक मॉडल दिया था वैल्यू करने के लिए जो कि अर्निंग के ऊपर बेस्ड था। इसने काम में ली थी अर्निंग ईपीएस 1-B डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी आर, लेकिन ये नाम का तो अर्निंग बेस मॉडल था, एक्चुअल में ये डिविडेंड के ऊपर बेस है। अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डी1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी, जो कॉन्स्टेंट ग्रोथ अजम्पशन देखा था ना उसमें मैंने लिखाया भी था गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के ऊपर बेस है। ये जो गॉर्डन का ग्रोथ मॉडल है वो कुछ नहीं है, डी1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो और आर का मतलब है आरओई। ईपीएस 1-B यानी ईपीएस में रिटेंशन रेशियो हटा दोगे तो क्या बचेगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी आर, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाई आरओई कर दोगे तो ग्रोथ रेट यानी के ई माइनस जी है। ये फॉर्मूला इस तरीके से आपका कुछ भी नहीं है। देन वोल्टर्स मॉडल, वोल्टर्स के मॉडल से आपकी वैल्यू कैसे आती है, ये इंटरमीडिएट का फॉर्मूला है जिसको बस फाइनल में एक लाइन में लिख दिया मॉड्यूल में और बोल दिया बाकी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है। एक दो क्वेश्चन गलती से दे रखे हैं आईसीए ने, बाकी एग्जाम में आने के चांसेस कम है क्योंकि इंटरमीडिएट का पूरा डिटेल्ड आपने पढ़ा हुआ है, वहां पर आपसे पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड आर यानी आरओई डिवाइडेड बाय केई यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय केई। इस तरीके से आप इसमें वैल्यू करते हैं। ये मॉडल क्या बोलता है कि देखिए आपको डिविडेंड जो मिलेगा वो तो आपने चलो डिस्काउंट कर लिया, लेकिन क्या कंपनी के इक्विटी शेयर्स की वैल्यू डिविडेंड के बेस पे वैल्यू होनी चाहिए? भाई कंपनी के इक्विटी शेयर का हक डिविडेंड पे तो है पर रिटेन्ड अर्निंग्स पर भी तो है, और रिटेन्ड अर्निंग्स क्यों होती है बिजनेस में, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स सर बिजनेस में लगेंगे, बिजनेस में लगेंगे तो कमाई करवा के देंगे, तो उस कमाई पे भी तो हमारा हक बनता है। तो यानी उस रिटेन्ड अर्निंग्स पे जो हम कमाई करेंगे उसके हक को भी आप डिस्काउंट करिए। तो डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड यानी रिटेन्ड अर्निंग मल्टीप्लाई बाय आर यानी आरओई से उसको मल्टीप्लाई किया और फिर उसको केई से डिस्काउंट किया और फिर होल को वापस केई से डिस्काउंट किया। यहाँ पे बच्चों के मन में, आप लोगों के मन में एक डाउट आता है कि सर जो रिटेन्ड अर्निंग का जो कमाई थी उसको दो बार डिस्काउंट क्यों किया, तो उसको अपने एग्जांपल लेके एक लेक्चर में, हाँ लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था डिटेल में, वापस से आपको बता देता हूँ क्या किया था अपन ने। फटाफट से अपन ने क्या किया था, देखो रिटेन्ड अर्निंग पे जो आप कमाई करोगे, रिटेन्ड अर्निंग की जो कमाई होगी वो हर साल होगी, पर एनम होगी आपको जिंदगी भर, और रिटेन्ड अर्निंग भी हर साल होगी, तो जो कमाई होगी उसके जो रिटेन्ड अर्निंग होगी वो भी हर साल होगी। तो एक
बार जो हर साल आपकी कमाई होगी उसको आपने डिस्काउंट किया, और रिटेन अर्निंग हर साल होंगी तो फिर उसका एक बार डिस्काउंट होता है, जिसको अपन एक एग्जांपल लिया था 10 रुपये 4 रुपये 6 रुपये करके एक एग्जांपल से अपन ने समझाया था इसको, बाकी इस पर ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं है। इसके बाद देखिए अर्निंग बेस्ड मॉडल में लास्ट यील्ड ऑन शेयर अप्रोच, जो कि अकाउंटिंग बेस्ड मॉडल बोल सकते हैं। ये मॉडल आपके मॉड्यूल में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ये, बस इसका एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके आ रखा है, इसी ने दे रखा है, बस कॉपी पेस्ट करते रहते हैं बेचारे, तो उस चक्कर में कॉपी पेस्ट कर दिया क्वेश्चन। ये ओल्ड कोर्स हुआ करता था, उसमें FR जो अकाउंटिंग होता था उसमें वैल्यूएशन करके चैप्टर हुआ करता था, उस चैप्टर में ये मॉडल हुआ करता था, जिसको ICA ने बस कॉपी पेस्ट ओल्ड कोर्स में कर रखा था SFM में, और आपके यहाँ चिपका दिया कॉपी पेस्ट में। तो यहाँ पे देखिए आप कॉपी पेस्ट में चिपका रखा है तो बस उतना ही अपने को देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है। यहाँ वैल्यू आप कैसे करते हैं, एक्चुअल यील्ड परसेंटेज ऑन इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड परसेंट ऑन इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। अब यहाँ पे एक्चुअल यील्ड परसेंटेज क्या होती है सर इक्विटी शेयर की, एक्चुअल यील्ड का मतलब एक तरीके से आप डिविडेंड समझ लीजिए, बाकी क्या होती है एक्चुअल यील्ड, या आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में बताता है यील्ड क्या होगी इक्विटी शेयर पे, एक पर्टिकुलर रेशियो कंपनी डिसाइड कर लेती है, उससे कैलकुलेट करती है कि 50% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड और 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी रिटेंड अर्निंग, इस तरीके से कुछ बना के कंपनी पहले ही डिसाइड कर लेती है, जो कि हर साल कैलकुलेशन में काम में लेते हैं। तो यील्ड ऑन इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल पे यील्ड दी जाती है मल्टीप्लाई बाय 100। इसको एक बार को समझने के लिए, फॉर्मूला समझने के लिए यील्ड को एक बार समझ लीजिए, इक्विटी शेयर का डिविडेंड है, तो इक्विटी शेयर का डिविडेंड मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल पे निकाला परसेंटेज में आ गया, इसको मैं क्या कर रहा हूँ फॉर्मूला में क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर से, यानी डिविडेंड ही आ जाएगा वापस से, डिविडेंड का अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड परसेंट, एक्सपेक्टेड यील्ड परसेंट को समझ लीजिए रिक्वायर्ड रिटर्न, तो यानी एक तरीके से हम डिविडेंड को डिस्काउंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे यील्ड का मतलब ओनली डिविडेंड नहीं होता, कुछ एक कैलकुलेशन होती है जो क्वेश्चन में हमेशा बताएगा यील्ड क्या लेनी है, बस उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर कैसे निकलेगी सर, नॉर्मल मार्केट में क्या रिटर्न मिल रही है सिमिलर कंपनीज के शेयर्स पे वो आप ले लीजिए, लेकिन मार्केट की रिटर्न एज इट इज हम काम में नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी जो कंपनी है इसमें कुछ अलग रिस्क कंपोनेंट हो सकता है, तो इसमें हमें प्लस या माइनस करना पड़ेगा रिस्क प्रीमियम। मार्केट के कंपैरिजन में इस कंपनी में रिस्क कम है तो माइनस होगा, मार्केट के कंपैरिजन में इसमें रिस्क ज्यादा है तो डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाएंगे अपन, ज्यादा रिटर्न मांगेंगे। तो ये सर रिस्क प्रीमियम कैसे होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा क्या, नहीं, क्वेश्चन में आपको कुछ रेशियोज देके रखेगा, एक क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, एक ही क्वेश्चन है वो, जिसमें फिक्स डिविडेंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, कैपिटल गेयरिंग रेशियो है, उसके बेसिस पे अपन कैलकुलेट करते हैं कि कितना आपको एडजस्टमेंट करना है, पूरा अपन ने क्लास में किया था, उसके बेसिस पे आप एडजस्टमेंट करेंगे इसमें। अब देखिए आप इक्विटी शेयर के वैल्यूएशन में राइट शेयर्स का वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ राइट्स, राइट्स का मतलब क्या होता है राइट इशू, राइट इशू का मतलब है कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी इशू कर रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इक्विटी इशू कर रही है। इसका क्या मतलब, मान लीजिए कंपनी का आज शेयर मार्केट में 50 रुपये का मिल रहा है, कंपनी को पैसों की जरूरत है तो कंपनी मार्केट में नहीं जा रही, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोल रही है कि आपको हम एक राइट दे रहे हैं, आप चाहो तो 30 रुपीज़ में शेयर हमसे खरीद सकते हो जो मार्केट में 50 रुपये का मिल रहा है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देती है, इसे बोलते हैं राइट इशू। यहाँ पे राइट देती है तो ऐसा भी बताती है कि आपके पास राइट कितना है, ऐसा बोल सकती है कंपनी 1:4 का राइट आपके पास। इसका क्या मतलब है, आपके पास अगर 4 इक्विटी शेयर्स हैं ओरिजिनल ऑलरेडी आपने ले रखे हैं, तो आपको एक राइट शेयर खरीदने का हकदार हो, आप एक राइट शेयर आप खरीद सकते हो। अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो यानी आप कितने खरीद सकते हो, 25 राइट शेयर खरीद सकते हो। 1000 शेयर हैं तो यानी आप 250 राइट शेयर खरीद सकते हो, इसका ये मतलब हुआ, जितना भी राइट का रेशियो बताया जाएगा आपको। तो इस केस में आपको कुछ डिसीजन लेने के लिए वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है, डिसीजन क्या लिए जाते हैं, मैं राइट इशू करने जा रही हूँ मैं कंपनी, तो मैं ये देखना चाहता हूँ राइट इशू से मेरी कंपनी की वेल्थ पर, शेयर होल्डर पर, इन सब पे क्या इंपैक्ट आएगा, जो पूरा मैंने आपको लॉजिक के साथ डिस्कशन किया था, अभी उस पे नहीं जाते हैं, बस देख लीजिए वो क्या क्या कैलकुलेशन थी जिनसे डिसीजन होता है। एक तो अपने को देखना था कि भाई राइट इशू के बाद मेरी कंपनी की मार्केट में शेयर में प्राइस क्या हो सकती है, मार्केट में शेयर की प्राइस क्या हो सकती है वो मैं पता करना चाहता हूँ एक बार। एक्चुअल में तो क्या होगी वो मार्केट में ही पता चलेगा, बस एक थियोरिटिकल प्राइस पता करने, इसलिए से हम बोलेंगे थियोरिटिकल एक्स राइट, यानी राइट होने के बाद, यानी पोस्ट राइट, एक्स राइट या पोस्ट राइट प्राइस पर शेयर, यानी प्राइस टू बी एक्सपेक्टेड इन मार्केट आफ्टर राइट इशू। ये कैसे निकालेंगे, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस कितनी है मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, प्लस राइट इशू की प्राइस कितनी है और राइट इशू पे कितने शेयर इशू होंगे मल्टीप्लाई कर दो उससे, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी क्या हो जाएगी कंपनी की शेयर होल्डर्स की, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स और नंबर ऑफ राइट शेयर्स। तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स से आपने डिवाइड किया तो एक एवरेज आपको एक्सपेक्टेड प्राइस पता चल जाएगी क्या हो सकती है। इसके बाद आपको पता करना है कि जो आपने राइट शेयर होल्डर्स को दिया उसकी वैल्यू कितनी है, राइट की वैल्यू कितनी है। अगर नॉर्मली मैं आपसे पूछूं सर आज मार्केट में 50 रुपये का शेयर मिल रहा है लेकिन शेयर होल्डर्स को 30 रुपीज में शेयर खरीदने का हक है, आप बोल दोगे सर राइट की वैल्यू है 20, पर ये गलत हो जाएगा। देखो राइट की वैल्यू आप उस दिन से देखोगे जिस दिन राइट इशू होने के बाद मार्केट में शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी।
क्योंकि उनको अभी शेयर मिला थोड़ी ना, शेयर जब मिल जाएगा तब तो मार्केट में कुछ और प्राइस हो जाएगी ना, यानी क्या हो जाएगी, एक्स राइट पोस्ट राइट प्राइस हो जाएगी, तब वो अपना बेनिफिट देखेंगे कि उनको क्या बेनिफिट हो रहा है। तो यानी एक्स राइट प्राइस में से आप राइट इशू की प्राइस माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ राइट। सपोज एक्स राइट प्राइस अपना एग्जाम्पल है 1000, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कंपनी के 1000 शेयर हैं, अभी 1:4 के रेशियो में राइट इशू कर रही है, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस 50 है और 30 रुपीज राइट इशू प्राइस है। इससे आपने कैलकुलेट करा था एक्स राइट प्राइस अपनी 46 के अराउंड आ रही थी, तो एक्स राइट प्राइस 46, राइट इशू प्राइस 30, यानी आपके 16 रुपए की क्या है, वैल्यू ऑफ राइट है, यानी शेयर होल्डर जिनके पास राइट है उनके एक राइट की वैल्यू है 16 रुपए। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि सर जो एक राइट मिला वो क्यों मिला, मान लो मैं एक शेयर होल्डर हूं, मुझे राइट कब मिला होगा, जब मेरे पास ओरिजिनल 4 शेयर होंगे, यानी 4 शेयर होंगे तब जाके एक राइट मिला होगा। तो मैं अगर ऐसा पूछूं मेरे पास ओरिजिनल 1 शेयर है तो उसके अंदर राइट का कितना कंपोनेंट है। देखो मार्केट में जो प्राइस होती है ना, जब राइट इशू कंपनी अनाउंस करती है उसकी प्राइस में ही, उसके एग्जिस्टिंग शेयर की प्राइस में राइट इशू का इफेक्ट आने लग जाता है, वो मैंने आपको समझाया था, उसमें ही लोग उसके कंपोनेंट को इंक्लूड करवा देते हैं, मार्केट में डिमांड सप्लाई के बेस पे हो जाता है ऐसा। तो क्या होगा इसका मतलब कि जो ओरिजिनल शेयर है, एक ओरिजिनल शेयर में कितना राइट छुपा हुआ है ये बताओ। देखो 4 ओरिजिनल शेयर थे तब जाके मुझे एक राइट मिल रहा था, तो अब मुझे देखना है एक ओरिजिनल शेयर में राइट की वैल्यू कितनी है। सर 4 ओरिजिनल शेयर पे एक राइट मिल रहा था जिसकी वैल्यू 16 रुपए है, तो बताओ एक ओरिजिनल शेयर में राइट की वैल्यू कितनी होगी। सर 16 रुपए की राइट की वैल्यू 4 शेयर होंगे तो मिलती है, यानी डिवाइड बाय 4 कर दो तो ओरिजिनल शेयर पे राइट की वैल्यू कितनी है, 4 रुपए। इसका मतलब आप पता है क्या कर लीजिए, इसको आपका निकालने का एक और तरीका है, 50 रुपए एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस है, थियोरिटिकल एक्साइड प्राइस 46, तो अभी 4 रुपीज आएगा, यानी आपके अभी मार्केट में 50 रुपए प्राइस है, यानी इसके अंदर 4 रुपए का राइट का कंपोनेंट है, वो हट जाएगा मार्केट में, फिर मार्केट में प्राइस 46 की रह जाएगी आपकी, एक तरीके से ये बताता है। तो आपसे वैल्यू ऑफ राइट पूछे तो हम दोनों तरीके से बताते हैं, नॉर्मल भी और पर ओरिजिनल शेयर भी। इसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ राइट इशू भी कंपनी देखती है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो वो देखिए शेयर होल्डर की वेल्थ पे राइट इशू की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, वेल्थ यानी उनकी टोटल प्रॉपर्टी टोटल वैल्यू पर कितना इंपैक्ट आएगा। शेयर होल्डर ने अगर राइट इशू को एक्सरसाइज कर लिया, राइट इशू को मैं एक्सरसाइज कर लेता हूं, यानी कंपनी ने राइट इशू पे अनाउंस किया, अब मेरी मर्जी है मैं चाहूं तो खरीद लूं तो मैंने खरीद लिया, तो मेरी वेल्थ कुछ चेंज नहीं होगी। आप वेरीफाई कैसे करेंगे करके क्वेश्चन में आपको बताना है, बिफोर राइट इशू आपकी वेल्थ क्या होगी, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी में ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस, और राइट इशू के बाद आपकी वेल्थ क्या हो जाएगी, सर टोटल शेयर्स हो जाएंगे इंक्लूडिंग राइट शेयर मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय मार्केट में प्राइस क्या हो चुकी होगी एक्स राइट वाली, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें आपको एक लेस करना पड़ेगा, लेस क्या करना पड़ेगा, राइट इशू के शेयर जब मैंने खरीदे होंगे तो कुछ पेमेंट भी तो क्या होगा कंपनी को, वो पेमेंट मुझे लेस करना पड़ेगा, जो कि नंबर ऑफ राइट शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ राइट इशू प्राइस, इससे आप कर देंगे। तो आप देख लेंगे कि आफ्टर राइट इशू और बिफोर राइट इशू सेम वेल्थ आएगी जो मैंने आपको वेरीफाई करवा दिया था। अगर शेयर होल्डर राइट इशू एक्सरसाइज नहीं करता पर मैं राइट किसी और को बेच देता हूं, बिल्कुल मैं राइट किसी और को बेच सकता हूं, कंपनी के शेयर्स मेरे पास हैं, मान लो मेरे पास 100 शेयर है तो मेरे पास 25 शेयर खरीदने का राइट है 1:4 के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं खरीदना नहीं चाहता, पर मेरा दोस्त है उसको सस्ते में शेयर खरीदने, वो बोला मेरे को चाहिए इस कंपनी के शेयर, तू तेरा राइट मुझे बेच दे, तू तेरा राइट मुझे बेच दे, तो मैंने उसको बेच दिया, तो मैं राइट बेच भी सकता हूं, फिर उसके पास राइट आ जाएगा, वो कंपनी से उतनी प्राइस में खरीद सकता है जो राइट इशू प्राइस थी। तो इस केस में भी शेयर होल्डर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, बिफोर राइट ओरिजिनल शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग एमपीएस, आफ्टर राइट क्या होगा, सर शेयर्स तो ओरिजिनली रहेंगे मैंने खरीदे नहीं है, मल्टीप्लाई बाय, लेकिन मार्केट में प्राइस एक्स राइट हो चुकी है उससे वैल्यू आएगी, साथ में मैंने जो राइट मिले तो उनको बेचा था उससे भी कुछ पैसा आया होगा बेचने पर, नंबर ऑफ राइट शेयर मल्टीप्लाई बाय बेचूंगा किस प्राइस पे, सर यहां पे आप हमेशा अजम्पशन लेंगे कि हम जो एक राइट की वैल्यू थी उस पर बेच रहे होंगे, जो भी राइट की वैल्यू थी उस पर बेच रहे होंगे, यानी वैल्यू ऑफ राइट जो अपन निकालते हैं उस पर आप अजम्पशन लेके या कैलकुलेशन करके बताएंगे। लेकिन अगर शेयर होल्डर ना राइट इशू एक्सरसाइज करता और ना ही किसी और को बेचता, वो बोलता कंपनी राइट इशू ला रही है लाने दो भाड़ में जाए कंपनी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा अगर शेयर होल्डर सोचता है, मैं तो आराम से बैठा हूँ घर में, जो करे कंपनी करने दो, अपना दिमाग ही नहीं है उसके अंदर, तो भाई आपने क्या किया, इग्नोर किया, आप एकदम आलसी इंसान हो, घर पे आलस में बैठे हो, तो जो आलसी इंसान होता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, यानी उसकी वेल्थ डिक्लाइन होगी, ठीक है, उसकी वेल्थ हमेशा डिक्लाइन होगी, तो उसकी वेल्थ डिक्लाइन होती है, इसकी वेल्थ डिक्लाइन आप प्रूफ करके दे सकते हो कि बिफोर राइट इशू ओरिजिनल शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग एमपीएस, आफ्टर राइट इशू शेयर्स तो उतने रहेंगे लेकिन प्राइस क्या हो जाएगी एक्स राइट वाली, और एक्स राइट प्राइस हमेशा ध्यान रखना एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से कमी होगी, ठीक है, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है दुनिया में। अब देखिए इसी के साथ आपका इक्विटी वैल्यूएशन कंप्लीट हो चुका है, अब हमें देखना है बॉन्ड वैल्यूएशन, थर्ड पार्ट इस चैप्टर का, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स यानी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज जिनमें फिक्स्ड इनकम मिलती है सर, वो डिबेंचर बॉन्ड्स लोन इन सब की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, उन सब की आपको वैल्यूएशन देखना है, और ये थोड़ा मेजर पार्ट है इस चैप्टर का जहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखिए इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अब ये स्टार्ट करते हैं हम अपन, है ना।
देखिए अब आप लोग वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में, सबसे पहले बॉन्ड की प्राइसिंग, बॉन्ड की वैल्यू। जैसे अभी मैं इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहा था तो इक्विटी शेयर की वैल्यू पता कर रहा था, ऐसे ही बस बॉन्ड में अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना है, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मार्केट में प्राइस कितनी है, उससे कंपेयर करके मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ। तो वही इंट्रेंसिक वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। उसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, तीन तरीके के बॉन्ड्स हो सकते हैं, एक रिडीमेबल बॉन्ड, इररिडीमेबल बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड। रिडीमेबल बॉन्ड मतलब जिनमें एक बार पैसा लगा दूंगा तो इंटरेस्ट मिलेगा एक, तो उसके बाद आपको रिडीम होकर प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा रिडेम्पशन पे। इररिडीमेबल बॉन्ड, एक बार पैसा लगा दिया तो वापस पैसा तो आएगा नहीं, बस हर साल कूपन मिलेगा इंटरेस्ट का अमाउंट। यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है उसे कूपन बोलते हैं, ठीक है। बॉन्ड डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, कूपन। ये सारी चीजें मैंने नोट करी हुई है, नोट्स में आपको लिखवाई भी थी, वो सब दिखा दूंगा अभी। इसके बाद देखिए जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो डिस्काउंट पे इशू करे जाते हैं और फेस वैल्यू पे रिडीम करे जाते हैं, इनमें कोई कूपन नहीं होता। नाम से ही समझ जाइए जीरो कूपन, यानी कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, बट डिस्काउंट पे इशू कर दिए और रिडीम कर दिए फेस वैल्यू पे। फायदा यही हो जाता है सामने वाले को। कैसे, मान लो 100 रुपए की फेस वैल्यू है, मैंने बोला 90 पे मैं इशू कर रहा हूं, तो मैं सामने वाले से 90 कलेक्ट करूंगा, मैच्योरिटी पे उसे 100 फेस वैल्यू पे करूंगा, तो मेरे लिए 10 रुपीज की कॉस्ट हो गई, उसके लिए 10 की इनकम हो गई बस, ठीक है। ये होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। तो हमें तीनों तरीके के बॉन्ड में उनकी वैल्यू पता करना सीखना है, बहुत सिंपल है। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालती है, वही प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट लगेगा। तो इस बॉन्ड से फ्यूचर में जो भी कैश फ्लो मिलेंगे उन्हें आप पीवी कर लीजिए डिस्काउंट करके। डिस्काउंट कौन सी रेट से करेंगे, मार्केट में जो बॉन्ड है उस पर रिक्वायर्ड रिटर्न क्या मिल रहा है, सिमिलर बॉन्ड, मार्केट में जो सिमिलर बॉन्ड है, मार्केट में जो दूसरे सिमिलर बॉन्ड है उनमें क्या यील्ड मिल रही है, वही मेरी इस बॉन्ड से रिक्वायर्ड रिटर्न होगी। हम पीवी किससे करते हैं, अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। तो मैं ये देखूंगा जिस कंपनी के बॉन्ड में मैं पैसा लगा रहा हूं, ऐसा ही बॉन्ड मार्केट में और भी है क्या, उन बॉन्ड पे उनके शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न मिल रही है, क्या यील्ड मिल रही है। यील्ड वर्ड का मतलब होगा रिटर्न, YIELD, यील्ड का मतलब है रिटर्न। तो सिमिलर बॉन्ड पे उनके शेयर, उनके बॉन्ड होल्डर्स को कंपनी क्या रिटर्न दे रही है, वही रिटर्न मैं इस वाले बॉन्ड से मांगूंगा इस कंपनी से, ठीक है। वो मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगी, उससे मैं पीवी करूंगा, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। अब आपको कैसे कैलकुलेट करनी है इंट्रिंसिक वैल्यू, सिंपल है, देख लीजिए। रिडीमेबल बॉन्ड क्या होगा, रिडीमेबल बॉन्ड में बताइए क्या क्या मिलेगा, फ्यूचर के कैश फ्लो को पीवी करना है बस, एक तो इंटरेस्ट मिलेगा सर यानी कूपन पेमेंट, और एक रिडम्पशन अमाउंट मिलेगा, दोनों को पीवी कर लीजिए, वैल्यू खत्म, बस फॉर्मूला टर्म्स में लिखना है। तो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट 1+KD, KD डिस्काउंटिंग रेट जो कि आपकी क्या है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, 1+KD 1 प्लस इंटरेस्ट सेकंड ईयर डिवाइड बाय 1+KD की पावर 2, ऐसे चलते जाइए। और रिडम्पशन ईयर में आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, रिडम्पशन अमाउंट भी मिल जाएगा 1+KD की पावर n, n का मतलब है रिडम्पशन वाला साल, ठीक है। एक एग्जांपल लिया मैंने, मान लीजिए एक बॉन्ड है 1000 की फेस वैल्यू का, कूपन रेट है 10%, रिडीमेबल एट पार है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। एट पार रिडीमेबल का मतलब क्या हुआ, एट फेस वैल्यू, एट पार का मतलब होता है एट फेस वैल्यू। ये सारी चीजें मैंने नोट करवाई थी, नोट्स में भी अपन देख लेंगे इन सब चीजों को। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको बता रखिए 12% है, इंट्रिंसिक वैल्यू बताओ। रिडीमेबल बॉन्ड है क्या क्या मिलेगा, कूपन सर 3 साल तक तो 10% कूपन, कूपन किस पे होते हैं, फेस वैल्यू, यानी 1000 का 10% 100 रुपए। थर्ड ईयर एंड में मुझे एक चीज और मिलेगी, रिडम्पशन अमाउंट 1000 का, रिडीमेबल एट पार है, तो बस इनका पीवी कर लीजिए 12% से, वैल्यू आ गई, काम खत्म। इसके बाद आप देख लीजिए इररिडीमेबल बॉन्ड, इसकी आप वैल्यू कैसे पता करेंगे। इररिडीमेबल बॉन्ड क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड जिनमें कभी भी रिडम्पशन अमाउंट होगा ही नहीं, रिडीम होंगे नहीं, सिर्फ कूपन पेमेंट मिलेंगे। तो इसमें वैल्यू क्या निकालनी है, जिंदगी भर सर कूपन पेमेंट मिलने वाला है, तो जिंदगी भर मिलता तो परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी। यहाँ पे तो ग्रोथ रेट हो सकती है क्या, भाई देखो कभी भी बॉन्ड इनमें ग्रोथ नहीं होती है, यहाँ एक फिक्स कूपन बता दिया जाता है, आज इशू हो गया अमाउंट तो बता देंगे इतना कूपन मिलेगा बस, इनमें ग्रोथ जैसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ इररिडीमेबल बॉन्ड 1000, इंटरेस्ट रेट 10%, रिक्वायर्ड रिटर्न 12%, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आ जाएगी, 100 का कूपन मिलेगा हर साल, 1000 का 10% डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट 12%, तो वैल्यू आ गई। जीरो कूपन बॉन्ड देखिए, जीरो कूपन बॉन्ड ऐसे बॉन्ड जो कि डिस्काउंट पे इशू करे जाए, रिडीम होंगे फेस वैल्यू पे, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, देखो मैंने बॉन्ड इशू करा और इसको मैंने डिस्काउंट पे इशू करा और रिडीम करूंगा मैं फेस वैल्यू पे। तो मैं अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अब मैं इन्वेस्टर हूं तो मैंने कंपनी को इशू प्राइस पे करी होगी और मैच्योरिटी पे बस मुझे एक फेस वैल्यू मिलेगी, और कुछ मिलेगा क्या, और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मुझे अगर इसके इंट्रिंसिक वैल्यू पता करनी है तो इससे मिलने वाले कैश फ्लो का पीवी करना है। मिलेगा क्या सर, रिडम्पशन अमाउंट, तो बस रिडम्पशन अमाउंट का पीवी कर लीजिए। रिडम्पशन अमाउंट क्या होगा इस केस में, हमेशा फेस वैल्यू होगी, तो फेस वैल्यू का पीवी कर लीजिए जिस भी ईयर में
जो मिलेगा वो उस ईयर के पीवी फैक्टर से। तो फॉर्मूला में अगर आप इसे लिखना चाहें तो फॉर्मूला भी बन जाएगा। फेस वैल्यू आपको मिलेगी, ये अमाउंट है, कब मिलेगा, जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर का पीवी फैक्टर, यानी 1+KD की पावर n, n मतलब रिडेम्पशन ईयर। एक एग्जांपल ले लीजिए, 1000 फेस वैल्यू है, 0 कूपन बॉन्ड की इशू प्राइस 900 है, 3 ईयर्स का मैच्योरिटी पीरियड है, रिक्वायर्ड रिटर्न 12%। कैसे निकालेंगे आप, 1000 का कैश फ्लो मिलेगा कब, थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर का आप फैक्टर लिख लीजिए, 1 डिवाइडेड 1 प्लस 0.12, 12% रेट है की पावर 3। या फिर इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका, 1000 का कैश फ्लो मिलेगा आपको और थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर निकाल लीजिए 12% से, उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम ही वैल्यू आएगी, कैसे भी आप कर सकते हैं। अब देख लीजिए कुछ नोट्स, क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी बॉन्ड की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, देखो फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों का सेम मीनिंग होता है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप हमेशा 100 अज्यूम करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में ICI रिडम्पशन अमाउंट देना भूल जाता है, या ICI की आदत है बेचारों की पुरानी, भूल जाते हैं कई बार गलती से। तो रिडम्पशन अमाउंट अगर ICI क्वेश्चन में देना भूल जाता है तो आपको अज्यूम करना है कि रिडीमेबल एट पार है, फेस वैल्यू पर है, रिडीमेबल एट पार होगा यानी फेस वैल्यू पर रिडीम होगा, ये आपको मान लेना है। सर जब रिडम्पशन अमाउंट ही नहीं दिया तो हमें कैसे पड़ेगा कि वो रिडीमेबल बॉन्ड है कि इररिडीमेबल। देखो क्वेश्चन में अगर लिखा जाए रिडम्पशन पीरियड 3 इयर्स, मैच्योरिटी पीरियड 3 इयर्स, तो समझ जाइए वो रिडीमेबल है, तभी तो रिडम्पशन या मैच्योरिटी पीरियड है, अदरवाइज वो होता ही नहीं। तो यानी उस केस में रिडम्पशन अमाउंट नहीं दे रखा तो फिर आपको अज्यूम करना पड़ेगा एट पार यानी फेस वैल्यू पे। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड हमेशा आपका फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, और इंटरेस्ट रेट जो होती है उसे अपन कूपन रेट भी बोलते हैं, ठीक है, कूपन बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, और कूपन ही मार्केट में वर्डिंग चलती है, इंटरेस्ट तो अपन ने समझने के लिए बस बोला है उसको। इसके बाद देखिए रिडम्पशन पीरियड का मतलब मैच्योरिटी पीरियड या मैच्योरिटी टाइम ऑफ बॉन्ड। देन इसके बाद एक नोट जिसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन किया था, अगर मार्केट में आपको, एक तो हमारे पास क्या पीवी करना है ना, पीवी करने में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब मैं पीवी करने बैठ रहा हूँ एक बॉन्ड से मिलने वाले कैश फ्लो, तो मैंने एक रिक्वायर्ड रिटर्न उठा ली, उससे सारे कैश फ्लो पीवी कर लिए, पर क्या वो सही है? अगर आपको और डिटेल में एकदम अच्छा करेक्ट वैल्यूएशन करना है ना, तो आपको पता है क्या करना चाहिए, डिफरेंट यील्ड रेट लेनी चाहिए हर साल के कैश फ्लो के लिए, हर साल के कैश फ्लो के लिए अलग अलग यील्ड रेट। वो किस अजम्पशन पे, ये अजम्पशन क्या है डिफरेंट यील्ड रेट की, स्पॉट यील्ड कर्व बोलते हैं इसे, स्पॉट यील्ड कर्व, ये एग्जैक्ट वर्डिंग ध्यान रखिएगा, स्पॉट यील्ड कर्व, यानी क्वेश्चन में अगर आपको हर साल की अलग अलग यील्ड रेट दे रखी है, यानी स्पॉट यील्ड कर्व दे रखा है हर साल का, तो उस केस में आपको हर साल के कैश फ्लो को उस पर्टिकुलर यील्ड रेट से जो भी उस साल की है उससे आपको पीवी करके लाना है। एक एग्जांपल से समझिए वापस से, फिर मैं लॉजिक एक बार आपको बता दूंगा। देखिए फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड 1000 है, इंटरेस्ट रेट 10% है, रिडीमेबल एट पार थर्ड ईयर के एंड में, यानी हर साल 100 का कैश फ्लो और थर्ड ईयर एंड में 1000 रुपीज और मिलेंगे। पीवी कैसे करेंगे, अब यील्ड रेट आपको दे रखी है, यानी रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी दे रखी है, फर्स्ट ईयर की 12%, सेकंड ईयर की 11.5 और थर्ड ईयर की 11। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो को 12% से पीवी करना है, सेकंड ईयर के कैश फ्लो को 11.5% से, और थर्ड ईयर के को 11% से। तो बस वही किया मैंने, फर्स्ट ईयर वाले को डिवाइड बाय 1.12 किया, सेकंड ईयर वाले को 1.115 की पावर 2 कर दिया, और थर्ड ईयर वाले को 1.11 की पावर 3, क्योंकि सब हर साल के लिए अलग अलग यील्ड रेट थी। यहां पे देखो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, देखिए मान लीजिए मैं एक साल के बॉन्ड में पैसा लगाता हूँ, 0 कूपन बॉन्ड है, तो 12% की सपोज वहाँ से रिटर्न मिल रही है, लेकिन मैं मार्केट में देख रहा हूँ किसी 2 साल के 0 कूपन बॉन्ड में पैसा लगा रहा हूँ ना, वो रिटर्न कितनी दे रहा है, 11.5%, यानी 11.5% पर एनम, मैंने क्या बोला, सब पर एनम के बेस पे, उस पर 11.5% 2 साल में ऑन एन एवरेज रिटर्न मिल रही है, 2 साल में हर साल 11.5%, और 3 साल के मैं पैसा लगाता हूँ तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज हर साल 11% रिटर्न मिल रही है। तो इस बॉन्ड के कैश फ्लो को भी मेरे को उसी रेट से डिस्काउंट करना चाहिए जो मार्केट में हर साल के कैश फ्लो पर मिल रही है, यानी सेकेंड ईयर वाला जो कैश फ्लो है अगर इस बॉन्ड में 100 रुपये, तो वो 100 रुपये का कैश फ्लो 11.5% की रिटर्न जनरेट कर रहा होगा हर साल, तो उसको 11.5% से 0 टाइम पे पीवी करके लाएंगे, थर्ड ईयर वाले को फिर 11% से पीवी करके लाया। इस अजम्पशन पे, इस लॉजिक पे चलता है, इसमें और एक्यूरेट आपको वैल्यूएशन मिलता है, या आप अगर क्वेश्चन एग्जाम में दिया हो ऐसे करना है। इसके बाद देखिए कई बार आपसे पूछी जा सकती है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस बताइए बॉन्ड की ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की आपने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करी, उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है इसकी एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या होगी वो बता दीजिए। तो वो आप कैसे निकालेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू ले लेंगे बॉन्ड की, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उस बॉन्ड का जो भी बीटा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस मिल जाएगी। एक एग्जांपल भी मैंने लिखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके पीछे का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। देखिए बीटा क्या रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केट के कंपैरिजन में इसमें रिस्क कितनी है। तो मान लीजिए इस बॉन्ड का बीटा 1.2 है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है 974, इसका मतलब है मार्केट के कंपैरिजन में ये ज्यादा रिस्की है, 1.2 बीटा है, मार्केट के कंपैरिजन में ये ज्यादा रिस्की है, ज्यादा रिस्की है यानी ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और ज्यादा रिटर्न कब मिलेगी, जब ये सस्ता होगा, यानी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, मार्केट प्राइस ज्यादा होगी, यानी इसको बीटा से मल्टीप्लाई करो, देखो मार्केट प्राइस ज्यादा आ रही होगी, ठीक है, इसका लॉजिक है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है, इंट्रिंसिक वैल्यू को बीटा ऑफ बॉन्ड से मल्टीप्लाई कर देना।
अब इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व, कई बार पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में, जो अपन ने एक क्वेश्चन किया था यही और इसी में पूछा गया था आईसीए ने कि यील्ड कर्व कैसा बन रहा है। देखो अब ये समझ लो, दो तरीके के यील्ड कर्व होते हैं, नॉर्मल यील्ड कर्व और इन्वर्टेड यील्ड कर्व। नॉर्मल यील्ड कर्व क्या होता है, ऐसा मार्केट जहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे तो ज्यादा रिटर्न मिलती है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे कम रिटर्न मिलती है। और ये नॉर्मल सिचुएशन है, आप बैंक में जाइए, बैंक वाले बोलिए एक साल की एफडी करवाऊंगा, बोलेगा 5% इंटरेस्ट देंगे। मैं बोला 3 साल की कराऊंगा, बोला 7% इंटरेस्ट दे देंगे। मैंने बोला 5 साल की एफडी कराऊंगा, बोला 9% इंटरेस्ट दे देंगे। यानी जैसे मैं इन्वेस्टमेंट का पीरियड बढ़ाता हूं, रिटर्न बढ़ती चली जाती है मार्केट में। नॉर्मली ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितने टाइम के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उतनी ही ज्यादा रिस्क है उसके अंदर, उतनी ही ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। यानी जितने ज्यादा टाइम के लिए करोगे उतनी ज्यादा रिटर्न मिलनी चाहिए। तो इस रिटर्न को अगर आप ग्राफ पेपर पे डिनोट करेंगे, इधर इयर्स एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे यील्ड, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ग्राफ में जो यील्ड का जो कर्व बनाया है, देखिए यहां पे मैंने जो बनाया है वो नॉर्मल कर्व इस तरीके का बनता है, ऊपर की तरफ इस तरीके से झुका हुआ, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल यील्ड कर्व। लेकिन एक ऐसा मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने पे तो ज्यादा रिटर्न मिलती है और लॉन्ग टर्म करने पे कम मिल रही है, तो भाई वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, वो रिसेशन की सिचुएशन है। समझ जाइए, मार्केट में रिसेशन चल रहा है, मार्केट रिसेशन को फेस कर रहा है, यानी इन्वर्टेड यील्ड कर्व बनेगा। यहां पे मार्केट में रिसेशन चल रहा है, रिसेशन का मतलब क्या, इकोनॉमी रिसेशन में है, तो लोगों को शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा रिस्क नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म के कंपैरिजन में शॉर्ट टर्म में रिस्क नजर आ रही है, तो शॉर्ट टर्म में वो ज्यादा रिटर्न डिमांड कर रहे हैं। इसलिए यहां पे यील्ड कर्व जब बनेगा इस तरीके से नीचे झुका हुआ बनेगा, तो ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व बोल देते हैं इसको, ठीक है। अभी अपना जो एग्जांपल था ना, इसमें देखिए यील्ड रेट फर्स्ट ईयर में ज्यादा थी, सेकंड ईयर के लिए कम थी, थर्ड ईयर के लिए और कम थी। यानी ये कौन सा सिचुएशन थी, रिसेशन वाली, इसमें यील्ड कर्व आपका झुका हुआ बनेगा। इसके बाद एक नोट देखिए, कई बार आपको ऐसा हो सकता है बॉन्ड के ऊपर जो आपको कंपनी कूपन पे करेगी वो जनरली एनुअल करती है, पर कई बार सेमी एनुअल भी करती है, यानी हर 6 महीनों में हम आपको कूपन पे करेंगे बस। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता, क्वार्टरली वगैरह नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, सिर्फ सेमी एनुअल होता है, एनुअल। अगर वो हो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना भी दे ऐसा, तो आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे। इसलिए बस यहाँ पे एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, सेमी एनुअल कंपनी बॉन्ड पे कूपन पे करेगी। बताइए अब इस बॉन्ड की वैल्यू करनी है, कैसे करूँ। यहाँ पे आप देखिए, कूपन मान लीजिए इस बॉन्ड में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, 1000 की फेस वैल्यू का 10% इंटरेस्ट रेट है, तो इस पे कूपन सेमी एनुअली पे होगा, तो कब मिलेगा, हर 6 महीने में मिलेगा। तो 100 का 10% यानी 100 रुपए का कूपन होता है 1 साल का, तो 6 महीने में कितना मिलेगा, 50 रुपए, आधा ही तो मिलेगा। अब देखो यानी 50-50 रुपए के कूपन मुझे कब मिलेंगे सर, पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने, फिर तीसरे 6 महीने, चौथे 6 महीने, पांचवें और छठे, यानी 3 ईयर्स का पीरियड है। तो 3 ईयर्स में बताओ 6 मंथ्स कितनी बार आएंगे, 6 टाइम्स आएंगे, 6 मंथ 6 टाइम्स आएंगे 3 ईयर्स के अंदर। तो यानी 6 टाइम्स 50-50 रुपीज का कूपन मिलेगा, अल्टीमेटली वही 300 रुपए का मिलना है, पर टाइम अलग अलग हो गया, और टाइम अलग हो गया तो फिर प्रेजेंट वैल्यू भी अलग अलग आएगी इस केस में। और फिर थर्ड ईयर के एंड में यानी 6 मंथ के 6th पीरियड के एंड में मुझे रिडम्शन अमाउंट भी मिल जाएगा 1000 की फेस वैल्यू। इस केस में पीवी कैसे करेंगे, देखो ऐसे केस में जब भी सेमी एनुअल हो, जो इंटरेस्ट और कूपन है उसे हाफ कर दीजिए, इंटरेस्ट रेट 10% थी 5% कर दो, यील्ड रेट यानी डिस्काउंटिंग रेट जो है उसे भी आप हाफ कर दीजिए, क्योंकि 12% आपको रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न दे रखी है वो 12 महीनों की है, 12 मंथ्स की है। मुझे तो 6-6 महीनों के पीरियड को डिस्काउंट करना है, तो डिस्काउंटिंग रेट भी 6 महीने की कर देता हूँ, यानी 12% / 2 यानी 6%। और जो पीरियड्स हैं 3 ईयर्स के, उसको आप डबल कर दीजिए। क्यों डबल करना है, क्योंकि भाई हर साल में 2 बार आते हैं ना 6 महीने, तो पीरियड्स हो जाएंगे 6, हाफ ईयरली पीरियड्स हो जाएंगे 6। बस आप नॉर्मल तरीके से पीवी कर लेना है, इस तरीके से आप करेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया इसके पीछे का लॉजिक देखें। इसी के साथ बॉन्ड प्राइसिंग कंप्लीट हो जाता है, बहुत सिंपल था, अपने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब देखिए बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइसिंग, अपन ने देखा बॉन्ड की वैल्यू क्या है, उस अकॉर्डिंग अपन डिसीजन लेंगे खरीदे नहीं खरीदे। लेकिन कई बार हमारे सामने दिक्कत क्या आ जाएगी, मान लीजिए एक बॉन्ड है मार्केट में जो 1000 रुपए में मिल रहा है और 900 रुपए उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, एक और बॉन्ड है मार्केट में जो मार्केट में 5500 रुपए का मिल रहा है और मेरी नजरों में इंट्रेंसिक वैल्यू है उसकी मान लो 5000 रुपीज। तो सर दोनों बॉन्ड में फायदा है, मार्केट में महंगे मिल रहे हैं और इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा, मान लीजिए सपोज यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया, मार्केट में सपोज एक बॉन्ड है जो 900 का मिल रहा है और इंट्रेंसिक वैल्यू है 1000, यानी मार्केट में सस्ता मिल रहा है 900 का, खरीद लेना चाहिए। ऐसे एक और बॉन्ड देखा वो मार्केट में कितने का मिल रहा है 5000 का और इंट्रेंसिक वैल्यू आई 5500, यानी इसको भी खरीद लेना चाहिए। तो यानी ये दोनों बॉन्ड खरीदने लायक सिचुएशन में है, क्योंकि दोनों में फायदा दिख रहा है, मार्केट में सस्ते मिल रहे हैं। लेकिन सर अब आपको बोला गया है कि आपको इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करना है, क्यों सर, पैसे की कमी है क्या, पैसे की कमी है तो सस्ता वाला ले लो। सर पैसे की कमी नहीं है,
अब बोलो, अब आप बताइए कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। सर पैसे की कमी नहीं है तो दोनों बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो। नहीं, आपको यही बोला गया, मुझे तो केवल एक ही बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, अब किस बेसिस पे मैं डिसीजन लूं? तो सर अब मेरे को किस बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा, दोनों में रिटर्न कितनी मिल रही है, दोनों बॉन्ड से रिटर्न कितनी मिल रही है, रिटर्न का परसेंटेज निकालूं। अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना, तो दोनों में मैं रिटर्न देखूंगा परसेंटेज टर्म्स में, जिसमें ज्यादा रिटर्न मिल रही होगी वो बॉन्ड में खरीद। समझ में आया? तो फिर हमें बॉन्ड यील्ड यानी बॉन्ड की रिटर्न निकालने की जरूरत पड़ सकती है। यील्ड का मतलब मैंने समझा दिया क्या होता है, तो बॉन्ड की रिटर्न निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है वो बताया मैंने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, आपको आंसर करना है बस। बॉन्ड यील्ड क्या होती है? रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर उस इन्वेस्टमेंट से मिलेगी उसको मार्केट प्राइस पर इन्वेस्ट करने पर। मान लो मार्केट में 900 रुपये का ये बॉन्ड मिल रहा है, तो मैं इसमें 900 रुपये आज इन्वेस्ट, मार्केट में जितनी प्राइस है उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें 900 इन्वेस्ट कर देता हूँ तो इससे टोटल रिटर्न कितनी मिलेगी वो परसेंटेज में पता करनी है बस। और अगर वो वहां पे 5,000 की बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दूं मैं आज मार्केट प्राइस पर, तो क्या रिटर्न मिलेगी परसेंटेज टर्म्स में वो देखना है, रिटर्न क्या मिलेगी वो देखना अपने को। तो यानी बॉन्ड की जो रिटर्न है वो दो तरीके की आपसे पूछी जा सकती है, करंट यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी बाय ईटीएफ। करंट यील्ड फालतू होती है डिसीजन मेकिंग के लिए कंप्लीटली, क्यों? क्योंकि करंट यील्ड नाम से समझिए करंट रिटर्न को बताती है सिर्फ। यानी ये जब आप करंट यील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इस बॉन्ड से मिलने वाले सिर्फ कूपन पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स को कंसिडर करेंगे, रिडेम्पशन अमाउंट को कंसिडर ही नहीं करेंगे। लेकिन यील्ड टू मैच्योरिटी जब आप निकालेंगे तो यानी इस बॉन्ड से मिलने वाले सारे कैश फ्लो को आप कंसीडर करेंगे, चाहे इंटरेस्ट हो, रिडम्पशन अमाउंट हो, मैच्योरिटी तक जो भी रिटर्न मिलेगी सब इसमें कंसीडर करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग के लिए YTM काम की होती है आपकी। अब देखिए दो तरीके की रिटर्न कैसे कैसे निकालेंगे हर बॉन्ड के लिए। सबसे पहले रिडीमेबल बॉन्ड के लिए देखते हैं करंट यील्ड कैसे निकलेगी। सिंपल सी है भाई, मार्केट प्राइस पे इन्वेस्ट करूंगा और इंटरेस्ट क्या मिलेगा हर साल, रिटर्न निकलेगी पर एनम में, तो इंटरेस्ट पर एनम का देख लीजिए क्या है। सपोज आपके बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000, इंटरेस्ट रेट है 10%, करंट मार्केट प्राइस है 950 रुपये, 950। बताओ आपकी करंट यील्ड क्या होगी? सर मार्केट प्राइस 950 पे इन्वेस्ट करूंगा तो हर साल 100 का कूपन मिलेगा, बस यही आपकी करंट यील्ड है। मैंने यहाँ पे सॉल्व करा एग्जाम्पल के साथ, करंट यील्ड 100 डिवाइड बाय 950 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में आ जाएगी। यील्ड टू मैच्योरिटी निकालनी है, सर टिल मैच्योरिटी मुझे क्या रिटर्न मिलेगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सॉरी देखो YTM निकालनी है, तो टिल मैच्योरिटी क्या रिटर्न मिलेगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो पता करना है। तो सर रिटर्न क्या मिलेगी, आपको ये निकालनी पड़ेगी ट्रायल एंड एरर मेथड से YTM। क्यों ट्रायल एंड एरर मेथड वो समझिए, मेरे को ऐसी रेट चाहिए। देखो जो फ्यूचर में मुझे इस बॉन्ड से पैसा मिलेगा उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, एक तो जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो पैसा मेरे पास वापस आ रहा होगा, दूसरा रिटर्न का कंपोनेंट वापस आ रहा होगा। तो फ्यूचर की कैश फ्लो में देखा, मैं रिटर्न का कंपोनेंट हटा दूं तो वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस जो मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब की बार मैं बात कर रहा हूं करंट मार्केट प्राइस की, क्योंकि मेरे को रिटर्न निकालनी है। तो यानी फ्यूचर के कैश फ्लो को मैं ऐसी रेट से पीवी करूं कि वो करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड के बराबर ले आए, तो यानी वो रेट ही मेरे लिए क्या हो जाएगी रिटर्न की रेट, क्योंकि उसी रेट से इस पे रिटर्न मिल रही होगी इस मार्केट प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो YTM आपकी निकलेगी ट्रायल एंड एरर मेथड से। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अपने लेक्चर में किया था बिल्कुल सिंपल, एक बार मैं ट्रायल एंड एरर मेथड से ये एग्जांपल बता देता हूँ आपको, सेम जो KE के साथ किया था ना वैसी चीज है। अब देखो इस बॉन्ड में आपसे YTM भी पूछी गई है कितनी आएगी, तो सर हर साल 100 रुपये के कैश फ्लो मिलेंगे, थर्ड ईयर एंड में 1000 की रिडीमेबल वैल्यू और मिल जाएगी फेस वैल्यू पर। तो आप इसे अब ट्रायल एंड एरर मेथड करना है तो दो रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, उन दोनों पे पीवी करके देख लीजिए। देखो 12% 13% दोनों पे पीवी करके देखा, लेकिन कहीं पर भी वैल्यू 950 नहीं आ रही है, 950 करंट मार्केट प्राइस है, तो इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। लोअर रेट ले लो कितनी है 12% प्लस वैल्यू एट लोअर रेट कितनी है 952.20 माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू 950 डिवाइड बाय वैल्यू एट लोअर रेट माइनस वैल्यू एट हायर रेट मल्टीप्लाई बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट, आपकी YTM आ जाएगी। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करने के बाद जो अपने क्वेश्चन करे थे बहुत जल्दी हो रहे थे। बस इस चैप्टर में जो भी है आपको पीवी है, पीवी अगर आपका आता है पीवी करना तो कुछ नहीं बचता है, बहुत ईजी चैप्टर है, बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी होती है। थोड़ा टाइम लग सकता है कैलकुलेशन करने में इस चैप्टर के क्वेश्चन में, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोरिंग होता है, मार्क्स मिलना ईजी है, क्योंकि ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती चैप्टर, समझ गए आप। अब देखिए YTM आप ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालेंगे, कुछ लोग YTM के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी यूज में लेते हैं रिडीमेबल बॉन्ड में, पर वो शॉर्टकट फॉर्मूला आपके फाइनल लेवल पे अलाउ नहीं है आपको, ये मैं आपको बताता हूं, ना वो आपके मॉड्यूल में है और ना ही वो फॉर्मूला आपका किसी भी क्वेश्चन में ICA ने फॉलो किया है।
ठीक है, तो आपको हमेशा ट्रायल एंड एरर मेथड ही लगाना है। वो इंटरमीडिएट लेवल तक चलता था, उससे अप्रोक्सीमेट YTM मिल जाती है, एग्जैक्ट नहीं मिलती है। आपको एग्जैक्ट एग्जैक्ट ही देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आते हैं YTM के बाद और भी कैलकुलेशन पूछते हैं, तो वहाँ पे फिर एग्जैक्ट की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए आपको ट्रायल एंड एरर मेथड ही लगाना है सभी क्वेश्चन के अंदर, इसी से करना है। और ट्रायल एंड एरर मेथड में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, दो रेट हमेशा देगा वो, दो रेट पे पीवी फैक्टर देगा। आप पास्ट एग्जाम क्वेश्चन देख लेना, और अपने सारे क्वेश्चन किए भी थे क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, कभी आएगा तो भी इस पे क्वेश्चन। इसके बाद देखिए इररिडीमेबल बॉन्ड। इररिडीमेबल बॉन्ड में कैसे निकालेंगे आप यील्ड? देखिए इररिडीमेबल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें केवल इंटरेस्ट का पेमेंट आता है, कभी रिडेम्पशन वैल्यू तो आती नहीं। तो इस केस में सर इंटरेस्ट का पेमेंट आएगा, सिर्फ कैश फ्लो इंटरेस्ट का होगा, तो इस केस में यानी करंट यील्ड और YTM दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि करंट यील्ड केवल इंटरेस्ट को कंसीडर करती है और YTM इंटरेस्ट और रिडेम्पशन अमाउंट। लेकिन सर रिडेम्पशन अमाउंट कुछ होता ही नहीं है इस केस में, तो यहां पे करंट यील्ड और YTM दोनों सेम हो जाते हैं इररिडीमेबल बॉन्ड में। एक क्वेश्चन भी था अपने पास, उसमें अपन ने देखा भी था। तो यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगी। जीरो कूपन बॉन्ड, इसमें आप कैसे निकालेंगे यील्ड? देखिए जीरो कूपन बॉन्ड में कूपन तो होता ही नहीं है, जीरो कूपन नाम से हमें मालूम है कूपन तो होता ही नहीं, तो कूपन यानी इंटरेस्ट पेमेंट होगा ही नहीं, तो क्या करंट यील्ड निकल सकती है? नहीं निकल सकती। तो जीरो कूपन बॉन्ड में कभी भी करंट यील्ड आप निकाल ही नहीं सकते, ओनली YTM आप निकाल सकते हैं। YTM कैसे निकालेंगे? YTM निकालने का फॉर्मूला है फेस वैल्यू डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड की पावर 1/n-1। यहाँ पे आपको आंसर डेसिमल्स में मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। देख लो कहीं पे भी फॉर्मूला में मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं था, तो सिंपल सी बात है डेसिमल में मिलेगा। एक एग्जांपल लिया मैंने, फेस वैल्यू आपके बॉन्ड की है 1000 रुपीज, फेस वैल्यू बॉन्ड की जो है आपको दे रखी है 1000 रुपीज, करंट मार्केट प्राइस दे रखी है 900, मैच्योरिटी पीरियड 3 साल है, तो YTM कैलकुलेट करनी है। तो फेस वैल्यू डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस 1000 डिवाइड बाय 900, ब्रैकेट क्लोज, पावर 1/n, n का मतलब रिडम्पशन ईयर जो कि 3 साल है, 3-1, ये आप कर लीजिए। 1000 डिवाइड बाय 900 पावर 1/3 से कैसे सॉल्व करें सर? 1000 डिवाइड बाय 900 ये बेस है, तो 1000 डिवाइड बाय 900 एक बार बेस कैलकुलेटर पे लिखा, अंडर रूट किया 12 टाइम्स -1, पावर में जो डिनोमिनेटर में उससे डिवाइड किया यानी 3 से, +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर फॉर्मूला में जो -1 है वो करेंगे तो 0.0357 आएगा, परसेंटेज में निकालना है तो 3.57 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 करके, ठीक है, इस तरीके से निकलता है। सर ये फॉर्मूला बना कैसे? ये फॉर्मूला क्या याद रखना पड़ेगा? याद मत रखो, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे भी आप ट्रायल एंड एरर मेथड लगा के निकाल सकते हो, पर इतनी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही पेमेंट होने वाला है, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाली जा सकती है। फॉर्मूला बना कैसे? जीरो कूपन बॉन्ड की प्राइसिंग से। जीरो कूपन बॉन्ड की प्राइस का फॉर्मूला क्या था? देखो फेस वैल्यू डिवाइड बाय 1+KD की पावर n, इससे अगर आप डिस्काउंट करते हैं तो V0 इंट्रेंसिक वैल्यू मिलती है। लेकिन सर अगर मैं YTM से डिस्काउंट कर लूँ तो किसी भी बॉन्ड के जो कैश फ्लो उनको अगर YTM से डिस्काउंट कर लूँ तो क्या मिलेगी आपको? थोड़ा सा लॉजिकली सोच लीजिए, आपको मिलेगी करंट मार्केट प्राइस। अगर आप रिक्वायर्ड रिटर्न से डिस्काउंट करते हैं तो आपको इंट्रेंसिक वैल्यू मिलती है। लेकिन इस बॉन्ड में जो रिटर्न मिल रही है, इस बॉन्ड की खुद की जो रिटर्न मिल रही है, अगर उसी से मैं कैश फ्लो को डिस्काउंट कर दूँ तो सिंपल सी बात है उसकी करंट मार्केट प्राइस ही तो मिल जाएगी, क्योंकि YTM ऐसी रेट होती है जिससे फ्यूचर के कैश फ्लो को डिस्काउंट करने पर वो करंट मार्केट प्राइस के बराबर लाती है। तो सर यहाँ पे V0 की जगह मैं लिख दूँ करंट मार्केट प्राइस और KD की जगह लिख दूँ YTM, फिर आप इस फॉर्मूला से ही YTM इक्वल्स टू वो फॉर्मूला बना पाएंगे जो मैंने आपको बना के बताया अभी था, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बॉन्ड की यील्ड। कुछ नोट्स हैं इसमें देख लीजिए, अगर आप डिस्काउंट करते हैं कैश फ्लो को YTM से तो आपको क्या मिलेगी? करंट मार्केट प्राइस, अभी समझा दिया। करंट मार्केट प्राइस का मतलब है ऐसी प्राइस जिस पे बॉन्ड करंटली ट्रेड कर रहा है या करंटली मार्केट में सेल हो रहा है, या कोटेड प्राइस ऑफ बॉन्ड। इसके बाद क्वेश्चन आपको बोले कैलकुलेट करिए प्रिवेलिंग इंटरेस्ट या यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड। प्रिवेलिंग इंटरेस्ट या यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए बोले, तो इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब आप सोचिए थोड़ा लॉजिकली कि मार्केट में जो सेम तरीके का बॉन्ड है उस पर क्या यील्ड मिल रही होगी, वो आप बताइए प्रिवेलिंग यील्ड। अभी आप मुझे बताइए इंट्रेंसिक वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते थे? सर मार्केट में जो सिमिलर बॉन्ड था ना उसमें जो रिटर्न यील्ड मिल रही थी YTM, उसको हम रिक्वायर्ड रिटर्न अपने बॉन्ड की मानते थे और उससे डिस्काउंट करके इंट्रेंसिक वैल्यू निकालते थे। तो यानी सामने वाला जो बॉन्ड था उसमें भी कुछ लोग पैसा लगा रहे होंगे बॉन्ड होल्डर, तो उसके बॉन्ड होल्डर जब उसकी डिस्काउंटिंग करना चाह रहे होंगे तो उसका कोई सिमिलर बॉन्ड ढूंढ रहे होंगे जो कि मेरी कंपनी का है। तो इसकी जो YTM है उन लोगों के लिए क्या काम करेगी? रिक्वायर्ड रिटर्न का काम करेगी। तो यानी आपसे पूछा गया है कि सिमिलर बॉन्ड जो मार्केट में उसमें बताओ प्रिवेलिंग इंटरेस्ट या यील्ड क्या होगी, तो आपको अपने बॉन्ड की YTM निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है स्प्रेड ऑफ यील्ड बताइए। स्प्रेड वर्ड का मीनिंग होता है डिफरेंस, जो अपने फॉरेक्स चैप्टर में भी देखा था बिड और आस्क रेट के बीच में था। स्प्रेड ऑफ यील्ड, यील्ड के बीच में डिफरेंस कितना है, इसका मतलब क्या है? मेरे बॉन्ड की यील्ड और मार्केट में जो सिमिलर बॉन्ड है उस पे यील्ड क्या मिल रही है? मेरे बॉन्ड की यील्ड यानी मेरे बॉन्ड की YTM, मार्केट के बॉन्ड की खुद की यील्ड यानी उसकी YTM, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? आपका स्प्रेड ऑफ यील्ड। पूछा जाए क्वेश्चन में बहुत इजीली आंसर कर देंगे, क्वेश्चन अपन ने किया भी था। इसके बाद देखिए रियलाइज्ड यील्ड, एक कंसेप्ट होता है रियलाइज्ड यील्ड का। ये कंसेप्ट क्या है आपका?
इसमें आपकी एक अजम्पशन होती है। अजम्पशन क्या होती है कि आपको जो भी इस बॉन्ड से मिलने वाले कूपन पेमेंट्स हैं वो हर साल नहीं मिलेंगे। जब ये बॉन्ड मैच्योर होगा यानी 3 साल की मैच्योरिटी है तो मैच्योरिटी पे आपको रिडम्पशन अमाउंट भी तभी मिलेगा और तीनों साल के कूपन भी तभी मैच्योरिटी पे एक साथ मिलेंगे। यानी सारे कूपन पेमेंट और सारा रिडम्पशन अमाउंट मैच्योरिटी पे मिलेगा। तो इस बॉन्ड में अगर आपसे मैं यील्ड पूछूं, रियलाइज्ड यील्ड कितनी होगी, इस बॉन्ड की जो YTM निकालेंगे उसे हम बोलेंगे रियलाइज्ड यील्ड। यानी इस अजम्पशन पे अगर हमें YTM निकालनी है कि सारा पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा तो उस केस में जो YTM निकलेगी उसे हम बोलते हैं रियलाइज्ड यील्ड। वो कैसे निकलेगी भाई, एक तरीके से अब जीरो कूपन बॉन्ड की जैसे हो गया, बीच में कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ मैच्योरिटी पे मिल रहा है। तो आपको मिलेगा क्या सर, टोटल पेमेंट्स। वहां पे हम क्या काम में ले रहे थे, फेस वैल्यू। यहां टोटल पेमेंट मिलेंगे, एक तो मैच्योरिटी का रिडम्पशन अमाउंट और एक कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड की पावर 1/(n-1)। ठीक है, सेम जीरो कूपन बॉन्ड की जैसे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए बॉन्ड के अंदर, बॉन्ड फॉरवर्ड रेट्स या टर्म स्ट्रक्चर थ्योरी। बॉन्ड फॉरवर्ड रेट्स या इसे हम बोलते हैं टर्म स्ट्रक्चर थ्योरी। ये क्या थ्योरी है ये समझ लीजिए, इसके अपन ने 2-3 क्वेश्चन भी करे थे, अच्छे थे क्वेश्चन। यहाँ पे अजम्पशन क्या है, ये थ्योरी एक अजम्पशन के ऊपर बेस है। वो अजम्पशन क्या है कि हर साल मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने वाली है, हर साल मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने वाली है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी अगर रेशनल पर्सन है तो उसे अगर ज़्यादा रिटर्न कमानी है तो पता उसे क्या करना चाहिए, आज मैं एक बॉन्ड में पैसा लगाऊं, पहले साल की जो भी इंटरेस्ट रेट है उस पे रिटर्न कमा के पहले साल के एंड में बॉन्ड से पैसा निकाल लूँ, फिर फर्स्ट ईयर एंड में सेकंड ईयर के लिए दूसरे बॉन्ड में पैसा लगाऊं, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो सेकंड ईयर नई इंटरेस्ट रेट से पैसा मिलेगा, फिर सेकंड ईयर एंड में पैसा निकाल लूँ, फिर थर्ड ईयर के लिए नई इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करूँ, फिर थर्ड ईयर एंड में निकाल लूँ, फोर्थ ईयर के लिए नई इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करूँ। ये अजम्पशन चलेगी यहाँ पे। तो कोई भी रेशनल पर्सन होगा तो उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए ज़्यादा इनकम कमाने के लिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, ये अजम्पशन है, ये अजम्पशन है। अगर मान लो मैं एक साथ ही एक बॉन्ड में 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ देता हूँ, 10% कूपन बता दिया, तो मुझे तो 10% ही कूपन मिलेगा 5 साल तक। और मार्केट में क्या है कि हर साल इंटरेस्ट की कूपन की रेट बढ़ेगी, तो आप बेवकूफ इंसान निकले, आप में दिमाग नहीं था पैसा कमाने का। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हर साल एक बार इन्वेस्ट करो, निकालो ईयर एंड पे, फिर अगले साल के लिए वापस इन्वेस्ट करो नई रेट पर, फिर निकालो, फिर नई रेट पे इन्वेस्ट करो, फिर निकालो, इस तरीके से करना है। तो इस केस में इंट्रेंसिक वैल्यू जब बॉन्ड की निकालेंगे, जब भी फॉरवर्ड रेट क्वेश्चन में गिवन होंगी, बस अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, हर साल के कैश फ्लो को कैसे डिस्काउंट करना है, कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का है डिवाइड बाय 1+ पहले साल की इंटरेस्ट रेट की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ईयर का है तो उसको डिवाइड करना आपको सेकंड ईयर से, तो पहले ईयर पे आप फर्स्ट ईयर एंड पे लाएंगे। देखो टाइमलाइन से समझिए इसे, नंबर लाइन, सेकंड ईयर एंड में जो कैश फ्लो मिलेगा उससे पहले सेकंड ईयर से आप फर्स्ट ईयर पे लाएंगे सेकंड ईयर की जो इंटरेस्ट रेट हो गई थी, और फर्स्ट ईयर एंड से आप उसे जीरो टाइम पे लाएंगे। क्यों, क्योंकि सेकंड ईयर में जिस इंटरेस्ट रेट से मैंने उस कैश फ्लो को कमाया होगा उस पर पहले मैंने फर्स्ट ईयर पे अलग इंटरेस्ट से कमाया और सेकंड पे अलग से कमाया, इसलिए इस केस में दो अलग रेट से आपको पीवी करना है सेकंड कैश फ्लो को, यानी सेकंड कैश फ्लो को 1+R1 मल्टीप्लाई बाय 1+R2, और थर्ड ईयर के कैश फ्लो को, तो थर्ड ईयर का है तो थर्ड से सेकंड ईयर पे लाएंगे, सेकंड से फर्स्ट ईयर एंड और फर्स्ट ईयर एंड से जीरो टाइम, यानी 1+R1 1+R2 1+R3 से डिवाइड करोगे। ऐसे चलता जाएगा जितने भी टाइम का कैश फ्लो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नॉर्मली होता तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाले मान लो सेकंड साल ईयर का होता तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं 1+R1 1+R2, अदरवाइज नॉर्मली हम क्या करते हैं जो भी आपकी रेट होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी दो बार उसी रेट से मल्टीप्लाई करते हैं एक तरीके से। यहाँ पर अलग अलग रेट काम में लेनी है। सर ये कुछ कुछ कंसेप्ट वैसा तो नहीं है, यील्ड कर्व जो आपने बताया था डिफरेंट है, स्पॉट यील्ड कर्व है वैसा ही, पर वहाँ अजम्पशन अलग थी, वहाँ पे एक जीरो कूपन बॉन्ड की अजम्पशन ले रहे थे जो मैंने डिस्कस करी थी। वहाँ हर यील्ड रेट यानी सेकंड ईयर का कैश फ्लो है तो सेकंड ईयर की यील्ड रेट से ही जीरो टाइम तक पीवी लाना है, थर्ड ईयर का कैश फ्लो है तो थर्ड ईयर की यील्ड रेट से ही जीरो टाइम तक पीवी लाना है। यहाँ अजम्पशन अलग है कि हर साल इंटरेस्ट रेट अलग हो रही है और हम हर साल इन्वेस्ट करके निकाल रहे हैं फिर नई इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आपको हर साल के कैश फ्लो को हर साल की अलग अलग इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट देके लाना पड़ेगा इस तरीके से पीवी करके, बस ये ध्यान रखिएगा। इसके अपन ने 3-4 क्वेश्चन करे थे। चलिए इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट बॉन्ड ड्यूरेशन का। बॉन्ड ड्यूरेशन के कंसेप्ट में 2-3 चीजें अपने को सीखनी है। सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, जिसे आप मैकोलेस की ड्यूरेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछे ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बताइए, बॉन्ड की ड्यूरेशन बताइए या मैकोलेस की ड्यूरेशन बताइए, सबका मीनिंग सेम ही है। सर यह होती क्या है, इसका मतलब है कि एवरेज टाइम जिसमें इन्वेस्टर अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट किया था वो रिकवर कर लेगा। मार्केट में एक बॉन्ड है सपोज 5 साल की मैच्योरिटी का, 10% कूपन मिलेंगे और मैच्योरिटी पे 1000 रुपीज की रिडम्पशन वैल्यू है, तो हर साल 100-100 का कूपन और मैच्योरिटी पे 1000 रुपये और मिलेंगे, ये टोटल मिलने वाला है पैसा। आज मैं मान लो इस बॉन्ड में 900 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये देखना चाहता हूँ वेटेड एवरेज टाइम जिसमें मेरा ये 900 रुपये उस बॉन्ड से रिकवर हो जाएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा वो मैं पता करना चाह रहा हूँ।
वो सर कैसे पता करते हैं? एक तरीके से डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जैसा ही है जो आपने इंटरमीडिएट में कैपिटल बजटिंग में सीखा होगा। वेटेड एवरेज टाइम आपको निकालना है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये आपको मिलने वाले हैं 100, 100, 100, 100, 100 और यहाँ आ जा, यानी टोटल आपको कितना पैसा मिलने वाला है? 1500। मैंने इन्वेस्ट कितना किया? 900। में ये देखना चाह रहा हूँ मेरा प्रिंसिपल जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो कब रिकवर होगा, कितने टाइम में। अब आप बोलोगे सर पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, पांचवें साल तक जाते जाते कूपन पेमेंट 500 ही होंगे, तो ये तो एक तरीके से पांचवें साल में ही रिकवर होगा। सर एक्चुअल में तो उतने में ही रिकवर होगा, लेकिन मैं वेटेड एवरेज टाइम निकालना चाह रहा हूँ। वो कैसे निकलेगा? वो आपको निकालना बहुत सिंपल है। आप एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ले लीजिए इस बॉन्ड से मिलने वाले, फिर उनको आप पीवी कर लीजिए। किससे? वाईटीएम से। वाईटीएम से पीवी करने से क्या होगा, इन कैश फ्लो को जब आप वाईटीएम से पीवी करेंगे वो करंट मार्केट प्राइस के बराबर लाएगा। तो इससे क्या मिलेगा आपको, जो पीवी के अमाउंट मिलेंगे वो एक तरीके से क्या रिफ्लेक्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर का मान लो सपोज ये 90 आया, ये 90 आया, ये 9, ये सपोज 80 आया, ये 75 आया, ये सपोज 70 आया। मैं एक अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कर रहा हूँ, एक्चुअल में जो भी होगा उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। YTM से सपोज मैंने PV किया तो इतना इतना अमाउंट आया, तो फर्स्ट ईयर में 100 मिलता, 100 का कैश फ्लो मिलता, जिसमें से 90 रुपीज़ क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है YTM से PV करने का, मतलब है कि 100 मुझे मिले, इसमें दो चीज़ें मिली, एक तो इंटरेस्ट कंपोनेंट और एक जो मैंने इन्वेस्ट किया था उसका। तो इसमें से इन्वेस्टमेंट कितना रिकवर हुआ सर, 90 रुपीज़ का। सेकंड ईयर के कैश फ्लो से इन्वेस्टमेंट कितना रिकवर हुआ, 80 रुपीज़ का। थर्ड ईयर के कैश फ्लो से इन्वेस्टमेंट कितना रिकवर हुआ, 75 का। ऐसे करके आपको PV आपको रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसका वेट कर लीजिए कि टोटल पैसा आपका जो टोटल पीवी करने का, जो पीवी का जो टोटल आएगा वो मार्केट प्राइस पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो टोटल मार्केट प्राइस हर साल में से कितना कितना प्रोपोर्शन आपको रिसीव हुई, इन सब का आप पीवी करेंगे तो टोटल 900 के बराबर ही आएगा YTM से। तो पहले साल में बताओ आपने कितना रिकवर किया था, 90 डिवाइडेड बाय 900। सेकेंड ईयर में 80 डिवाइडेड बाय 900 सॉरी आपने ये रिकवर किया, इसे अपन बोलेंगे वेट, एक वेट का कॉलम डाल देंगे। फिर इस वेट को आप ईयर से मल्टीप्लाई करते जाइए। 90 डिवाइडेड बाय 900 कब रिकवर हुआ सर, फर्स्ट ईयर में। 80 डिवाइडेड बाय 900 कब रिकवर हुआ सर, सेकंड ईयर में। तो जो वेट है उस रेस्पेक्टिव ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड मिल जाएगी। बहुत सिंपल होता है निकालना, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी 6 कॉलम की, ईयर कैश फ्लो, पीवी एट पीवी फैक्टर एट YTM और पीवी का अमाउंट। फिर वेट कर लीजिए पीवी वाले अमाउंट्स के, और जो वेट है उसको ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ड्यूरेशन मिल जाएगी। तो ये वेटेड एवरेज अमाउंट टाइम को रिफ्लेक्ट करेगी जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है। अब सर वेटेड एवरेज टाइम क्या रिफ्लेक्ट करेगा एक तरीके से, अब वो भी मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये बॉन्ड 5 साल का था और इसकी ड्यूरेशन सपोज कैलकुलेट करने पे आ गई 4 इयर्स। ड्यूरेशन कितनी आ गई, 4 इयर्स। इसका मतलब पता है क्या है, ये बॉन्ड अगर मैं 4 साल तक होल्ड कर लेता हूँ और फोर्थ ईयर के एंड में इसे मार्केट में बेच देता हूँ। देखो बॉन्ड है, मार्केट में ट्रेड होता होगा, मार्केट में ट्रेड होता होगा तो मार्केट प्राइस कुछ मिलेगी ना बेचने पर। आप बॉन्ड में ऐसा मत समझ लीजिएगा कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो पैसा अटक गया, आपको रिडम्पशन पे मिलेगा, आप बीच में भी बेच के पैसा उठा सकते हैं मार्केट प्राइस पर, ठीक है। तो जैसे शेयर में आप करते हैं ना शेयर की ट्रेडिंग, वैसे ही बॉन्ड की ट्रेडिंग भी होती है। तो फोर्थ ईयर एंड में जाके अगर आप इसे मार्केट प्राइस पे बेचेंगे ना, तो आपको टोटल जो प्रिंसिपल आपने इसमें इन्वेस्ट किया होगा ना, उतना अमाउंट रिकवर हो चुका होगा। इसका ये मतलब है, ये इसका इंटरप्रिटेशन निकलता है। इसके अलावा एक और इंटरप्रिटेशन होता है इसका। एक और इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि आपको कैश फ्लो कैसे मिल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर साल अलग अलग करके, कितना टोटल 1500 रुपीज़। तो कंपनी ऐसा पे करने के बजाय आपको टोटल फोर्थ ईयर के एंड में 1500 रुपये एक साथ दे दे, या फिर हर साल जिस तरीके से दे रही है वैसे दे दे, दोनों में सेम ही बात पड़ेगी, आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों में सेम ही, मान लीजिए कि सेम ही अमाउंट आपके हाथ में आएगा, फोर्थ ईयर के एंड में एक साथ 1500 रुपये दे दे, और या फिर हर साल इस तरीके से दे दे, आपको सेम ही रिटर्न मिलेगी और कंपनी के एंड पे सेम ही कॉस्ट आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। बाकी ये बॉन्ड ड्यूरेशन का कंसेप्ट कहाँ काम में आएगा, ये आपके मेनली इम्यूनाइजेशन में काम में आता है, बॉन्ड इम्यूनाइजेशन, और आगे भी और चीज़ें जहाँ ये काम में आता है। तो कैलकुलेट करना मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा है, जितनी बॉन्ड की ड्यूरेशन कम होगी वो बॉन्ड बेटर होगा। आपको दो बॉन्ड कंपेयर करने को बोल दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, जिस बॉन्ड की ड्यूरेशन कम है वो बेटर होगा भाई, जो सबसे कम टाइम में पैसा रिकवर करवा दे वो बॉन्ड ही बेटर है। अब देखिए बॉन्ड ड्यूरेशन में सेकंड कंसेप्ट, वॉलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड, जिसे आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी बोल सकते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर मार्केट में YTM, मार्केट में जो यील्ड रेट है YTM है वो 1% से चेंज हो जाए तो बॉन्ड की मार्केट प्राइस में क्या इफेक्ट आएगा। देखो बॉन्ड की जो मार्केट में YTM है वो चेंज होती है, मार्केट प्राइस चेंज होती है, यानी YTM चेंज होती रहती है। YTM चेंज होगी तो YTM का इफेक्ट कहाँ आएगा, मार्केट प्राइस, क्योंकि फ्यूचर के कैश फ्लो को हम YTM से ही तो डिस्काउंट करते हैं, यानी बॉन्ड की मार्केट में प्राइस चेंज हो जाती है।
तो बस अपने को वही देखना है, अगर 1% से YTM चेंज होती है तो बॉन्ड की मार्केट प्राइस कितने परसेंट से चेंज होगी, इसको कौन बताता है? वोलेटिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय 1+YTM। सपोज आपकी वोलेटिलिटी आ गई थ्री, इसका मतलब क्या है पता है? अगर YTM 1% से बढ़ जाएगी तो आपकी बॉन्ड की जो मार्केट प्राइस है वो 3% से गिर जाएगी, और YTM 1% से गिर जाएगी तो बॉन्ड की मार्केट प्राइस है वो 3% से इंक्रीज हो जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, YTM और मार्केट प्राइस दोनों में इन्वर्स रिलेशन होगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ YTM डिस्काउंटिंग रेट है, तो डिस्काउंटिंग रेट कम होगी तो प्राइस बढ़ेगी, और डिस्काउंटिंग रेट बढ़ेगी तो प्राइस गिरेगी। तो वोलेटिलिटी क्या बताती है कि मार्केट में मान लो 3 आई वोलेटिलिटी, तो यानी 1% चेंज होता है YTM में तो मार्केट प्राइस 3% से चेंज होगी। लेकिन सर मान लो मार्केट में चेंज हो रहा है 0.5%, YTM में चेंज कितना हुआ 0.5%, अब वोलेटिलिटी क्या रिफ्लेक्ट करेगी? सर 3 तो रिफ्लेक्ट कर रही है वोलेटिलिटी क्या 1% चेंज पर, तो 0.5% YTM पे क्या रिफ्लेक्ट करेगी? मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर दीजिए 3 को, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी 1.5%, यानी अगर YTM 0.5% से चेंज हुई तो मार्केट प्राइस 1.5% से चेंज होगी। ऊपर या नीचे वो आप YTM से डिसीजन लोगे कि YTM बढ़ रही है या गिर रही है। अगर मैं बोलूं कि मेरी जो YTM है वो 2% से चेंज हो गई, वोलेटिलिटी है 3, यानी बॉन्ड की प्राइस कितने परसेंट से चेंज होगी? वोलेटिलिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन YTM का परसेंटेज यानी 2, यानी 6% से, 6% से बढ़ेगी या गिरेगी वो डिपेंड करेगा YTM बढ़ी है या गिरी है। ठीक है, समझ में आया? फॉर्मूला क्या होता है वोलेटिलिटी निकालने का? ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय 1+YTM। ड्यूरेशन आप कैलकुलेट कर लोगे एग्जिस्टिंग YTM पे, वो ड्यूरेशन डिवाइड बाय 1+YTM। यहाँ YTM भी कौन सी लोगे? एग्जिस्टिंग, जिससे आपने ड्यूरेशन कैलकुलेट करी है वो मैंने लिखा है यहाँ पे, ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में। जो YTM लोगे वो डेसिमल्स में लोगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से वोलेटिलिटी कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला बना कैसे, ये मैंने आपको बताया था, डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाय dx करके। जो आपने मैथमेटिक्स में 12th क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, dy बाय dx, वो क्या रिफ्लेक्ट करता था? अगर x जो है डिनोमिनेटर में जो x है, अगर उसमें एक 1 यूनिट से चेंज आए तो y में कितने यूनिट से चेंज आएगा, y कितने यूनिट से चेंज होगा। तो वही चीज से ये फॉर्मूला बनाया है, YTM अगर एक पर्टिकुलर चेंज रेट से चेंज हो तो मार्केट प्राइस कितने से चेंज होगी। यहाँ पे सर फिर न्यूमिनेटर में ड्यूरेशन क्यों काम में लिया फॉर्मूला में? देखो मार्केट प्राइस चेंज होगी क्यों? YTM चेंज होने से, YTM चेंज होने से मार्केट प्राइस ही चेंज होती है, लेकिन साथ में ड्यूरेशन भी चेंज हो जाती है। ड्यूरेशन का इफेक्ट भी तो इसी से आता है, क्योंकि ड्यूरेशन के लिए YTM से आप पीवी करते हो। तो यहाँ पे जब आप डीवाई बाय डीएक्स करते हो ना, तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन आपको मिल जाती है, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय 1+YTM। ठीक है, इस पे ज्यादा दिमाग लगाना जरूरी नहीं है, आपको तो बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड कैसे निकालेंगे YTM में चेंज आने की वजह से? आप वोलेटिलिटी ले लीजिए मल्टीप्लाई बाय चेंज इन YTM परसेंटेज। चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड रुपीज टर्म में निकालना है तो क्या करना है? करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज कितना है वो आपने पता कर ही लिया होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। YTM बढ़ रही है तो मार्केट प्राइस गिरा देना, YTM गिर रही है तो मार्केट प्राइस बढ़ा देना। अब देखिए एक नेक्स्ट कन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड का टॉपिक। कन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड क्या है? वोलेटिलिटी से जब आप मार्केट प्राइस में चेंज निकालते हैं वो एक्यूरेट चेंज नहीं बताता है। क्यों? वोलेटिलिटी से एक लीनियर इक्वेशन बनती है। कैसे? मान लो वोलेटिलिटी 3 आई, यानी 1% YTM चेंज होगी तो 3% से मार्केट प्राइस चेंज होगी, यानी YTM 1% से बढ़ेगी तो मार्केट प्राइस 3% से गिरेगी, और YTM 1% से गिरेगी तो मार्केट प्राइस 3% से बढ़ेगी, ये बोलना चाहता है वोलेटिलिटी। तो इसका मतलब वोलेटिलिटी चाहे YTM गिरे या बढ़े, एक पर्टिकुलर परसेंटेज से गिराता और बढ़ाता है मार्केट प्राइस को, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। आप YTM एक बार 10% लेके देखिए पीवी करिए, और फिर 9% लेके देख के पीवी करिए, और एक बार 8% लेके पीवी करके देखिए, मार्केट प्राइस में जो चेंज है ना एक सेम परसेंटेज से नहीं आएगा, थोड़ा सा लग रहेगा, थोड़ा सा लग रहेगा ऊपर और नीचे दोनों साइड्स में थोड़ा सा लग रहेगा। यानी वोलेटिलिटी से जब आप ग्राफ पे लाइन बनाएंगे तो एक लीनियर लाइन बनेगी प्राइस की। लीनियर लाइन कभी नहीं बनती है मार्केट में, इस तरीके की कन्वेक्स लाइन बनती है मार्केट प्राइस पे। यील्ड और मार्केट प्राइस का रिलेशन कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स रिलेशन होता है, इसलिए फिर कन्वेक्सिटी का टॉपिक लाया गया कि भाई हमें एक्यूरेट मार्केट प्राइस का चेंज पता करना है इसको यूज में लेके। अब बाकी एक तो क्या किया जा सकता है कि मार्केट में YTM हो जाए हम पूरा पीवी करें, तो पूरा डिटेल्ड कंसेप्ट हो जाता है। इससे अच्छा है कि हम एक बार ये कन्वेक्सिटी निकाल के रख लें, फिर YTM में जब भी चेंज आएगा एक एडजस्टमेंट से हम पता लगा लेंगे मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी। देखिए कंसेप्ट ऑफ कन्वेक्सिटी के लिए आपको क्या करना है, इसमें आप जो परसेंटेज चेंज इन वोलेटिलिटी मार्केट प्राइस यूजिंग वोलेटिलिटी निकालते हैं उसमें एक एडजस्टमेंट करते हैं। अब वो आपको एडजस्टमेंट निकालना है कन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड का परसेंटेज। ये मैंने आपको बताया था ग्राफ से कैसे डिनोट करना है, पर अब उस पर दिमाग नहीं लगाना आपको, देखो कैसे कैलकुलेट करना है एग्जाम में आए तो। सी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन YTM इन डेसिमल्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। सी एक वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया? परसेंटेज में निकालने के लिए। चेंज इन YTM कितना हो रहा है वो आपको लेना है, उसी का तो इफेक्ट निकालना है आपको, उसका स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे देखिए सी का मतलब क्या है, वी प्लस प्लस वी माइनस माइनस टू वी जीरो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय वी जीरो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई स्क्वायर।
सर ये फॉर्मूला बना कैसे, सेम वही dy बाई dx से, लेकिन आप याद कैसे रखिए, मैंने आपको समझाया था इसका लॉजिक। v प्लस बताता है कि ytm को एक पर्टिकुलर परसेंटेज से बढ़ा दे, मान लो ytm 1% से बढ़ा दू तो वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस का मतलब ytm को एक पर्टिकुलर परसेंटेज उसी परसेंटेज से अगर गिरा दे 1% से तो वैल्यू क्या हो जाएगी। v जीरो मतलब आज के दिन करंट ytm पे मार्केट प्राइस क्या है, इनिशियल ytm पे क्या वैल्यू है बॉन्ड की, तो मेरे को डिफरेंस लेना है कि क्या चेंज आएगा। तो सर v प्लस प्लस v माइनस लिया मैंने, दो अमाउंट लिए, तो सर जो इनिशियल अमाउंट है वो भी दो बार लेना पड़ेगा, इसलिए माइनस टू वी जीरो करते हैं, ये आ जाएगा चेंज कितना हो रहा है प्राइस के अंदर, डिवाइडेड बाय इसको कंपेयर करना है किससे, इनिशियल प्राइस जो कि वी जीरो है, लेकिन सर वी जीरो दो बार लेना पड़ेगा क्योंकि दो वैल्यूज लेती वी प्लस और वी माइनस, तो टू वी जीरो लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन ytm जो डेल्टा वाई है कितना अपने 1% लिया उसका स्क्वायर कर दो मल्टीप्लाई में, चेंज इन ytm क्यों लिया क्योंकि हमें ytm के चेंज पे निकालना है कितना इफेक्ट आया वो भी लेना है अपने को, लेकिन सर स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि देखो एक बार v प्लस लिया एक बार v माइनस, यानी एक बार ytm बढ़ा के एक बार ytm गिरा के सेम परसेंटेज से, यानी दो बार लिया ना इफेक्ट, इसलिए स्क्वायर किया यहाँ पे। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे आप कुछ भी अजम्पशन से ytm 2% बढ़ा के 2% गिरा के कुछ भी ले सकते हो, 3% बढ़ा के गिरा के कैसे भी निकाल सकते हो, सी की वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप कन्वेक्सिटी निकालेंगे उसमें सी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन ytm इन डेसिमल्स है, वहां पे आप एग्जैक्टली जो एक्चुअल में चेंज आया ytm में वो वाला लेना होता है, ठीक है, तब आपको कन्वेक्सिटी पता चलेगी। सी निकालने के लिए आप अपने मन से कुछ भी ऊपर नीचे करके ले सकते हो, ytm को 1% से बढ़ाना है या 2% से या 3% से वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक क्वेश्चन आईसीआई पता सिंपल सा काम करता है कि जब आपको उस क्वेश्चन में दे रखा था ytm 2% से चेंज हो रही है, ytm जब 2% से चेंज हो रही है एक्चुअल में, तो आप एक काम करो ना सी की वैल्यू भी 2% ऊपर नीचे से करके निकाल लो ताकि आप एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर भी कर पाओ, वो ज़्यादा फायदेमंद है, तो आपने इस तरीके से कर रखा है। उसमें परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड कैसे निकालोगे, फिर अगर ytm डिक्रीज हो रही है तो आप परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस यूजिंग वॉलेटिलिटी लोगे सबसे पहले तो, और उसमें फिर कन्वेक्सिटी जो आपने निकाला वो ऐड करना, और अगर ytm इंक्रीज हो रही है तो परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस यूजिंग वॉलेटिलिटी लेना, उसमें कन्वेक्सिटी माइनस करना। प्लस और माइनस का मैंने लॉजिक आपको दिया था, जब ytm डिक्रीज करते हो आप तो जितनी वैल्यू बढ़नी चाहिए ytm डिक्रीज करने पे, जितनी मार्केट प्राइस बढ़नी चाहिए वॉलेटिलिटी उतनी नहीं बढ़ा पाता है, तो हम उसमें कन्वेक्सिटी का इफेक्ट देके वैल्यू उतनी और बढ़ा देते हैं, लेकिन जब ytm इंक्रीज होती है तो वैल्यू जितनी गिरनी चाहिए उससे ज़्यादा गिरा देता है वोलेटिलिटी, तो हम उसमें कन्वेक्सिटी का इफेक्ट माइनस करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको उस ग्राफ से एक्सप्लेन करके बता दिया था। बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सिंपल सा टॉपिक है बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। इम्यून वर्ड का मतलब क्या है, इम्यून इंसान से समझिए आप, कोई भी हम बोलते हैं ये इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या है, उसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी है, वो उसके बीमार होने के चांसेस बहुत कम है, उसके बीमार होने की रिस्क बहुत कम है। ऐसे ही बॉन्ड है, जो आपका बॉन्ड है जिस बॉन्ड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो भी बीमार हो जाता है, अब हमें उसको बीमारी से बचाना है, यानी उसकी रिस्क कम करनी है, उसमें बीमार होने की रिस्क को कम करना है, एक बॉन्ड बीमार हो जाए उस रिस्क को कम करना है, उसे ही बोला जाता है बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। वो क्यों करना पड़ता है, क्यों बीमार होता है, कब जरूरत पड़ती है वो समझिए। मान लीजिए मुझे एक लायबिलिटी पे करनी है आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद मुझे एक लायबिलिटी का पेमेंट करना है, तो उसके लिए मेरे को आज से पैसा इकट्ठा करना है, तो आज मैं एक बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहता हूँ, बस एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ ताकि 5 साल बाद उतना पैसा मिल जाए मुझे जितनी में मेरी वो लायबिलिटी सेटल हो जाए। सपोज मुझे 1 लाख का पेमेंट करना है आफ्टर 5 ईयर्स, तो मैं आज ही बॉन्ड में एक कुछ अमाउंट लगाना चाहता हूँ ताकि 5 साल बाद वो 1 लाख मिल जाए और मैं मेरी लायबिलिटी सेटल कर दूँ। लोग करते हैं ना ऐसा कि भाई आप देखिए कि आपको पैसे की जरूरत है, मान लो आप प्रैक्टिकल लाइफ में LIC वाले लोगों के साथ होता है ऐसा, LIC में क्या, LIC कंपनी प्रीमियम लोगों से कलेक्ट करती है और लोगों को बोलती है कि आपको 10 साल बाद हम 10 लाख रुपए दे देंगे, एक फिक्स अमाउंट बता देती है, ऐसी पॉलिसी भी होती है, तो उसमें LIC को मालूम है इस इंसान को 10 साल बाद 10 लाख रुपए का मुझे पेमेंट करना है, तो आज से ही वो एक बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करके ऐसा कर सकती है। बहुत जगह हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं बैंक में भी ऐसा इन्वेस्ट करके कर सकता हूं, लेकिन बैंक में रिटर्न कम मिलती है, बॉन्ड में थोड़ी ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करके अपनी लायबिलिटी सेटल करना चाहता हूँ फ्यूचर में, तो मेरे को आज इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है कि फ्यूचर में एक फिक्स लायबिलिटी का अमाउंट मिल जाए और मैं सेटल कर दूँ, तो सर क्या दिक्कत है, उस बॉन्ड के करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्ट कर लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में देख लीजिए कितना पैसा आता है वो इन्वेस्ट कर दीजिए। पर दिक्कत क्या होगी ना, जो मार्केट में ytm है वो चेंज होती रहती है, मार्केट प्राइस बॉन्ड की चेंज होती रहती है, बॉन्ड मेरे को मान लो 5 साल के लिए, 5 साल बाद मेरे को लायबिलिटी पे करनी है, पर मार्केट में कोई 5 साल का बॉन्ड है ही नहीं, बॉन्ड 7 ईयर्स का है, 8 ईयर्स का है, अब क्या करूँ, तो यानी 5वें साल के एंड में मुझे मार्केट में उसे बेचना पड़ेगा, मार्केट प्राइस पे बेचना पड़ेगा, मार्केट प्राइस तो कुछ भी हो सकती है ना ytm चेंज होने से, तो मेरे को दिक्कत आ सकती है। मान लो मेरे को 1 लाख रुपए की लायबिलिटी पे करनी थी 5 साल बाद, और मेरे को पता चला 5 साल बाद बॉन्ड को बेचने से पैसा इकट्ठा कितना हुआ, 90,000, अब मैं लायबिलिटी कैसे सेटल कर लूँ। एक बार के लिए समझिए ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास और कोई सोर्स नहीं है पैसे का, एक समझिए एक इंसान, उसका बेटा US में पढ़ने गया है, उसको 50 लाख की फी का पेमेंट करना 2 साल बाद, तो उसने बॉन्ड में पैसा लगा दिया, 2 साल बाद बॉन्ड से पैसा मिलता पता चला 40 लाख ही मिले, अब क्या करे, उसके बेटे को वापस आना पड़ेगा,
वो नहीं पढ़ पाएगा अब आगे। तो ऐसे केस में आपको बोन को इम्यून करना पड़ेगा कि उसमें ऐसी रिस्क से बचाएं। दो तरीके की रिस्क होती है, प्राइस रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। नहीं समझाऊंगा ये क्या है क्योंकि ऑलरेडी अपने लेक्चर में देख लिया पूरा डिटेल में, ज़्यादा इस पर अब जाने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अब बोन को इम्यून करना है, तो इम्यून करने के लिए सबसे बढ़िया टेक्निक होती है आप बोन्ड में कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करिए, जितनी उस बोन्ड की ड्यूरेशन है। आप अगर किसी बोन्ड में उस बोन्ड की जितनी ड्यूरेशन है ना उतने टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपको कभी YTM चेंज की रिस्क आएगी नहीं। YTM चेंज होने की वजह से कभी रिस्क होगी नहीं बॉन्ड में, जितना आपने सोचा था उतना पैसा ही मिलेगा अगर उस बॉन्ड की जो ड्यूरेशन है उतने टाइम के लिए आपने उसमें इन्वेस्ट किया है। तो सर मान लीजिए बॉन्ड है, इसकी ड्यूरेशन है 4 साल और मुझे पैसा चाहिए था 5 साल के एंड में, अब क्या करूं सर मैं? यानी अब मैं इस बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड की ड्यूरेशन पे आ सकता हूँ। मेरी लाइबिलिटी का है 5 साल, तो मैं कोई 2 बॉन्ड सेलेक्ट कर लूँ, एटलीस्ट 2 बॉन्ड सेलेक्ट कर लूँ, एटलीस्ट 2 से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हो, ताकि उनकी कॉम्बाइंड वेटेड ड्यूरेशन है 5 साल के बराबर हो जाए। यानी आपको क्या करना है इम्यून करने के लिए, सिंपल सा है, आप अपनी लाइबिलिटी देखिए कब पे करनी है, वो जो ड्यूरेशन है उतनी आप अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन बना लीजिए। यानी आप एटलीस्ट 2 बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करिए ताकि उनकी वेटेड ड्यूरेशन आपकी लाइबिलिटी की ड्यूरेशन के बराबर हो जाए। यानी ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ए मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ बॉन्ड ए प्लस ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ बॉन्ड बी प्लस ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड सी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ बॉन्ड सी। और जो भी वेट होगा, वेट का टोटल हमेशा 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बस इस तरीके से अपने 2 क्वेश्चन थे इस पर जो अपन ने सॉल्व करे थे। अब देखिए इसमें कुछ और चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आपसे अगर ये भी पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, 0 टाइम में वेट आपने बता दिया इस बॉन्ड में कितना पैसा लगाना है, इसमें कितना परसेंटेज में बताओगे आप, वेट परसेंटेज में आ जाएंगे। लेकिन आपसे अमाउंट पूछ लिया जाए 0 टाइम पे आप इन्वेस्ट कितना करोगे बॉन्ड में, वो भी बताओ। तो भाई मान लो मेरी लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए की, तो आप उस लाइबिलिटी को पीवी कर लो उस बॉन्ड से मिलने वाली YTM से। भाई पीवी वाला अमाउंट ही तो इन्वेस्ट करना है, तभी तो रिटर्न कमा के मेरा पैसा उतना बनाना है। इस बॉन्ड में कितना करना है, जितना इस बॉन्ड का वेट है। दूसरे बॉन्ड में कितना करना है, जितना उस बॉन्ड का वेट है, उससे मल्टीप्लाई करते जाओ बस। इसके बाद एक चीज और होती है, देखिए मैंने एक बार बॉन्ड की जितनी ड्यूरेशन थी उस अकॉर्डिंग वेट बना लिया, बॉन्ड पोर्टफोलियो बना लिया और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, 2 बॉन्ड में सपोज मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उनकी ड्यूरेशन को वेट करके, लाइबिलिटी की ड्यूरेशन बना के, लेकिन मार्केट में 1 साल बाद YTM चेंज हो गई। सर YTM चेंज हो गई तो क्या हुआ, सर मेरे पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने तो बॉन्ड ड्यूरेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया। पर सर इफेक्ट आएगा, कैसे आएगा, अभी YTM चेंज होने से मार्केट प्राइस चेंज होगी, और YTM के चेंज होने से मार्केट प्राइस चेंज होगी तो ड्यूरेशन भी चेंज होगी, क्योंकि ड्यूरेशन पे YTM का इफेक्ट आता है, YTM के बेसिस पर ही ड्यूरेशन कैलकुलेट होती है आपको मालूम हो तो यानी ड्यूरेशन चेंज हो चुकी होगी। तो अब आपको नई YTM पे देखना है ड्यूरेशन क्या हो गई है। अगर ड्यूरेशन सेम वही है जो आपने पहले सोची थी, कुछ नहीं करना, लेकिन अब ड्यूरेशन चेंज हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोन को फिर से इम्यून करना पड़ेगा। इसे समझिए कैसे क्या होता है, ये आप प्रैक्टिकली समझिए। मान लीजिए एक वायरस आया, वायरस से लोग बीमार हुए तो उनको वैक्सीन दी गई और वो इम्यून हो गए, तो वो वायरस क्या था आपका, प्राइस रिस्क और रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, उस वो बॉन्ड पे बॉन्ड को इफेक्ट करता था YTM की वजह से। तो उसको अपन ने इम्यून कैसे किया, ड्यूरेशन की वैक्सीन देके, ड्यूरेशन के लिए अपन ने इन्वेस्ट करके उसको अपने सेफ कर दिया। लेकिन क्या ये वायरस जो है वो अपनी फॉर्म बदलता है, वेरिएंट बदलता है, ठीक है, नई नई फॉर्म में आता है वायरस, नई नई फॉर्म में आता है, तो 1 साल बाद YTM बदली तो नया वायरस फॉर्म क्रिएट हो गई वायरस की। अब क्या हुआ, नई फॉर्म क्रिएट हुई, नया वेरिएंट क्रिएट हुआ इस वायरस का, तो इसकी वजह से ये जो बॉन्ड था ये अब इम्यून नहीं बचा, अब ये इम्यून नहीं बचा, अब ये इंसान इम्यून नहीं बचा क्योंकि ये वेरिएंट इसको अब अफेक्ट कर सकता है। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर वापस से वैक्सीन की एक और डोज देते हैं, वैक्सीन की एक और डोज देते हैं ताकि ये वापस से इम्यून हो जाए। तो बस अब यही चीज़ करनी पड़ेगी, बॉन्ड था YTM चेंज हुई तो ड्यूरेशन चेंज हो गई, अब ड्यूरेशन चेंज हो गई यानी नया वेरिएंट आ गया एक तरीके से, तो अब इसको वापस से वैक्सीन देनी पड़ेगी, इस बॉन्ड को वापस से इम्यून करना पड़ेगा। बॉन्ड को वापस से इम्यून कैसे करेंगे आप, इस बॉन्ड में जो भी अब पोर्टफोलियो में जो भी बॉन्ड है आपके, नई ड्यूरेशन के बेसिस पर, नई ड्यूरेशन के बेसिस पर आप रिवाइज्ड वेट्स कैलकुलेट करिए और उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करिए। मान लीजिए एक बॉन्ड था 60% और एक 40%, नई ड्यूरेशन के बेसिस पे वेट आया, इसमें आप 55% करो और इसमें आप 45 करो, यानी इसमें से 5% निकाल के इसमें डालना है। तो ये काम आप करेंगे, ये आपको करना पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं चर्निंग आउट पोर्टफोलियो बॉन्ड्स, चर्निंग आउट पोर्टफोलियो बॉन्ड्स, यानी एक तरीके से बॉन्ड को वापस से वैक्सीन देने का काम करना है आपको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बॉन्ड रिफंडिंग का, बहुत सिंपल टॉपिक है, फटाफट से देखिए। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर रही होती हैं और कंपनी ने एक बॉन्ड इशू कर दिया, मान लो मैंने कंपनी में बॉन्ड इशू कर दिया 15% कूपन वाला 30 साल के लिए, 2 साल बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट पता क्या हो गई, मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गई 12%, यानी लोग जो भी नए बॉन्ड इशू कर रहे हैं उन पर 12% कूपन दे रहे हैं। अब मैं बेवकूफ़ बन गया, मैं सोच रहा हूँ यार मैंने बेवकूफ़ी कर दी, 30 साल का बॉन्ड इशू करके बिना बात में 15% का कूपन पे करना पड़ रहा है, लोग तो 12-12% ही पे कर रहे हैं। यानी मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर रही है तो कंपनी पता क्या चाहती है, कंपनी सोच रही है मैं काम कर लूँ ना, नए बॉन्ड इशू कर देती हूँ लोअर कूपन रेट पे और पुराने बॉन्ड को हम रिफंड कर देते हैं, पुराने बॉन्ड को रिफंड कर देते हैं, ऐसा काम कर लेते हैं।
तो बिफोर मैच्योरिटी डेट बॉन्ड रिफंडिंग का डिसीजन कंपनी लेना चाहती है, तो डिसीजन ले ना ले बॉन्ड रिफंडिंग का वो आपको बताना है। तो वो बताने के लिए देखिए, बॉन्ड रिफंडिंग अगर कंपनी को करनी है तो क्या उसके बॉन्ड होल्डर्स हैं वो एग्री हो जाएंगे? बॉन्ड होल्डर्स बोलेंगे भाई साहब अच्छा मार्केट में इंटरेस्ट रेट सस्ती हो गई और हमने 15% पे कूपन दिया, हम तो नहीं होने देंगे रिफंड, हमें तो पैसा आप देते रहो, हम तो नहीं करने देंगे आपको रिफंड। तो कंपनी क्या करेगी, इन बॉन्ड होल्डर्स को लालच देगी, देखो आप रिफंड कर लो, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे देते हैं। देखो रिफंड आपको रिटर्न करते हैं तो केवल प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है, हम आपको प्रिंसिपल मान लो फेस वैल्यू है 1000 रुपीज की, हम आपको 1200 रुपए दे देते हैं, 200 रुपीज एक्स्ट्रा दे देते हैं एक बॉन्ड के ऊपर, यानी कॉल प्रीमियम। हम कॉल कर रहे हैं ना आपसे बॉन्ड, तो उस पर प्रीमियम आपको और पे कर देते हैं, कॉल प्रीमियम बोलते हैं, जो कि कॉल प्राइस माइनस फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉन्ड ओल्ड बॉन्ड्स आता है, या फिर फेस वैल्यू ऑफ ओल्ड बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय कॉल प्रीमियम का परसेंटेज, जैसे भी दे रखा है। तो बॉन्ड होल्डर्स हो सकता है फिर एग्री हो जाए, तो अब वो सब मान लो एग्री हो गए, अब कंपनी को देखना है क्या बॉन्ड रिफंडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो डिसीजन लेना है। तो इस केस में कंपनी को एनपीवी मेथड लगाना पड़ेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या होता है, जो फ्यूचर में इनफ्लो होंगे उनका पीवी माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, तो वो आपका बेनिफिट आता है, पॉजिटिव है तो सही है, नेगेटिव है तो गलत है, ये आप सीखे हुए हो ऑलरेडी। तो आपको क्या चाहिए, कैश आउटफ्लो जीरो टाइम का, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो क्या होता है, इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो सबसे पहले वो पता करेंगे अपन स्टेप वन में, पांच स्टेप में मैं आपको बताऊंगा, हमेशा बस ये पांच स्टेप फॉलो करना, बॉन्ड रिफंडिंग कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो कैसे निकालेंगे, चार कंपोनेंट आ सकते हैं मैक्सिमम इनिशियल कैश आउटफ्लो में, चार मैक्सिमम आ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। चार क्या क्या है, एक तो कॉल पे आपको आज प्रीमियम पे करना पड़ेगा, वो जाएगा, लेकिन सर प्रीमियम पे करोगे उसका टैक्स में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तो टैक्स की सेविंग होगी, वो आप लेस कर लीजिए, एक या आएगा आउटफ्लो आपका। इसके अलावा नए बॉन्ड आपने आज इशू करेंगे, हो सकता है उस पर इशू कॉस्ट या फ्लोटेशन कॉस्ट इंकर करनी पड़ी हो, तो सर वो लीजिए। इस पर सर टैक्स सेविंग, इस पर टैक्स सेविंग हाथ के हाथ नहीं मिलती, इसकी ओवर द पीरियड मिलेगी, तो वो बाद में एनुअल कॉस्ट में देखेंगे, अभी कुछ नहीं करना। इसके बाद देखिए, कोई पुराना बॉन्ड जो था मेरा, जो पुराना बॉन्ड था उस पर डिस्काउंट या फ्लोटेशन कॉस्ट अगर जीरो टाइम पे मैंने दिया होगा, जीरो टाइम पे डिस्काउंट या फ्लोटेशन कॉस्ट इंकर हुई होगी, तो वो जब खर्चा हो गया होगा, तो खर्चे को तो ध्यान नहीं देना, वो तो हिस्ट्रिकल कॉस्ट है, उस पर दिमाग मत लगाना पुराने बॉन्ड की डिस्काउंट या फ्लोटेशन कॉस्ट। लेकिन सर उसका जो टैक्स सेविंग है वो आपको हर साल ओवर द पीरियड मिल रही होगी, क्योंकि टैक्स सेविंग डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट पे ओवर द पीरियड मिलती है। तो मान लो अभी 5 साल बीत चुके हैं, 25 साल के लिए बॉन्ड बाकी था, तो 25 साल की टैक्स सेविंग अब आपको आज ही मिल जाएगी, क्योंकि वो बॉन्ड आज ही रिडीम कर दोगे, यानी अनअमोर्टाइज्ड जो डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट बच रहा होगा उस पर टैक्स सेविंग आज ही मिल जाएगी। तो डिस्काउंट या फ्लोटेशन कॉस्ट ओल्ड बॉन्ड का ले लो, डिवाइड बाय टोटल मैच्योरिटी पीरियड, यानी एक साल की क्या थी डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग पीरियड कितना बच रहा है, तो यानी अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन मिल जाएगा डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट का, इसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी टैक्स सेविंग आ जाएगी, और ये टैक्स सेविंग आप लेंगे नेगेटिव आइटम की तरह, ठीक है, ये टैक्स सेविंग आपकी होगी नेगेटिव आइटम, क्योंकि आपका बेनिफिट है, यह आपका बेनिफिट होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव आइटम आएगा। केवल टैक्स सेविंग लेनी है डिस्काउंट और अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड, क्योंकि खर्चा तो पहले ही हो चुका, सिर्फ टैक्स सेविंग का बेनिफिट आज ही मिल जाएगा, क्योंकि आज उनको रिफंड कर देंगे। इसके बाद देखिए, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड, ये क्या चीज़ होगी, एक आज नए बॉन्ड इशू करें तो नए बॉन्ड से मैं पहले पैसा उठाऊंगा फिर ओल्ड वालों को रिफंड करूंगा, ऐसा ही प्रोसेस होगा। तो नए बॉन्ड से आज पैसा उठा लिया पर ओल्ड वालों को रिफंड करने में 2 महीने का प्रोसेस लग गया, तो सर 2 महीने न्यू बॉन्ड पे भी इंटरेस्ट देना पड़ा और ओल्ड पे भी देना पड़ा, यानी ओल्ड बॉन्ड पे जो ओवरलैपिंग हुई इंटरेस्ट की। भाई देखिए, मैं ये मान रहा हूं आज न्यू बॉन्ड इशू कर लिया तो अब ओल्ड का इंटरेस्ट जाना बंद हो जाना चाहिए ना, पर फिर भी 2 महीने देना पड़ा क्योंकि 2 महीने बाद वो रिफंड हुए, तो 2 महीने ओल्ड का बॉन्ड का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा गया, वो भी आप ले लीजिए ओवरलैपिंग इंटरेस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड। लेकिन इंटरेस्ट पे है तो टैक्स सेविंग भी होगी, तो टैक्स सेविंग ले लीजिए। तो एक नेट कॉस्ट, यानी चार कॉस्ट आते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो में, आपको ले लेने हैं, चार आइटम आ सकते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग इंटरेस्ट 1-2 महीने का है, तो आप बोलो सर पीवी का यहाँ पे देखिए, तो देखो 1-2 महीने की बात है तो इसमें क्या पीवी कर लोगे, कोई 100-200 हज़ार रुपये का फर्क आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 1-2 महीने के अंदर पीवी इतना बड़ा मैटर नहीं प्ले करता, रोल प्ले नहीं करता। सेकेंड स्टेप देखिए, हमने कैश आउटफ्लो देख लिया, अब एनुअल कैश इनफ्लो देखना है। अब सर एनुअल कैश इनफ्लो कैसे निकालें, यहाँ कोई कैश इनफ्लो तो होगा नहीं, बॉन्ड है ये तो, यहाँ तो कैश आउटफ्लो होता है, तो एक बार चेक करते हैं। देखो ओल्ड बॉन्ड पे एनुअल कॉस्ट निकालिए, सबसे पहले ओल्ड बॉन्ड पे एनुअल खर्चा कितना आ रहा था, सर इंटरेस्ट कॉस्ट लेकिन उस पर टैक्स सेविंग, दूसरा आइटम एक और होगा, वो क्या होगा, टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग ऑन डिस्काउंट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड पर ही है। ओल्ड बॉन्ड पे जो डिस्काउंट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट थी उसकी हर साल टैक्स सेविंग भी तो मिल रही थी, डिस्काउंट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट डिवाइड बाय मैच्योरिटी पीरियड मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, ये आपको हर साल मिलती, हर साल का जितना पोर्शन बनता है उस पर। तो ये 2 आइटम आते हैं आपके। और न्यू बॉन्ड पे देखो, स्टेप 3 में एनुअल कॉस्ट निकालो, सेम ऐसे न्यू बॉन्ड पे इंटरेस्ट लेस टैक्स सेविंग, और न्यू बॉन्ड पे कोई डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट है तो उस पर टैक्स सेविंग, तो आपको न्यू बॉन्ड की एनुअल कॉस्ट मिल जाएगी। अब स्टेप 4 में आप क्या कर लो, एनुअल सेविंग्स निकाल सकते हो। देखो न्यू ओल्ड बॉन्ड पे मान लो मेरी एनुअल कॉस्ट आती 2-2 लाख रुपए, और न्यू बॉन्ड पे एनुअल कॉस्ट आ रही है 1,80,000, यानी साफ बात है नए बॉन्ड पे हर साल 20,000 का फायदा मिलेगा,
और न्यू बॉर्न कितने टाइम के लिए, मान लो 25 इयर्स के लिए, तो 25 इयर्स तक ये हर साल 20,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक तरीके से मेरे लिए इनफ्लो का काम कर रहा है। बस यही है पीवी ऑफ इनफ्लो, इसका पीवी कर लीजिए, यानी एनुअल सेविंग्स का पीवी करेंगे। एनुअल कॉस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड माइनस एनुअल कॉस्ट ऑन न्यू बॉन्ड, ये होंगी एनुअल सेविंग। इनका पीवी कैसे करेंगे, आप पीवी करेंगे न्यू बॉन्ड का जो भी पीरियड है, क्योंकि इस पीरियड में आपको सेविंग होंगी यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट क्या होगी, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट होगी कंपनी की, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट गिवन नहीं है तो नए बॉन्ड की जो इंटरेस्ट रेट है उसको आफ्टर टैक्स कर लो, वो काम में लेंगे। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन थे, अपन ने देखे थे। फिर लास्ट स्टेप एनपीवी कैलकुलेट कर लीजिए। पीवी ऑफ एनुअल सेविंग अभी निकाल लिया, माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो स्टेप वन में निकाला था। एनपीवी पॉजिटिव आई बेनिफिशियल है, नेगेटिव आई बेनिफिशियल नहीं है। नेक्स्ट देखिए कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड, कन्वर्टिबल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें बॉन्ड होल्डर्स को कंपनी ऑप्शन देती है कि आप चाहो तो इन बॉन्ड के बदले फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी के ले लेना। ये कंपनी कब देती है कन्वर्टिबल बॉन्ड, क्यों इशू करती है? देखो एक कंपनी है बहुत बर्बाद चल रही है, मार्केट में उसकी एकदम रेपुटेशन नहीं है, इमेज नहीं है, इस कंपनी को पैसे की जरूरत है, इक्विटी शेयर इशू करेगी तो कोई इसको पैसा नहीं देने वाला, तो इसने बॉन्ड इशू करने का सोचा। बॉन्ड पे इसने बोला 10% कूपन देंगे 5 साल का है और फिफ्थ ईयर के एंड में 1,000 रुपीज की फेस वैल्यू हम पे कर देंगे, 10% कूपन देंगे। लेकिन मार्केट में इतनी इमेज खराब है कि लोग इस कंपनी को बोल रहे हैं तुम्हारे 10% कूपन नहीं चाहिए, तुमसे तो हमें एटलीस्ट 20% का कूपन चाहिए। अब कंपनी की इतनी औकात नहीं है इतना कूपन पे करने की, अब इसको पैसे की जरूरत है। तो कंपनी ने एक आइडिया लगाया, बोला हम बॉन्ड तो दे रहे हैं साथ में आपको एक राइट दे रहे हैं, आप चाहो तो इस बॉन्ड को कभी भी हमारे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा लेना। अब इससे क्या होगा, बॉन्ड होल्डर्स जो भी इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे उन लोगों के मन में एक लालच आएगा, यार इस बॉन्ड से देखो कूपन मिल तो रहा है 10%, क्या बुराई है, और फेस वैल्यू भी मिल जाएगी। और अगर मान लो बीच में कभी शेयर की मार्केट प्राइस इस कंपनी की बढ़ गई, देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, कंपनी में मान लो मैनेजमेंट में अच्छे लोग आ जाए, रेपुटेशन अच्छी हो जाए, तो स्टॉक में मार्केट में प्राइस बढ़ सकती है, 5 साल का पीरियड है। तो लोगों ने सोचा यार कभी प्राइस बढ़ गई तो हम इसको शेयर में कन्वर्ट करा लेंगे और बहुत अच्छा खासा अपने को फायदा हो जाएगा, तो ये लालच में लोग फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कंपनी कन्वर्टिबल बॉन्ड इशू करती है। इस केस में डिसीजन मेकिंग के लिए क्या क्या देखेगा अब इन्वेस्टर, देखो इसमें कुछ रेशियोज होते हैं जो कि बिल्कुल ईजी होते हैं, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताया था। सबसे पहला कन्वर्जन रेशियो, सबसे पहले देखो कि इस बॉन्ड में कन्वर्ट कराने पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। सपोज ये बॉन्ड है, मैंने एग्जाम्पल से बताया था, वही एग्जाम्पल से आपको बता देता हूं वापस। पांच साल का बॉन्ड है, 100 रुपए का हर साल कूपन मिलेगा और फिफ्थ ईयर के एंड में 1,000 रुपीज की फेस वैल्यू वापस रिडीम हो जाएगी। इस बॉन्ड के बदले क्या बोला कंपनी ने, आप चाहो तो एक बॉन्ड के बदले 20 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो। आज के दिन इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस चल रही है 40 रुपीज पर शेयर, ठीक है, ये आपको डेटा दे रखा है। और ये बॉन्ड की मार्केट प्राइस मैं बताता हूँ, बॉन्ड की मार्केट प्राइस मान लो आज के दिन 1,000 रुपीज ही है, 1,000 रुपीज है बॉन्ड की मार्केट प्राइस, ये डेटा आपको दे रखा है। अब देखो मेरे को डिसीजन लेना है कि मैं आज के दिन बॉन्ड में पैसा लगाऊं कि इक्विटी शेयर्स खरीद लूं डायरेक्टली, उतने ही इक्विवेलेंट, मतलब ये बॉन्ड मैं खरीदूंगा 1,000 रुपीज का, आज के दिन मार्केट में 1,000 का मिल रहा है ना, ये मुझे कितने इक्विटी शेयर का राइट देगा, 20 इक्विटी शेयर्स। तो आज के दिन मैं मार्केट में इक्विटी शेयर खरीदने जाऊं 20 इस कंपनी के, तो कितने में मिलेंगे सर, 20 × 40 = 800 रुपीज। तो कन्वर्जन रेशियो होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पर बॉन्ड 20। इसके बाद दूसरी चीज होती है कन्वर्जन वैल्यू है स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वो कितनी है 800, यानी इस बॉन्ड को अगर हम आज के दिन में स्टॉक में कन्वर्ट करा लूं तो कितने वैल्यू का मेरा अमाउंट बनेगा सर, आज के दिन 20 शेयर मिल जाएंगे 40 की प्राइस के, यानी 800 रुपीज इस बॉन्ड की कन्वर्जन वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज कन्वर्जन प्रीमियम, यानी इस बॉन्ड में मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो देखो इस बॉन्ड में एक तो बॉन्ड का तो फीचर है ही, साथ में मेरे को राइट मिलता है कि मैं इससे इक्विटी शेयर खरीद सकता हूँ, यानी एक ऑप्शन मिलता है। और जब भी कोई ऑप्शन या राइट मिलता है तो फ्री में नहीं मिलता, उसका कंपनी कुछ प्रीमियम चार्ज करती है, जो आप डेरिवेटिव में भी देखेंगे, डेरिवेटिव चैप्टर में सीखेंगे। तो वो प्रीमियम कितना है भाई, मैं आज अगर इक्विटी शेयर ही लेता इक्विवेलेंट तो कितने पे करने पड़ते मार्केट में, 800 रुपए पे करने पड़ते, लेकिन इसका बॉन्ड लेने जा रहा हूं वही जो 20 इक्विटी शेयर का राइट देगा वो 1,000 रुपए में मिलेगा, तो यानी 200 रुपीज एक्स्ट्रा मैं पे कर रहा हूं इस बॉन्ड में। क्यों पे कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम मैं दे रहा हूं एक तरीके से राइट लेने के लिए इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कराने का, यानी इसके अंदर कन्वर्जन प्रीमियम कितना है 200, जो कि कैसे आया, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू। अगर मैं यही परसेंटेज में पूछूं तो कैसे निकालोगे, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय कन्वर्जन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्वेश्चन में आते कन्वर्जन प्रीमियम, रेशियो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम या प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू बोले, तो यानी कन्वर्जन प्रीमियम निकालना है इन परसेंटेज, टोटल कन्वर्जन प्रीमियम जनरली नहीं पूछता है। इसके बाद कई बार पूछ लेता है कन्वर्जन प्रीमियम बताइए पर शेयर आपने कितना पे किया, भाई मैंने 200 रुपए का प्रीमियम पे किया, क्यों, 20 शेयर का राइट लेने के लिए, तो बताओ एक शेयर का राइट लेने के लिए कितना पे किया, 200 / 20 यानी 10 रुपीज। तो कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर सिंपल है, कन्वर्जन प्रीमियम जो कि कैसे आएगा, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय कन्वर्जन रेशियो।
इसके बाद एक चीज होती है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस या मार्केट कन्वर्जन प्राइस जिसे आप बोलते हैं। ये क्या होती है, ये आप देखते हैं मार्केट में शेयर की कितनी प्राइस हो जाए जिससे मैं इनइफेक्टिव रहूं, मतलब इनडिफरेंट रहूं, मैं बॉन्ड में रहूं तो भी मुझे कोई फर्क ना पड़े और इस बॉन्ड को मैं इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लूं तो भी मुझे मेरी वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, तो मार्केट में क्या हो जाए शेयर की प्राइस, ये निकालने का सिंपल सा तरीका है मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड को आप डिवाइड कर दो कन्वर्जन रेशियो से। मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड कितनी है 1000, कन्वर्जन रेशियो कितना है 20, यानी मार्केट में शेयर की प्राइस कितनी हो जाए 50 रुपीज। अगर शेयर की 50 रुपये प्राइस होगी ना, अब मैं इस बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट भी करा लूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड की मार्केट प्राइस कितनी है 1000, 50 रुपये की अगर शेयर की प्राइस हो गई 20 शेयर मिलेंगे तो वो भी 1000 वैल्यू के मिलेंगे, 1000 की वैल्यू के मिलेंगे, तो इनडिफरेंट रहेगी सिचुएशन। इसे बोलते हैं मार्केट कन्वर्जन या कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। नेक्स्ट देखिए फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर, ये क्या होता है, जब मैं बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूं तो आप हमेशा ध्यान रखिए शेयर के मुकाबले बॉन्ड में ज्यादा इनकम आपको मिल जाती है कूपन के फॉर्म में। शेयर में क्या मिलता है, डिविडेंड, जो कि जनरली कूपन से कम होता है, यानी बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो इनकम थोड़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं जो आपको कूपन के थ्रू मिलती है, कूपन के थ्रू की इनकम की बात कर रहे हैं, तो कूपन मिलेगा बॉन्ड में। शेयर में क्या मिलता, अगर मैं आज बॉन्ड लेता हूं तो इसमें कूपन कितना मिलेगा हर साल 100 रुपीज़ का, तो 100 ले लिया। शेयर लेता मैं इक्विवेलेंट एक बॉन्ड के बराबर कितने शेयर हैं 20 शेयर, 20 शेयर लेता तो उस पर डिविडेंड कितना मिलता, सपोज एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर आपको दे रखा है 3 रुपये, यानी 3 रुपये एक शेयर पे, यानी 20 शेयर पे कितना 60 रुपीज़ का डिविडेंड, 100 माइनस 60 40 रुपीज़ की एक्स्ट्रा इनकम ये बॉन्ड मुझे कमा कर देगा, 40 रुपीज़ की फेवरेबल इनकम मिलेगी। मैं शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय अगर इस बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो हर साल 40 की इनकम एक्स्ट्रा मिलेगी। अब यही मुझे इनकम पर शेयर देखनी है, तो पर शेयर कितना देखो 40 डिवाइडेड बाई कन्वर्जन रेशियो कितना है 20, यानी 2 रुपीज पर शेयर की एक्स्ट्रा इनकम बॉन्ड के अंदर है। ठीक है, इसके बाद प्रीमियम पेबैक पीरियड क्या है, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा था जब मैं देखा कि बॉन्ड में 200 रुपये का एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ रहा है, मतलब मैं ये पता करना चाहता हूँ कि जो प्रीमियम मैं बॉन्ड में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ इसे मैं रिकवर कैसे करूँगा। भाई रिकवर कैसे करोगे, प्रीमियम एक तरीके से आपने खर्चा किया एक्स्ट्रा, लेकिन रिकवर कैसे होगा बॉन्ड की फेवरेबल इनकम से, बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पर इनकम एक्स्ट्रा मिलती है ना उससे आप रिकवर करोगे, यानी कन्वर्जन प्रीमियम डिवाइडेड बाई फेवरेबल इनकम। लेकिन फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर आप निकालते हैं तो कन्वर्जन प्रीमियम भी आप फिर पर शेयर ही लेना और आपका प्रीमियम पेबैक पीरियड आ जाएगा ईयर्स के अंदर। इसके बाद एक चीज़ होती है कि मान लीजिए मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि कंपनी की शेयर की कोई वैल्यू बढ़नी नहीं है, मेरे को समझ आ चुका है कंपनी बर्बाद है, बर्बाद थी और बर्बाद ही रहेगी, इसका कुछ नहीं हो सकता, भला नहीं हो सकता, इसके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी नहीं और मैंने इसके बॉन्ड में पैसा भी लगा दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ मेरे बॉन्ड की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम गिर के कितनी जा सकती है, तो यानी इस बॉन्ड की जो मार्केट में प्राइस है अभी तो उसमें भी ये कंपोनेंट आ रहा है किसका, इसमें जो राइट है शेयर्स के जो राइट है, लेकिन ये बॉन्ड में मुझे तो समझ आ चुका है इस बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं है, इस बॉन्ड में जो शेयर्स कन्वर्जन का ऑप्शन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई एक्सरसाइज नहीं करने वाला, क्योंकि कभी इस कंपनी का उद्धार नहीं होना और एक दिन सब लोगों को समझ में आ जाएगा तो बॉन्ड की वैल्यू गिर जाएगी, तो मैं वो वैल्यू पता करना चाहता हूं, उसे बोलते हैं स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। जब इस बॉन्ड में ये समझ लीजिए कन्वर्जन ऑप्शन होता ही नहीं तो क्या वैल्यू होती, बस उतनी तो गिर सकती है मैक्सिमम, तो इस बॉन्ड से मिलने वाले कैश फ्लोज को आप फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर लीजिए विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन जो भी इंटरेस्ट रेट है, तो आपको पता चल जाएगा इस बॉन्ड की क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसे बोलते हैं स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब मुझे पता करना है कि मार्केट प्राइस कितने परसेंटेज गिर सकती है, यानी डाउनसाइड रिस्क कितनी है, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क नीचे जाने की रिस्क कितनी है, तो सर मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस नीचे ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, ये ध्यान रखिएगा यहां पे डिवाइड में आएगा मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, पहले ऐसे यहां गलत करता था स्ट्रेट वैल्यू, अब सही करता है मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। भाई नीचे गिरने की रिस्क की बात हो रही है तो गिरेगा कहां से, 1000 से गिरेगा ना, तो डिवाइड में 1000 ही आएगा, यानी मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड आएगा। इसके अलावा एक चीज होती है प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू, यहां पे आपको मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस स्ट्रेट वैल्यू लेना है, डिवाइड में यहां पे स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड ही आएगा, यानी स्ट्रेट वैल्यू के ऊपर मार्केट में कितने प्रीमियम पे बॉन्ड चल रहा है आज के दिन, तो यहाँ पे डिवाइड में स्ट्रेट वैल्यू आएगा। पहले ऐसे दोनों में बेचारा कंफ्यूज होकर दोनों को सेम मान लेता था, और आज बहुत सारे बच्चे इसमें गलत भी करते हैं, एग्जाम में अभी भी गलत करके आते हैं, क्योंकि टीचर्स ने वही पढ़ा रखा है, वही ज्ञान दे रखा है बिना बात का। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको सही बता रखी थी कि डाउनसाइड रिस्क में हमेशा डिनोमिनेटर में मार्केट प्राइस आएगा, और प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू बोले तो डिवाइड में स्ट्रेट वैल्यू आएगा, जो ICICI ने अब सही कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद इन्वेस्टर या बॉन्ड होल्डर विल एक्सरसाइज कन्वर्जन ऑप्शन ओनली व्हेन कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड एक्सीड्स स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ये क्या चीज है, देखिए मेरे को कन्वर्जन ऑप्शन मिला है तो मैं कब एक्सरसाइज करना चाहूंगा, मैं तभी एक्सरसाइज करूंगा जब कन्वर्जन वैल्यू इस बॉन्ड से जो मिलेगी वो इस बॉन्ड की स्ट्रेट वैल्यू से ज्यादा है तो ही मैं कन्वर्ट करूंगा, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं करूंगा। ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन था अपन ने किया था इसके बेस पे, जहाँ पे 4, 5, 6 3 रुपये 3 मार्केट प्राइस दे रखी थी, सिचुएशन में 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ और 6 रुपीज़, वो वाला क्वेश्चन।
ठीक है। तो ये हो गया आपका बस कन्वर्टिबल बॉन्ड का टॉपिक, बहुत सिंपल है, रेशियो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पूरे कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट से चलिए आप, इसलिए मैंने कंसेप्चुअली एग्जांपल से बताया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में। देखिए फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज दो तरीके की हो सकती है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट और एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट डिबेंचर्स बॉन्ड्स होते हैं जिनका वैल्यूएशन अपन ने देखा, यानी आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग करनी होती है तो कैपिटल मार्केट की तरफ जाते हैं, और शॉर्ट टर्म बोरिंग यानी लेस देन वन ईयर की करनी है तो आप मनी मार्केट की तरफ जाते हैं बोरो करने के लिए। देखिए मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल वगैरह होते हैं, और ये डिस्काउंट पे इशू करे जाते हैं और रिडीम होते हैं फेस वैल्यू, इन पे कोई कूपन नहीं होता है। तो इनमें आपसे एग्जाम पर्पज से कुछ कैलकुलेशन पूछी जाती है, वो देखिए। सबसे पहले नॉमिनल इंटरेस्ट रेट या ईल्ड या बॉन्ड इक्विवेलेंट ईल्ड बताइए, किसी भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पे आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, वाई इक्वल्स टू एफ माइनस पी डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 या 365 डिवाइड बाय एन। वाई का मतलब है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। देखो कंपनी, मैं इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए कंपनी ने 100 की फेस वैल्यू का इंस्ट्रूमेंट 97 पे इशू करा, 3 मंथ्स का था ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो कंपनी के पास पैसा कितना आएगा सर, 97। कंपनी बोलना चाहती है मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है। देखो इस इंस्ट्रूमेंट में कॉस्ट वैसे तो दिखाई नहीं दे रही, पर इम्प्लीसिट हिडन कॉस्ट है वो, कैसे, मेरे पास एक बार 97 आएगा पर रिडीम करते वक्त 100 रुपए देने पड़ेंगे, यानी 3 रुपीज की कॉस्ट है वो मैंने न्यूमरेटर में रखी। ये कॉस्ट मेरे को किस पे करनी पड़ रही है, मैंने 0 टाइम पे कितना पैसा लिया 97, इस पे करनी पड़ रही है यानी डिवाइड में 97। ये कॉस्ट परसेंटेज में निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन ये तो सर 3 मंथ्स की है, मुझे एनुअल टर्म्स में निकालनी है तो डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12, बस यही फॉर्मूला है। एफ मतलब फेस वैल्यू, पी मतलब इशू प्राइस या करंट प्राइस बोल सकते हैं, इन्वेस्टेड अमाउंट भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट बाय इन्वेस्टर। भाई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, नॉमिनल इंटरेस्ट की कॉस्ट है इस बॉन्ड पर, लेकिन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ईल्ड है, बॉन्ड इक्विवेलेंट ईल्ड बोलेगा इन्वेस्टर से। बॉन्ड इक्विवेलेंट ईल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बॉन्ड का भी 12 मंथ्स पे अपन रिटर्न निकालते हैं और इसमें भी अपन 12 मंथ्स की रिटर्न निकाल रहे हैं, जबकि इंस्ट्रूमेंट कम टाइम का है पर 12 मंथ्स की रिटर्न निकाल रहे हैं, इससे बॉन्ड इक्विवेलेंट ईल्ड बोल देते हैं। मेरे लिए जो कॉस्ट है उसके लिए वो रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे 97 जो है उसे इश्यू प्राइस, करंट प्राइस इंस्ट्रूमेंट की, या फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे आप निकालेंगे, ये फेस वैल्यू हो जाएगी आपकी। यहाँ पे एन का मतलब है नंबर ऑफ मंथ्स और डेज फॉर विच इंस्ट्रूमेंट इज इशूड, और जो न्यूमरेटर में है 100 माइनस 97 यानी एफ माइनस पी, इसका क्या मतलब है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कंपनी पे कर रही है या इन्वेस्टर को जो इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, आप कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल होता है ये मनी मार्केट का टॉपिक। इसके बाद देखिए आपसे कई बार ईल्ड, बॉन्ड इक्विवेलेंट ईल्ड या नॉमिनल इंटरेस्ट सब दे देगा, लेकिन पी इशू प्राइस मिसिंग रहेगी क्वेश्चन में, या इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूछ लेगा। तो आप तो या तो क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला में डेटा डाल के निकाल सकते हैं, या फिर शॉर्टकट भी है जो ऐसे फॉलो करता है, वो क्या करें आप, पी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 1 + y मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय 12 और 365। एफ वाई पी क्या है सब मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे ईल्ड आपको डेसिमल्स में ले रही है, ठीक है। ये फॉर्मूला बना कैसे, उसी फॉर्मूला से मैंने आपको डिराइव करके बताया था, अभी आपको ध्यान रखना है। डिस्काउंट ईल्ड इसके बाद आपसे पूछी जा सकती है कई बार क्वेश्चन में। डिस्काउंट ईल्ड क्या होती है कि कंपनी जब बॉन्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है तो वो डिस्काउंट पे इशू करती है, तो बस ये देखना चाहती है डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है। तो सर वही एफ माइनस पी, यही तो है डिस्काउंट का परसेंटेज, लेकिन अब की बात डिनोमिनेट में क्या जाएगा, एफ। डिस्काउंट किस पे है, फेस वैल्यू पर ही तो है, तो यानी एफ मल्टीप्लाई बाय 12 और 365 डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद इफेक्टिव एनुअल रिटर्न या इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट की कॉस्ट आपसे पूछी जा सकती है, वो कैसे आएगी, इफेक्टिव यानी कंपाउंडेड रिटर्न या कंपाउंडेड इंटरेस्ट कॉस्ट निकालिए पर, है ना। अपन ने डायरेक्टली क्या करे थे, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 3 यानी सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में उसे पर एनम निकाल रहे थे। अब कंपाउंडेड करना है तो 1 + y लेना है जो आपने पर एनम निकाला होगा, इसको पहले उस पीरियड में कन्वर्ट कर लीजिए जितने पीरियड का बॉन्ड था, यानी 1 + y मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय 12 और 365। अब कंपाउंडिंग का इफेक्ट देना है, यानी पूरे ब्रैकेट की पावर डाल दीजिए 12 और 365 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। पूरा लॉजिक के साथ आपको बताया हुआ है, तो उस पर अब अपने को ज्यादा जाना नहीं है, बस एग्जाम के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है। कॉस्ट ऑफ फंड्स कई बार आपसे पूछी जा सकती है, ये जनरली कमर्शियल पेपर के केस में होती है, और कमर्शियल के पेपर के केस में क्वेश्चन में पूछेगा कि कंपनी ने कमर्शियल पेपर इशू करा तो उस पर टोटल कॉस्ट क्या लगी, जो फंड उसने रेज करे उस पर कॉस्ट क्या लगी। देखो कॉस्ट क्या आती है, एक तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस जो आप कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस, प्लस इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। कमर्शियल पेपर इशू किया, कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेनी है, ब्रोकरेज चार्जेस पे करने हैं, वो भी हो सकते हैं, तो इशू एक्सपेंसेस ये मेरी टोटल कॉस्ट आई, लेकिन मेरे को टैक्स सेविंग भी होगी, खर्चा है तो 1 - t कर दूंगा, डिवाइड बाय जो 0 टाइम पे मैंने नेट अमाउंट रिसीव किया,
इस पे तो कॉस्ट आई वो ले लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 12 और 365 डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई बाय 100, तो कॉस्ट ऑफ फंड मेरी पर एनम के फॉर्म में आ जाएगी। इंटरेस्ट मैंने बता दिया, टीका मतलब टैक्स रेट, नेट अमाउंट रिसीव बाय कंपनी क्या होगा। देखो मेरे को नेट क्या मिला होगा, इशू प्राइस मिली होगी, लेकिन इशू के खर्चे आए होंगे वो मेरे को कम करने पड़ेंगे, वो मेरे खर्चे हुए होंगे ना। माइनस क्या, कई बार क्या होता है जब कमर्शियल पेपर आप इशू करते हो उसमें टर्म्स में ऐसा लिखा होता है कि बैंक अकाउंट में इतना पैसा तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, इतना पैसा आप उसको काम में नहीं ले सकते। मान लो कमर्शियल पेपर से मैंने 10 लाख रेज करे, बैंक वाले ने बोला कि 1 लाख तो आपको बैंक अकाउंट में रखने ही पड़ेंगे, वो आप काम में नहीं ले सकते, तो बताओ मेरे को नेट अमाउंट कितना मिला, 10 - 1 9 लाख ही मिला, और कोई इशू एक्सपेंसेस है वो भी लेस करने हैं। यानी नेट अमाउंट रिसीव कैसे आएगा, इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस माइनस मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इन बैंक। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में एक और ट्रांजेक्शन होता है, वो लास्ट ट्रांजेक्शन समझ लीजिए, रीपर्चेज एग्रीमेंट, जिसे आप रेपो ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं। ये ट्रांजेक्शन क्या होता है, देखिए इस ट्रांजेक्शन में रेपो ट्रांजेक्शन होता है बैंक और आरबीआई के बीच। जब बैंक आरबीआई से पैसा बोरो करता है, बैंक आरबीआई से पैसा बोरो करता है कैसे, बैंक के पास कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी रखी है। किसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बैंक के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी रखी है, वो आरबीआई को मैं बेच रहा हूँ आज के दिन। आरबीआई को बोल रहा हूँ मेरे को 10 दिन के लिए एक लोन चाहिए, तो आरबीआई अब मुझे लोन देगा, कितना देगा, मैंने सिक्योरिटी बेची ना वो सिक्योरिटी की जितनी सेल्स वैल्यू है उतना वो मुझे अमाउंट दे देगा। एक तरीके से हम ट्रांजेक्शन दिखाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बेचने का, यानी मेरे पास एक सिक्योरिटी रखी थी वो मैंने बेची और उससे पैसा लिया, अभी तक लोन जैसा कुछ नहीं लग रहा, सिक्योरिटी बेची है। लेकिन साथ के साथ मैंने आरबीआई को क्या बोला कि भाई साहब 10 दिन बाद ये बॉन्ड मैं आपसे वापस परचेस कर लूंगा 5% की इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग, यानी 5% की जो रेट है इसे बोला जाता है रेपो रेट। यानी एक तरीके से लोन का ट्रांजैक्शन है, जिसे रिप्रेजेंट कैसे किया, सिक्योरिटी मैं बेच रहा हूं और फिर सिक्योरिटी बाद में वापस परचेस कर लूंगा। ठीक है, तो इस केस में आप कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे, बहुत सिंपल होता है। तो इस केस में देखिए इनिशियली मेरे को अमाउंट कितना मिला ये आपसे पूछा जा सकता है, यानी फर्स्ट लैग या स्टार्ट प्रोसीड्स से आप बोलते हैं कि इनिशियली आपने कितना अमाउंट कलेक्ट किया। भाई मैंने सिक्योरिटीज बेची उसका उसकी सेल्स वैल्यू क्या वो ले लीजिए, यानी नंबर ऑफ जीओआई बॉन्ड मैंने सेल करे मल्टीप्लाई बाय डर्टी प्राइस। यहाँ पे डर्टी प्राइस आप काम में लेते हैं सेल वैल्यू निकालने के लिए, क्या होती है अभी आपको बता दूंगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, मान लो मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है 50 लाख की, वो आप गिरवी रख के बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक कितने का देता है आपको, 50 लाख का देता नहीं, वो बोलते हैं हम 45 लाख का ही देंगे, क्यों, मार्जिन, भाई हम पूरा लोन जितनी प्रॉपर्टी है उतना लोन नहीं देंगे। ऐसे जब मैं मेरी सिक्योरिटीज बेच रहा हूँ, एक तरीके से लोन का ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, बस दिखा ऐसे रहा हूँ, तो सिक्योरिटीज बेच रहा हूँ तो क्या सामने वाला लोन उस सिक्योरिटी की जो टोटल वैल्यू उतना देगा, नहीं, मार्जिन भी रखेगा। तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए इनिशियल मार्जिन, जो भी आपको परसेंटेज दे रखे क्वेश्चन में वो अप्लाई करके, तो ये आपकी स्टार्ट प्रोसीड्स आ जाएंगी, बस सिंपल सा है। अब नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड क्वेश्चन में गिवन होंगे, कितने बेचे हैं, नहीं गिवन, तो आप देख लीजिए टोटल फेस वैल्यू कितनी है जो आपने बॉन्ड्स बेचे उनकी, डिवाइड बाय एक बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है, तो आपको नंबर ऑफ बॉन्ड मिल जाएंगे। फेस वैल्यू एक बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप 100 अज्यूम करिएगा। इसके बाद देखिए डर्टी प्राइस कैसे आती है, क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड। अब सर क्लीन प्राइस क्या होती है, क्लीन प्राइस मतलब ऐसी प्राइस जब इस बॉन्ड पे, ये जो मैंने बॉन्ड बेचा है इस बॉन्ड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कूपन पे किया होगा, बॉन्ड पे कूपन पे होता है, तो लास्ट कूपन जब पे हुआ था उस दिन इस बॉन्ड की प्राइस क्या थी, उसे हम बोलते हैं क्लीन प्राइस। आज के दिन जब मैं ये बॉन्ड बेच रहा हूँ आरबीआई को लोन लेने के लिए, तो ये बॉन्ड जब मैं बेच रहा हूँ तो आज के दिन प्राइस में क्या हुआ होगा, मार्केट में प्राइस हम एक तरीके से मानते हैं लोगों ने फिर इसमें इन्वेस्ट करना चालू किया होगा, क्योंकि उनको एक साल के अंदर कूपन नजर आ रहा होगा, तो आज के दिन इस बॉन्ड की प्राइस बढ़ी होगी, कितने टाइम से, एक तरीके से जो भी इस पे अक्रूड इंटरेस्ट का पोर्शन बन रहा होगा उतनी प्राइस बढ़ी होगी। तो क्लीन प्राइस में आप अक्रूड इंटरेस्ट जितना पोर्शन ऐड कर लेते हैं, वो कैसे निकालते हैं, एक बॉन्ड की फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय अक्रूड इंटरेस्ट के कितने दिन है इस बॉन्ड के, डिवाइड बाय 365 या 360 जो भी क्वेश्चन में बोला है वो काम में ले लीजिएगा। तो ऐसे आप निकालेंगे स्टार्ट प्रोसीड्स। अब आपसे पूछा जा सकता है कि रीपर्चेस के टाइम आपको कितना पे करना पड़ेगा, यानी सेकंड लेग या रीपेमेंट एट मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा। भाई जो लोन लिया था स्टार्ट प्रोसीड्स उस पर पे करना है, वो पे करना है, प्लस उस पर क्या पे करेंगे, रेपो का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो स्टार्ट प्रोसीड्स मल्टीप्लाई बाय रेपो रेट मल्टीप्लाई बाय कितने दिन का लोन था, कितने दिन का रीपर्चेस पीरियड था, रेपो ट्रांजेक्शन का पीरियड कितना था, मान लो 10 डेज, तो नंबर ऑफ डेज ऑफ रेपो ट्रांजेक्शन डिवाइड बाय 365 या 360, टोटल अमाउंट आ जाएगा, खत्म। बहुत सिंपल होता है, ये अपन एक क्वेश्चन किया था अपने पास। देखिए अब लास्ट पार्ट इस चैप्टर का मिसलेनियस टॉपिक्स, ये कोई पार्ट नहीं बोल सकते अपन ICAI के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मॉड्यूल में ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं। ये मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन अपने पास कहीं ना कहीं से ICAI ने दे रखे हैं, RTP MTP पास्ट एग्जाम या मॉड्यूल में कॉपी पेस्ट करके, गलती से कॉपी पेस्ट करके, वो क्या है ना, इनकी आदत पुरानी है बेचारों की कॉपी पेस्ट करने की आदत,
तो उस चक्कर में कोई जो चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है वो भी गलती से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है तो उसके आने के चांसेस तो बहुत कम है एग्जाम में अब। लेकिन कभी गलती से आएगा तो सेम क्वेश्चन ही आएगा, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ टॉपिक्स आपको लिखवा दिए थे, उनके क्वेश्चन भी फिर अपने मिसलेनियस टॉपिक्स के करे थे सॉल्व। देखिए सबसे पहला फंड रेजिंग डिसीजन, कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है उसके लिए इसको फंड रेज करना है, तो अब कंपनी कन्फ्यूज है कि पैसा डेट से उठाए कि इक्विटी से उठाए, तो इसमें डिसीजन आपको लेके बताना है कि कहाँ से पैसा उठाना चाहिए, इंटरमीडिएट का टॉपिक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, उस तरीके से आप पैसा उठाएंगे डेट से या इक्विटी से जहां से आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर पी मल्टीपल अप्रोच हायर रहेगी, यानी डेट से पैसा उठाने के बाद देखो मार्केट प्राइस पर शेयर क्या हो जाएगी एज पर पी अप्रोच, और इक्विटी से पैसा उठाएंगे तो मार्केट प्राइस एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, एक्चुअल क्या होगी वो पता नहीं पर एक्सपेक्टेड देख लो, जहां पे मार्केट प्राइस आपको ज्यादा नजर आए शेयर की वो वाला आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन अपन ने किया था एक। इसके बाद देखिए एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट EFR, ये टॉपिक दूर दूर तक आपके कोर्स में नहीं है, ये टॉपिक देखो जितना आपके पास एक क्वेश्चन है उतना मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए कंपनी क्या बोलता है ये टॉपिक, इस टॉपिक ये एक थियरी है एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट की, ये थियरी बोलती है कि कंपनी बोलिए मेरा ग्रोथ सेल्स में ग्रोथ होगी अगले साल 20% की, सेल्स जब आपकी ग्रो करेंगे ना तो सेल्स ऐसे ग्रो नहीं कर सकती एग्जिस्टिंग कैपिटल एग्जिस्टिंग असेट्स के साथ, जब आपकी सेल्स ग्रो करेंगे ना तो आपकी असेट्स भी इंक्रीज होनी चाहिए उतने ही परसेंटेज से, बिना असेट्स में आप पैसा इन्वेस्ट करें बिना असेट्स को ग्रो करें सेल्स ग्रो नहीं करवा सकते, ये अजम्पशन पे चलता है ये मॉडल। तो अगर मेरे को सेल्स में ग्रोथ देखनी है तो मेरी असेट्स में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में बोला कि 20% से सेल ग्रो करेंगी तो यानी मेरे को अब अगले साल 20% से असेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, सर वो पैसा लाना है कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कितने पैसे की वो जरूरत पड़ेगी वो ही पता करना है, वही होगा आपका एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट। तो देखिए वो आप कैसे पता करते हैं, अब यहाँ पे असेट्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है तो असेट्स कौन सी, टोटल असेट फिक्स और करंट माइनस पेबल्स एंड प्रोविजंस, पेबल्स एंड प्रोविजंस यानी जो आपके ट्रेड पेबल या क्रेडिटर वगैरह उनको माइनस करिए, क्यों माइनस करिए, क्योंकि देखो आप असेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, करंट असेट्स में भी करना पड़ेगा फिक्स असेट, लेकिन करंट लाइबिलिटी पे भी तो इम्पैक्ट आएगा, सेल ग्रो करेंगी यानी आप रॉ मटेरियल वगैरह ज़्यादा परचेस करेंगे, ठीक है रॉ मटेरियल परचेस करेंगे तो क्रेडिटर भी तो आप बढ़ाएंगे, उनको पैसा नहीं देंगे, क्रेडिटर अभी जितना ले रहे हैं उनसे भी क्रेडिटर का परसेंटेज भी बढ़ेगा, तो यानी पेबल्स एंड प्रोविजंस भी बढ़ते हैं, तो आप टोटल असेट्स लेस पेबल्स एंड प्रोविजंस करते हैं, इसमें सेल्स ग्रोथ का जितना परसेंटेज है उतने अमाउंट से आपको बढ़ाना है इनको, तो वो अमाउंट पता कर लीजिए, इसमें से आप लेस कर दीजिए, अगले साल जब आप सेल ग्रो करेंगे तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी अगले साल कुछ कमाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स भी होंगी, तो भाई रिटेन्ड अर्निंग्स जो हमारे पास होंगी वो भी तो हम काम में ले लेंगे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो रिटेन्ड अर्निंग्स एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट ईयर वो लेस कर दीजिए, तो जो आपको अमाउंट मिलेगा ये होगा आपका एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट, यानी इतना अमाउंट आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से रेज करना पड़ेगा सेल्स में ग्रोथ करने के लिए, बस इतना टॉपिक है अपन ने क्वेश्चन किया हुआ है। इसके बाद इसमें ऐसा और पूछ सकता है बाद में, मान लो आपका अमाउंट आ गया टोटल एक्सटर्नल सोर्सेज से रेस करना है जो आ गया 10 लाख रुपीस, अब आपसे पूछा गया कि डेट से कितना रेस करूं, लॉन्ग टर्म लोन से कितना रेस करूं, इक्विटी से कितना रेस करूं, तो हर एक्सटर्नल सोर्स से कितना रेस करना है वो बताना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ रेशियोज वगैरह देगा कि डेट टू टोटल असेट्स रेशियो ये होना चाहिए, फिक्स असेट टू लॉन्ग टर्म लोन रेशियो ये होना चाहिए, क्वेश्चन जो था उसमें ऐसा ही डेटा दे रखा था, तो आप नया अमाउंट उस डेट या इक्विटी का पता कर लीजिए एज पर रेशियो गिवन इन क्वेश्चन, एग्जिस्टिंग अमाउंट आपको बैलेंस शीट में गिवन हो गई तो डिफरेंस अमाउंट आपको रेस करना है वहां से, बस बात खत्म। लास्ट देखिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसपे क्वेश्चन अपन ने देखा था इम्प्लांट INC वाला, ठीक है वो क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो अजीब सा आप लोगों को लगता था, तो मैंने यहाँ पे आपको नोट्स में समझाया था, उस क्वेश्चन में फिर कुछ भी नहीं बचा था, अपन ने इजीली कर लिया था। देखिए अब इफेक्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट और एक्सपेंशन स्कीम ऑन प्राइस ऑफ शेयर ऑफ कंपनी, कंपनी एक नया प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, एक नई अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, तो उस नए प्रोजेक्ट या नई एक्सपेंशन स्कीम की वजह से कंपनी के शेयर की प्राइस में कुछ इफेक्ट आएगा क्या? बिल्कुल आता है, मार्केट प्राइस पे इफेक्ट आता है। अभी अंबानी सोच रहा है मैं मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करूं, अभी मार्केट में लोगों को किसी को नहीं पता, वो एक नए बिजनेस में जाने का सोच रहा है मान लो, तो अब वो किसी को नहीं पता तो मार्केट प्राइस अभी नॉर्मल चल रही है, लेकिन जैसे ये न्यूज़ बाहर मार्केट में आएगी लोगों को पता चलेगा, लोग फिर मार्केट उसके शेयर में और इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, उनको लगेगा यहाँ यहाँ तो और कमाई होगी इस कंपनी में, तो इसके शेयर की वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो यानी नए प्रोजेक्ट या नई एक्सपेंशन स्कीम की वजह से कंपनी के शेयर की प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, एक्चुअल तो पता नहीं चल सकता पर एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस हम कैलकुलेट करके बताएंगे। कैसे बताएंगे? देखिए इस केस में आप सोचिए कि शेयर की प्राइस क्या होगी, जनरली बढ़ेगी ही, क्योंकि नया प्रोजेक्ट लगाएगी तो ज़्यादा इनकम होगी नए प्रोजेक्ट पे, तो उससे शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो आपको बढ़ानी है तो एक बार तो एग्जिस्टिंग जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो तो ले लीजिए, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर यानी नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर,
इसमें अब आपको ऐड क्या करना है, नए प्रोजेक्ट से कंपनी जो भी कमाने वाली है एक्सपेक्टेड एनपीवी वो आप ऐड कर लीजिए, भाई इतनी वैल्यू बढ़ेगी शेयर होल्डर्स की, टोटल वैल्यू इतने से बढ़ जाएगी जो एक्स्ट्रा कंपनी कमाएगी। एनपीवी ले रहा हूं मैं डायरेक्टली, यानी नए प्रोजेक्ट से जो इन्फ्लो आएंगे उनका पीवी माइनस नए प्रोजेक्ट पे जो भी खर्चा किया वो हटा के, डायरेक्ट एनपीवी आपको क्वेश्चन में गिवन थी। अगर डायरेक्ट एनपीवी गिवन ना हो तो जो नए प्रोजेक्ट है उसके पीवी ऑफ इन्फ्लो लोगे और जो जीरो टाइम पे खर्चा किया वो लेस करोगे, लेकिन आपको एनपीवी गिवन थी तो अपन ने एनपीवी ली। इसके बाद नए प्रोजेक्ट में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो पैसा अपन मान रहे हम इक्विटी से रेस करेंगे, तो इक्विटी से जो पैसा रेस करेंगे तो वो पैसा आएगा तो उससे भी शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ेगी, अमाउंट रेस्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर वो ऐड कर लीजिए। लेकिन आप नए सोर्स से जब पैसा रेस करोगे तो उस पर इशू कॉस्ट या फ्लोटेशन कॉस्ट भी आएगी तो वो आप लेस कर दीजिए। इसके अलावा ये डिसीजन लेने की वजह से कंपनी को कोई और बेनिफिट हो रहा है तो वो आप ले लीजिए। जैसे क्वेश्चन में अपने पास था अर्ली रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड भी कंपनी कर रही थी, नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए अर्ली रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड कर रही थी, तो अब आपको देखना है इससे क्या बेनिफिट हो रहा है। भाई इस बॉन्ड की आज के दिन इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना अपन सीख चुके हैं, फ्यूचर के कैश फ्लो का पीवी करके वो निकाल लीजिए। लेस कर दीजिए कि कंपनी को पे कितना करना पड़ रहा है इस बॉन्ड को अर्ली रिडेम्पशन करने के लिए, रिफंडिंग ऑफ बॉन्ड नहीं है अर्ली रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड है, कितना पे करना पड़ रहा है इसमें आपको देखा फेस वैल्यू पे करते हो आप, साथ में एक पेनल्टी और पे करनी पड़ती है जब आप अर्ली रिडेम्पशन करते हो तो वो आप पे करोगे। तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू मान लो इस बॉन्ड की थी 100 रुपए, आपको पे करना कितना पड़ा आज के दिन 80 रुपीज, तो यानी 20 रुपीज का आपको यहां से ये बेनिफिट और हो गया, ये भी आप ले लीजिए। तो इस सबको करने के बाद आपको एक एक्सपेक्टेड टोटल मार्केट वैल्यू मिल जाएगी शेयर होल्डर्स की, इसको डिवाइड कर दीजिएगा नंबर ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स कंपनी के कितने हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस नए फंड रेज करे थे वहां से जो शेयर्स इशू किए थे वो आ जाएंगे, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे तो आपको एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस मिल जाएगी। और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका 5-10 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा, आप देखेंगे तो अपन ने किया अभी तक क्लास में। तो अपना सिक्योरिटी वैल्यूएशन मैंने आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट रिवाइज करा दिया है, आप क्वेश्चंस वापस से रिवाइज कर लीजिएगा जो भी अपने लेक्चर में क्वेश्चन बैंक के थ्रू किए थे, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व वापस से हो जाएंगे इजीली। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।